हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन वेलकम और रूस्तम सीरीज़ में आपका स्वागत है और मॉर्निंग में आपने जोग्राफ़ी की क्लास करी और आपको टाइम एनडीए के लिए मैथ्स की क्लास आपको मेरे द्वारा देखने को मिलेंगी ऐसे ही क्लासेस और भी होंगी ठीक है हमारी टीम है उसके द्वारा तो तैयार रहिए बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए बस मेहनत करिए ठीक है थीके? हम तो करेंगे ही आपके साथ ये आपकी भी जिम्मेदारी है यदि हम आपके साथ चार घंटे कर रहे हैं तो आपको दस घंटे करना पड़ेगा मेहनत वैसा तो हम करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे तैयार है सब लोग फटाफट आ जाओ तैयार है सब आ जाओ फिर पूरा आराम से बेसिक से करेंगे हम आराम से ठीक है जल्दीबाजी नहीं ठीक है जल्दीबाजी नहीं आराम आराम से करेंगे सब कुछ करेंगे तो ये नहीं है कि बस सर थोड़ा जल्दी जल्दी कर दीजिए तो ये मत बोलना कोई ठीक है नहीं एक ही दिन में नहीं होगा ना बेटा सारी क्लासेस, एक ही दिन में सारी क्लासेस नहीं होंगी ना हाँ जी सर बहुत बढ़िया पढ़ा थे जोग्राफी अच्छा पढ़ा रहे थे तो और भी मिलेंगे लेकिन अभी एक ही दिन में कहाँ कर पाओगे यार ठीक है तो और हमारे आएंगे कल होगी कल जो भी शेड्यूल होगा आप देख लेना कल और भी क्लासेस होंगी वो भी देखने को मिलेंगी अभी एक ही दिन में सारी सब्जेक्ट भाई ज़्यादा भी, भी देर, देर देर तक भी तो पढ़ रहे हो ना लंबी लंबी क्लास हो रही है तो लंबी लंबी ऐसा तो नहीं हो सकता कि छः लोगों की चार पाँच पाँच घंटे की लंबी हो जाएगी तीस घंटे की हो जाएगी हैं घंटे तो चौबीस ही होते हैं ठीक है चलिए हाँ स्टार्ट करते हैं बेसिक से शुरू करेंगे आराम आराम से ठीक है चलिए सेशन लंबा ही होगा कितना लंबा होगा ये सब तो नहीं बता सकता पर लंबा होगा ठीक है ये छोड़ दीजिए कितना लंबा होगा चलिए फटाफट आ जाए और सीक्वेंस वाइज फॉलो करिएगा ये नहीं कि बीच में भाग गए और दो घंटे बाद आ रहे हो फिर तो समझ में नहीं आएगा ना सीक्वेंस से रहोगे पूरा रहोगे तो ही समझ में आएगा ठीक है नहीं मेरी रोज नहीं होगी तीन दिन होगी बेटा वीक में थ्री डेज होगी जैसे अगली जो हमारी मेरी क्लास है वो थर्सडे को मिलेगी आपको बाइनोमियल थ्योरम और परमोटेशन कॉम्बिनेशन इन वन शॉट और फिर एक क्लास मिलेगी संडे को मेरी और वो क्लास मिलेगी आपको ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट की ठीक है ओके चलिए तो आ, डिफिनीशन से ही शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफिनीशन से ही शुरू करते हैं हम ठीक है

वो इसके अंदर देखने को मिलेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से भी बड़ा एक ठीक है नंबर्स होते हैं तो देखिए यहां पर जरूरत कैसे पड़ी तो यहां पर जब अंडरवुड आ गए ना अंडरवुड के अंदर निगेटिव नंबर्स आ गए ठीक है जैसे अंडरवुड के अंदर माइनस आ गया तो भाई सोचा गया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडरवुड के अंदर माइनस नाइन आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट ये बना कि भाई जो आयोटा जो रूट माइनस वन है उसे हम बोल देते हैं आयोटा क्या बोल देते हैं रूट माइनस वन को आयोटा बोल देते हैं ठीक है रूट माइनस वन को क्या बोल देते हैं आयोटा बोल देते हैं तो ये बताइए रूट माइनस फोर कितना होगा रूट फोर इंटू रूट माइनस वन रूट फोर हो जाएगा आपका टू और रूट माइनस वन हो जाएगा आयोटा वैसे ही रूट के अंदर माइनस नाइन आएगा तो क्या होगा तो आप कहोगे भाई इसे रूट नाइन इंटू रूट माइनस वन लिख सकते हैं ठीक है तो ये कितना हो जाएगा रूट नाइन तो आपका थ्री हो जाएगा रूट माइनस वन आयोटा हो जाएगा इसकी जरूरत ऐसी पड़ी कि भाई चलो मान लो यदि आपको एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर जीरो इसको सॉल्व करना है तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम कितना एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू बराबर जीरो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है एक्स बराबर आ जाएगा माइनस टू और एक्स बराबर कितना आ जाएगा टू एक्स बराबर माइनस टू आ जाएगा और एक्स बराबर कितना आ जाएगा टू लेकिन यहीं पर सोचो यदि एक्स स्क्वायर प्लस फोर बराबर जीरो हो जाए यदि ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे तो तब वहीं पर कॉन्सेप्ट ये बनाया गया था भाई एक्स स्क्वायर को अब क्या लिखोगे इधर जाएगा माइनस फोर बन जाएगा एक्स एक्स कितना आ जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस फोर अब रूट माइनस फोर अभी हमने बताया था कितना आया टू एटा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस टू एटा यही वैल्यू निकालना था आपको कुल तो मिला के ठीक है ओके तो यहां तो रियल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर कभी जीरो होगा नहीं किसी भी रियल संख्या के लिए तो नहीं होगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर जीरो तो वहां पर क्या करेंगे वही आपको यहां पर सीखने को मिलेगा चलिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में यहीं से शुरुआत हुई जब अंडर रूट के अंदर आने लगे अब कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो आयोटा जो होता है जो आयोटा होता है रूट माइनस वन होता है ठीक है याद रखिएगा अब कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में लिखा जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं हम ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर ए और बी ये दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं ए और बी दोनों के दोनों क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं वास्तविक संख्या होती है ए और बी दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं ये याद रखिएगा ए और बी दोनों रियल होते हैं ठीक है अब ए को जो हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड आर ई शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं होता है ये रियल पार्ट ऑफ जेड रियल पार्ट ऑफ जेड हिंदी में बोलते हैं जेड का वास्तविक भाग जेड का वास्तविक भाग ठीक है और बी को क्या बोलते हैं ये बी को क्या बोलते हैं तो बी जो होता है उसे हम बोलते हैं आई एम जेड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जेड का काल्पनिक भाग जेड का काल्पनिक भाग ये इमेजनरी पार्ट होता है ए रियल पार्ट होता है और बी क्या होता है आपका इमेजनरी पार्ट होता है ठीक है तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं और आप बताइएगा एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर ले ली टू माइनस थ्री है उता. मैंने कहा भाई मुझे r e z बताइए तो कितना होगा और i m z कितना होगा ये शॉर्ट फॉर्म है हम बार-बार यही इस्तेमाल करेंगे रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा तो रियल पार्ट ऑफ z यहाँ पर 2 होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z z का काल्पनिक भाग तो वो -3 होगा आयोटा मत बोलिएगा ध्यान रखिएगा आयोटा नहीं बोलने का ठीक है आयोटा नहीं बोलना है आपको ठीक ए भी दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे ये याद रखिएगा टू और माइनस थ्री टू हो गया रियल पार्ट माइनस थ्री हो गया इमेजनरी तो हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की definition. अब यहां पर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि देखो जो अंडरवुड ए है और अंडरवुड बी है उससे आप अंडरवुड ए बी तभी लिख सकते हो यह अंडरवुड ए बी तभी होगा जब ए और बी में से कोई कम से कम एक या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए मतलब दोनों के दोनों यदि निगेटिव है तो फिर ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता जैसे रूट टू और रूट माइनस वन है यदि इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हो जाएगा रूट टू इन टू माइनस वन सीधे आप रूट माइनस टू लिख सकते हो ये सही है लेकिन कभी यदि रूट माइनस चार लिखा गया है और रूट माइनस नाइन लिखा गया है रूट ए प्लस इंटू रूट बी ये आप ये नहीं लिख सकते हो ये गलत है ये क्या है गलत है जब इनमें से दोनों में से कोई एक नॉन निगेटिव होना चाहिए मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए या तो जीरो हो जाए या तो पॉजिटिव हो जाए तो चलेगा लेकिन यहां तो दोनों नेगेटिव हैं तो फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई ये करना गलत है ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता चलिए ये बात आपको समझ में आ गई हो अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यह बताता हूं जैसे कि जब हम ए स्क्वायर प्लस बी बात करते हैं यदि ये जीरो है, है? है, है? ठीक और जब A रियल होता है, तो कब संभव बताइए। किसी भी दो संख्याओं के स्क्वायर का सम यदि जीरो है दो नंबर्स ए और बी हैं, ठीक है ठीके? दो नंबर ए और बी हैं उनके स्क्वायर का सम जीरो आ रहा है और ये दोनों रियल नंबर हैं ए और बी तो ऐसा तभी संभव है जब ए जीरो हो जाए जब ए जीरो हो जाए और बी जीरो हो जाए ये आप देखोगे मैथ्स में कई बार इस्तेमाल होता है ये कई बार इस्तेमाल होता है जब हम कहते हैं भाई दो के स्क्वायर का सम यदि जीरो आ रहा है वर्गों का योग जीरो आ रहा है तो फिर यार ये दोनों के दोनों जीरो होंगे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ये रियल के केस में है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ऐसा नहीं है जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर यदि जीरो आ रहा है यदि आ रहा है तो कतई ये मतलब नहीं ए बराबर जीरो और बराबर जीरो होगा। लेकिन यहां पर कि जेड वन जीरो हो जाए और जेड टू जीरो कतई इंप्लाई नहीं करता है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जा जाएगा बेटा कंप्लीट कराया जाएगा

मतलब इनका स्क्वायर का सम यदि जीरो है तो जरूरी नहीं कि दोनों जीरो होंगे वन प्लस एयटा वन माइनस एयोटा का स्क्वायर का सम भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है चलिए अब हमारा जो मेन उद्देश्य है आयोटा के बारे में पढ़ना तो आयोटा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि आयोटा जो होता है वो रूट माइनस वन होता है ये हमने पढ़ा बहुत सारी इंफॉर्मेशन ठीक है ओके okay, आयोटा कितना है रूट माइनस वन आयोटा स्क्वायर देखिए इसमें बहुत सारी चीजें ना बार बार इस्तेमाल होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में ठीक है बार बार इस्तेमाल होंगी बहुत सारी चीजें जैसे आयोटा स्क्वायर बार बार इस्तेमाल होगा तो आयोटा स्क्वायर जो होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है आयोटा क्यूब कितना होगा तो वो माइनस आयोटा के बराबर होगा आयोटा हमेशा चार के मल्टीपल में क्या होता है वन होता है ये सारी बातें आपको याद रखनी है आयोटा हमेशा चार के मल्टीपल में क्या होता है वन के बराबर होता है ठीक है आयोटा की पावर यदि चार का मल्टीपल है तो वो क्या होगा वन के बराबर होगा हमेशा बात समझ में आ रही है तो जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मुझे आयोटा की पावर आठ बताना है आयोटा की पावर बारह बताना है तो आप क्या कहोगे क्योंकि ये चार से डिवाइड हो जाता है ये चार से डिवाइड हो जाता है ठीक है ठीके? क्यों तब इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी वन के बराबर चार का मल्टीपल है ना एट भी चार का मल्टीपल है और ट्वेल्व भी चार का मल्टीपल है देखो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा कैसे आया तो आप कर सकते हो इसे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है माइनस वन का अयोटा इंटू करेंगे माइनस आयोटा आएगा ठीक है ठीके? तो देखो आयोटा की कोई भी बहुत बड़ी पावर की दी, आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है निकालने को जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक सौ दस आयोटा की पावर वन हंड्रेड टेन निकालना है तो सिंपली आपको करना क्या है चार से डिवाइड कर देना है ठीक है जो भी आयोटा की मैक्सिमम पावर दिख रही है उसको चार से डिवाइड करिए जो रिमाइंडर बचेगा जो सेसफल बचेगा वही आप आयोटा की पावर लिख दीजिए अब ऑब्वियसली या तो एक रिमाइंडर बचेगा या तो दो या तो तीन या तो नहीं बचेगा यही होगा चार से डिवाइड करेंगे तो तो बताइए 110 को चार से डिवाइड करेंगे कितना आएगा ठीक है बताइए चार से डिवाइड करो तो चार दो बार जाएगा कितना बचेगा आठ दो बार जाएगा आठ बचेगा जाएगा तो बचेगा कितना तीन बचेगा और सात बार सात बार ठीक है तो दो रिमाइंडर बचेगा तो कितना आ माइनस वन इसी तरह से पता करना है आपको जितना भी अब रिमाइंडर या तो एक बचेगा शेष फल या तो दो या तो तीन या तो नहीं बचेगा और जब नहीं बचेगा तो वन हो जाएगा मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो चार के मल्टीपल में अब इस पर इस पर ना ऐसा नहीं है कि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है यार इतना तो विश्वास रखो कि डिवाइड तुम्हें आता है बस कौन सी बहुत बड़ी नहीं कि इस पर बीस पच्चीस बीस बीस एग्जाम्पल कर लिए ओटा की पावर बीस है ओटा की पावर पाँच सौ निकाल लिए क्या मतलब है इसका चार की पावर डिवाइड ही तो करना है कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं ठीक है तो ये सब आपको याद रखना है आयोटा के में ये ज़्यादा इस्तेमाल होंगे कि चार के मल्टीपल में वन होगा ओके कुछ बातों का और ध्यान रखना है जो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एक तो याद रखिएगा वन अपॉन जो आयोटा होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होगा ये बार बार इस्तेमाल होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या है इंपॉर्टेंट ये बहुत बार इस्तेमाल होगा ये इंपॉर्टेंट है वन अपॉन आयोटा होगा माइनस आयोटा के बराबर सर कैसे आया आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको पता लग जाएगा ये क्यों मैं कह रहा हूं कि इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट में क्योंकि ये बार बार यूज होगा ठीक है और चीज जो बार बार यूज होगी वो क्या होगी वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा ठीक है ये कितना होता है तो ये होता है आयोटा के बराबर ये होता है आयोटा के बराबर ये भी इंपॉर्टेंट है बार बार इस्तेमाल होगा ये भी इंपॉर्टेंट है ये बार बार इस्तेमाल होगा ठीक है फिर आ गया एक कह रहा सर फास्ट चलिए अभी तुम पढ़ चुके हो तो फिर इसका मतलब बेटा ये तो नहीं है कि सबको आता है ठीक है चलिए ठीक है समझ रहे हो मेरी बात को तो वन माइनस अयोटा प्लस अयोटा मान लीजिए किसी के घर गए ठीक है और तुमने क्या किया तुम पहले से ना सब नाश्ता पानी करके आए हो बाहर से चाय पकौड़ी करके आए हो तुम घर गए उसके और जब घर में बैठे तुम करो सीधे खाना लाइए अरे भाई और लोग तो आए हैं और लोग तो नाश्ता पानी करेंगे ना पहले और लोगों को करने दो ठीक है जब उन नाश्ता पानी हो जाएगा तो तुम आओगे तुम्हें भी देखने को मिलेगा तुम्हें भी मिलेगा साथ में खाना तो वेट करो जल्दी बाजी में रहते हो अपने बारे में सोचते हो बस वन माइनस एयोटा अपॉन वन प्लस एयोटा जो होगा वो होगा माइनस एयोटा के बराबर ये भी इंपॉर्टेंट है इसको भी याद रखिएगा सर ये सब आया कैसे है नीचे के नीचे के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है नीचे के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा ये हम बाद में सीख लेंगे ठीक है अभी चलो अभी प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा ठीक है और नीचे एक और चीज बार बार याद रखिएगा एक और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है उसको भी याद रखिएगा ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार इस्तेमाल होगा इससे आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार ये चीज इस्तेमाल होती है देखो यहीं पर इस्तेमाल हो गई ये वन माइनस आयोटा है और वन प्लस अयोटा है बस अंतर क्या है प्लस अयोटा की जगह माइनस एयोटा है बाकी नंबर सेम है तो कितना होगा वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर ए कितना है वन और बी भी कितना है बी कितना है माइनस वन या फिर बी वन बोल सकते हो यदि तुलना ए माइनस अयोटा बी से कर रहे हो तो देखो अयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है आयोटा स्क्वायर माइनस वन इसके साथ कट जाएगा ये टू आयोटा है नीचे ये टू है तो ये कितना आ जाएगा आयोटा इसी तरीके से अगला वाला भी प्रूफ हुआ है तो ये बहुत जो मैंने आपको बताया है वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं चारों रिजल्ट आपको याद रखने हैं चलिए आगे बढ़े ये चारों रिजल्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे मिलेगा पीडीएफ मिलेगा यार ठीक है जरूर मिलेगा चलिए अब इस क्वेश्चन में अब यहीं पर आपको इस्तेमाल होते दिखेगा एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं अब कुछ भी कर सकता है ऊपर एन स्क्वायर लगा सकता है ठीक है आगे रियल पूछ सकता है वन पूछ सकता है बहुत कुछ पूछ सकता है ठीक है क्वेश्चन को पढ़िए क्या आप दिया गया है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, एन एन का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक मान चाहिए सबसे छोटा होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए लीस्ट होना चाहिए छोटा होना चाहिए मतलब और पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए जिसके लिए ये जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाए रियल हो जाए कौन सी क्वांटिटी आयोटा माइनस वन अपॉन आयोटा प्लस वन की पावर एन ये क्या हो जाए रियल हो जाए ऐसा एन का सबसे छोटा मान बताना है तो कई बार आप क्वेश्चन को रट लेते हैं क्योंकि एक हमने क्वेश्चन किया था उसमें चार आया था इसीलिए इसका आंसर भी चार होगा इस पहले सोच को बदल दो ये सोच कतई अच्छी बात नहीं है रखना इससे क्या होगा एग्जाम में आप गलत करके आओगे ऐसी सोच बदलिए कि आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें चार आ रहा था तो चार मार देते है यार। हैं यार ठीक है समझ रहे हो मेरी बात को आप थोड़ा ध्यान से देखिए यदि मैं इसमें से कुछ देर के लिए यहां से माइनस बाहर रखू यहां पर आपको दिखेगा कि ये क्या लिखा हुआ है माइनस कुछ देर के लिए यहां से बाहर लू तो लिखा है वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा लिखा गया कि नहीं और इसकी पावर एन इसको रियल आना है ध्यान से देखिए ये जो वन माइनस आयोटा है अपॉन वन प्लस आयोटा है अभी हमने पीछे क्या बताया था वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा क्या है माइनस अयोटा के बराबर है तो ये हो गया ये हो गया माइनस आयोटा और ये माइनस वन मतलब ये टोटल अयोटा आ गया तो आयोटा की पावर एन को रियल होना है तो एन की वैल्यू मिनिमम आपको क्या लेनी होगी टू लेनी होगी आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा ये वन नहीं बोला है आपसे यदि ये वन बोला होता तो हम करते यदि वन बोला होता तो करते बेटा पर यहां पर वन नहीं बोला गया है यहां पर वन नहीं बोला है, उसने रियल बोला है उसने बोला है वास्तविक होना चाहिए क्या होना चाहिए वास्तविक होना चाहिए वन नहीं बोला है कि आपने चार आंसर दे दिया है चार आंसर तब सही होता थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ऐसी दूसरा है जिसको नहीं भी याद है तो फिर वो नीचे के अपोजिट साइन से आयोटा माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकता है ठीक है वो भी कर सकते हो आप कहा रियल पॉजिटिव बोला है रियल नंबर बोला है बेटा रियल पॉजिटिव नहीं बोला है कहा रियल पॉजिटिव बोला है? बताना मुझे वास्तविक संख्या बोला गया है कहां पर रियल पॉजिटिव बोला गया है? बताना मुझे रियल नंबर है रियल पॉजिटिव का जिक्र ही नहीं कहां रियल पॉजिटिव बोला गया भाई आयोटा माइनस वन अपॉन आयोटा प्लस वन मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा बन गया अब ये वैल्यू माइनस आयोटा होती है। मैंने पीछे बताया था माइनस एयोटा और माइनस प्लस एयोटा प्लस एयोटा की पावर एन अब एयोटा की पावर एन है तो एन का मान जब वन रखेंगे तो अयोटा आएगा जब दो रखेंगे तो वो माइनस वन आ जाएगा तो रियल मिल गया ना माइनस वन तो रियल नंबर ही होता है ठीक है चलिए, सम तो फर्स्ट फर्स्ट फोर आयत पावर इज जीरो जैसे मैं कहूं कि आयोटा की पावर वन आयोटा की पावर टू आयोटा की पावर थ्री आयोटा की पावर फोर क्या होगा तो आप कहोगे भाई ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो के बराबर हो जाएगी क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन होगा आयोटा क्यूब जो होगा वो माइनस आयोटा होगा आयोटा की पावर फोर वन होगा तो इसके साथ कट गया इसके साथ कट गया कितना आ गया जीरो आ गया ठीक है तो यही से फिर ये कॉन्सेप्ट भी बनता है कि जो आयोटा की चार लगातार पावर होती है मतलब निगेटिव में नहीं होनी चाहिए जैसे आयोटा की पावर एन आयोटा की पावर एन प्लस वन आयोटा की पावर एन प्लस टू यहां पर एक नोट में रख लीजिए एक बार अच्छे से और आयोटा की पावर एन प्लस थ्री ये क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा जैसे आयोटा की पावर सौ ठीक है और एन बिलोंग्स टू आप क्या रखना यहाँ पर नेचुरल नंबर रख लेना ठीक है वन वन के केस में भी चलेगा आ, आयोटा की पावर सौ हो गया ये और फिर एक काम करते हैं आयोटा की पावर एक सौ एक आयोटा की पावर एक सौ दो की पावर एक सौ तीन तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा चार लगातार सौ एक सौ एक सौ दो और एक सौ तीन कितना हो जाएगा जीरो के बराबर ये याद रखिएगा ये रिजल्ट है और इससे आपको ठीक है ये एक रिजल्ट है और इससे थोड़ा सा क्वेश्चन में आसानी आ जाती है इस क्वेश्चन सॉल्व करने में ठीक है इस रिजल्ट को याद रखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अच्छा इस पर बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो ये कह सकता है कि यहाँ पर वन प्लस माइनस अयोटा दे देगा उसकी पावर वो ये कह सकता है कि ये वन कब होगा तो फिर आप आयोटा की पावर ये चेक करोगे वन कब होगा तब एन बराबर चार आंसर आएगा फिर वो कह सकता है कि प्योरली इमेजनरी कब होगा पूर्ता काल्पनिक कब होगा तो ये सब चीजें वो पूछ सकता है आपसे ठीक है ये क्वेश्चन में बनते हैं इस तरह के जैसे इसी में यदि वन बोल दिया होता वो ये बोल दिया होता कि ये सारी वही कंडीशन है और आयोटा की पावर वन माइनस वन और आयोटा पावर वन ये क्या हो जाए वन के बराबर हो जाए तो बताना है तो फिर ये आयोटा की पावर एन आया था उस समय जो एन जो मिनिमम आता वो चार आता वो कितना आता चार आता क्योंकि आयोटा की पावर फोर क्या हो जाएगा वन के बराबर हो जाएगा मिनिमम क्या आएगा चार आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस आयोटा स्क्वायर ठीक है यहां ऑप्शन दे देता हूं जीरो वन टू चलिए फटाक से बताइए इसका आंसर वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर फोर प्लस आयोटा की पावर सिक्स डॉट 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 अयोटा की पावर टू एन इसका क्या बताना है आपको समेन बताना है अब कई लोग एक मन में धारणा बना लेते हैं कि बहुत सारे टर्म है कट रहा है तो जीरो हो जाएगा मुझे बताओगे कि जीरो तो पहली बार ये नहीं होना है ये ये पहले सोच बदलिए अपनी ये पहली सोच बदल दीजिए कि ये आपने दो चार देखा कट रहा है तो पूरा ही कट जाएगा इसकी गारंटी आपको कहां से मिल गई ये बात समझ में नहीं आ रही तुक्का मैं आज की क्लास में आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप क्यों तुक्का मारते हो कहां से तुक्का जबरदस्ती मारते हो वो मैं आपकी सोच बताऊंगा कैसी सोच आपकी हो गई है जिससे आपके क्वेश्चन गलत आंसर देते हो तुमने क्या मान लिया कि ये कट रहा है देखो ये कट रहा है आ, ये इसके साथ कट जाएगा और ये भी आ, ये भी कट जाएगा अच्छा ये वन आ जाएगा और ये माइनस कट जाएगा तो फिर ये कट के जीरो ही हो जाएंगे ये बेटा गलत है ठीक है तो आंसर तो ये कुछ नहीं होने वाला है आंसर आपका डी ही होने वाला है इसका क्योंकि इसकी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है एक क्योंकि एन हमें दिया ही नहीं गया है ध्यान से देखिएगा तो पहली बात तो ये जीपी है ठीक है पहली बात तो ये क्या है जीपी है ध्यान से देखिएगा ये क्या है जीपी है एक जीपी है कि नहीं जिसका पहला टर्म क्या है वन है आर यदि हम देखें तो आयोटा स्क्वायर जो अयोटा स्क्वायर है आर जो कि माइनस वन है ठीक है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पदों की संख्या कितनी है तो वो आपका एन प्लस वन है पदों की संख्या एन प्लस वन है कि नहीं पदों की संख्या क्या है एन प्लस वन है भाई देखो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये आयोटा की पावर टू आयोटा की पावर फोर आयोटा की पावर टू एन तो यहां से यहां तक एन है और एक ये भी तो है कितना आ जाएगा एन प्लस वन फॉर्मूला क्या लगा देंगे ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन एस एन निकालने का लेकिन यहां तो एन प्लस वन टर्म है तो समेशन कितना होगा 1, R, मतलब -1 की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन माइनस वन अब देखिए ये वैल्यू एग्जैक्ट आएगी नहीं यदि आप एन बराबर वन डालोगे यदि आप एन बराबर वन डालोगे तो फिर ये वैल्यू वन आ जाएगी ये वैल्यू क्या आ जाएगी वन और वन आ जाएगी तो वन माइनस वन जीरो आ जाएगा लेकिन एन बराबर टू डाल के देखो आप एन बराबर टू डालोगे तो ये वैल्यू जीरो नहीं आएगी इसका मतलब है कोई एक एक वैल्यू आएगी नहीं इसकी ठीक है कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी इसकी कोई तो ये हम हमने डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें एन दिया ही नहीं है और तो दिया नहीं है तो फिर एन हम नहीं निकाल सकते तो जवाब है कैन नॉट बी डिटरमाइंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब हम वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं चलिए कह रहा सर मोए मोए हो गया हाँ ठीक है समझ रहे हो मोए मोए हो गया चलिए आगे बढ़े एन पर डिपेंड करेगा ना तो जल्दी बात देखो सही मत करिए पर गलत कम करिए मिनिमम गलतियां करेंगे तो एग्जाम अच्छा होगा क्योंकि ज्यादा गलत करके आएंगे तो जो किए हुए क्वेश्चन वो भी खराब हो जाएंगे आपके अलजेब्रा ऑपरेशन विथ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब अब हम सीखेंगे कि एड कैसे करते हैं सब कैसे करते हैं इंटू कैसे करते हैं डिवाइड कैसे करते हैं ठीक है अलजेब्रा में यही सब कुछ मिलेगा आपको देखने को तो देखो एडिशन कैसे कर देंगे योग एडिशन कैसे करते हैं तो जैसे जेड वन बराबर ए वन प्लस बी वन है आगे बहुत कुछ मिलने वाला है आपको टेंशन मत लीजिए आगे बहुत कुछ इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन एकदम डिफरेंट डिफरेंट मस्त तगड़े वाले क्वेश्चन सब कुछ मिलेंगे लेकिन अब वो दस मिनट में नहीं मिल जाएगा सब कुछ ठीक है वन शॉट है तो फिर मिलेगा पर समय थोड़ा सा समय लगेगा इसमें जैसे जेड वन बराबर ए वन प्लस एओटा बी वन है और जेड टू बराबर ए टू प्लस एटा बी टू है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको यदि जोड़ना है तो सिंपल है आप रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दीजिए रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दीजिए आयोटा कॉमन लीजिए इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी में ऐड कर दीजिए बी वन प्लस बी टू कोई दिक्कत नहीं एडिशन समझ में आ गया ठीक है बात समझ में आ गई जेड वन प्लस जेड टू कितना आएगा दोनों को ऐड करिए ए वन प्लस ए टू प्लस अयोटा बी वन प्लस बी टू दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया एडिशन यही होगा रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दिया रियल पार्ट क्या है ए वन ए टू उसको ऐड कर दिया इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड कर दिया सिंपल एक एग्जाम्पल ले लेते ले हैं जेड वन बराबर वन प्लस एयोटा और जेड टू बराबर थ्री माइनस फोर एयोटा यदि हमें इसको ऐड करना है तो वन को थ्री में ऐड कर दिया फोर हो गया माइनस फोर को आयोटा में किया तो माइनस का थ्री आयोटा हो गया समझ रहे हो? ठीक है? यदि आपको घटाना है जैसे जेड वन बराबर ए वन प्लस अयोटा बी वन है और जेड टू बराबर जेड टू इक्वल टू ए टू प्लस आयोटा बी टू है तो यदि आपको जेड वन माइनस जेड टू करना है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस कर दीजिए और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से माइनस कर दीजिए बस सिंपल सी बात है रियल को रियल के साथ कर दिया इमेजनरी को इमेजनरी के साथ कर दिया ओके मल्टीप्लीकेशन जेड वन जेड टू मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे जैसे जेड वन आपके पास ए वन प्लस बी वन है और जेड टू जो है वो ए टू प्लस बी टू है ठीक है अब आपको क्या करना है जेड वन इंटू जेड टू यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटू करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटू करना है इंटू कैसे करेंगे हम देखो जैसे नॉर्मल नॉर्मल इंटू करते हैं ना जैसे नॉर्मल आप अल्जेबरा में इंटू करते हो वैसे ही करना है ए वन का ए टू में करेंगे तो ए वन ए टू आ गया ए वन का आयोटा बी टू में करेंगे तो आयोटा ए वन बी टू आ जाएगा प्लस फिर इसका करेंगे देखो इसका दोनों के साथ हो गया तो फिर इसका दोनों के साथ करेंगे आयोटा बी वन का ए टू के साथ करेंगे फिर आयोटा बी वन का आयोटा बी टू के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बी वन बी टू आ जाएगा ठीक है आप देखिए ध्यान से स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का बी वन बी टू आ जाएगा आ जाएगा कि नहीं देखो तो ये माइनस का आएगा ना बी वन बी टू आयोटा स्क्वायर माइनस वन और आयोटा यहां से कॉमन ले लिया ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन आ गया अब ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ जेड वन टू कितना आ गया जेड वन टू का रियल पार्ट कितना आ गया तो आप कहोगे ये वाली क्वांटिटी, ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू कितना आ गया तो आप कहोगे ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन तो ये इस तरह से आप इनटू करेंगे ठीक है अब हम बात कर लेते हैं कि डिवीजन भाग हाँ कैसे करते हैं ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो जैसे जेड वन बराबर ए वन प्लस आयोटा बी वन है और जेड टू जो है वो ए टू प्लस आयोटा बी टू है और आपको यहां पर जेड वन अपॉन जेड टू करना है ए वन प्लस आयोटा बी वन अपॉन ए टू प्लस आयोटा बी टू तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बीच कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर हम नहीं छोड़ते हैं तो नीचे जो भी साइन है प्लस आयोटा है तो माइनस एयोटा नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं जब भी डिवीजन की बात आएगी जैसा हमने वो वन प्लस एयोटा वन माइनस एयोटा में किया था तो ए वन माइनस आयोटा सॉरी ए टू माइनस आयोटा बी टू ए टू माइनस आयोटा बी टू आप ध्यान से देखिएगा ठीक है ये जो ए टू प्लस अयोटा बी टू है ए टू माइनस अयोटा बी टू है वो कितना होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों नंबर सेम है केवल बीच में प्लस आयोटा है और यहां माइनस आयोटा है तो आंसर आएगा ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर याद आ रहा है याद आ रहा है मैंने आपको बताया था सीक्वेंस से पढ़ते चलो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी याद आ रहा है ना अब यह समझ में आ जाएगा कैसे हुआ ऊपर कर लीजिए ए वन का ए टू में होगा ए वन ए टू हो जाएगा वन का इसमें होगा -A1, हो जाएगा प्लस आयोटा अरे प्लस आयोटा एक मिनट प्लस आयोटा बी वन ए टू हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर बी वन बी टू हो जाएगा तो बस आप रियल पार्ट रियल पार्ट में कर लीजिएगा ठीक है चलिए अब आपको मैं बताता हूं जैसे हमने एक चीज करी थी ना वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा को हमने क्या लिखा था माइनस आयोटा लिखा होगा तो देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड ही तो है बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड ही तो है ठीक है तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है तो वही नीचे प्लस आयोटा है तो वन माइनस अयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर बन गया वन माइनस अयोटा का होल स्क्वायर और नीचे बन गया मैंने क्या बोला दोनों तो सेम नंबर है देखो वन वन है और यहाँ पर आयोटा है माइनस एयोटा है तो सीधे वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर हो गया तो वन माइनस अयोटा का स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस टू अयोटा आप ऑन हो जाएगा टू तो ये कट जाएगा या आ जाएगा माइनस है होता तो ये प्रूफ हो गया ना आपको तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि कभी डिवाइड में है तो नीचे के अपोजिट साइन से बाद में हम पढ़ेंगे कि ये कॉन्जुगेट होता है ठीक है उससे क्या आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए क्लियर है चलो कोई दिक्कत हम्म ठीक है ना चलिए। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जिसे बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम ये क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है क्या होगा नीचे समस्या ठीक है ए टू लिख लो यहां पर ए टू है ना टू है और क्या चलिए ठीक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ठीक है ना क्या दिक्कत है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है देखो गुणात्मक प्रतिलोम तो गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है जैसे मैं कहूं कि जो जेड इनवर्स होगा जो वन बाई जेड होगा सिंपल रेसिप्रोकल प्रोकल यही क्या होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड होगा जेड का गुणात्मक प्रतिलोम जेड का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा वन बाई जेड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछेगा ठीक है समझ रहे मेरी बात किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछेगा तो आप क्या करोगे वन अपॉन वो कॉम्प्लेक्स नंबर कर दोगे गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो वन अपॉन वो कॉम्प्लेक्स नंबर कर दोगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिल जाएगा ठीक है बात समझ में आ रही है तो जैसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ इसका बताना है जल्दी इस फटाक से बताओ थ्री प्लस फोर है का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो क्या करेंगे भाई इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है तो मैंने क्या बताया कि आपको क्या कर लेना है One upon कर लेना है क्या कर लेना है One upon कर लेना है इतना वन अपॉन थ्री प्लस फोर एयोटा ये हो जाएगा इसको यदि हम जेड मान लेते हैं तो वन बाई जेड आपका क्या होगा इनवर्स ठीक है अब बताइए इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ेंगे तो है नहीं तो नीचे के अपोजिट साइन से जिसे हम बाद में कॉन्जुगेट पोलेंगे लेकिन अभी ठीक है थ्री प्लस फोर एयोटा है तो थ्री माइनस फोर एटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए ओके, तो ये बताइए थ्री प्लस फोर एस फोर एटा कितना हो जाएगा? मैंने आपको बताया था अभी नंबर सेम है केवल प्लस एटा माइनस एटा का अंतर है तो नीचे आ जाएगा थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा थ्री माइनस फोर एओटा तो थ्री बाई ट्वेंटी फाइव माइनस फोर बाई ट्वेंटी फाइव आयोटा ठीक है कह रहे सर आज हंस नहीं रहे मजा नहीं आ रहा है यार मेरे हंसने से मजा मजा लेने आए हो यहां पर डांस वांस करूं क्या बताओ मजा तुम्हें चाहिए तो मजा लेने आए हो अरे गणित की क्लास में यार तुम लोग कैसी बातें करते हो मजा लेने आए हो बताओ लोग मंगाओ भाई सब मजा नहीं आ रहा इनको मजा चाहिए इनको अरे इतना इंस्टाग्राम चलाते हो वहाँ तो मिल ही जा रहा होगा ना मज़ा अभी तुम क्लास में भी यही चाहोगे ये कह रहा है पच्चीस नहीं होगा नाइन बाई ट्वेंटी फाइव और सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव होगा ये कहां से आ गया भाई है मैंने कितनी बार आपको बताया कि भाई वन प्लस टू एओटा और आपको वन माइनस टू एओटा का इंटू करना है तो ये वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर होगा वन प्लस थ्री एटा और वन माइनस थ्री एटा का इन टू करना है तो वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर होगा टू प्लस एटा टू माइनस एटा का इन टू करना है तो ये टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर होगा वैसे ही थ्री प्लस फोर एटा और थ्री माइनस फोर एओटा का इन टू करना है तो थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर होगा तो काय कंफ्यूज हो इतना है ओके okay, तो चलिए थ्री बाई ट्वेंटी फाइव माइनस फोर बाई ट्वेंटी फाइव उठा चलिए आगे बढ़ते हैं तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम ये वन अपॉइंट टू माइनस थ्री उठा कर लोगे फिर आप वन बाई जेड यदि हम इसको जेड मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा टू प्लस थ्री एटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं टू प्लस थ्री एटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो जाएगा टू प्लस थ्री आयोटा अपॉन टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर ठीक है इसको सॉल्व कर लीजिएगा चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं इक्वलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं ठीक है दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं तो जैसे जेड वन बराबर ए वन प्लस आयोटा बी वन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक है और जेड टू बराबर आज का लेक्चर जाइए आज का लेक्चर पूरा तुम अटेंड करो उसके बाद आप मुझे बताइएगा जब बाइन की क्लास चलेगी कि भाई पी वाई क्यू लग रहे कॉम्प्लेक्स नंबर के नहीं ठीक है पर प्रेम से लेक्चर देखो उसके बाद आपको आनंद आएगा लेक्चर खत्म होने के बाद ऐसा सुख मिलेगा ना ऐसा लगेगा अरे पी वाई क्यों तो जाके उखाड़ के फेंक देंगे सब पर थोड़ा सबर मतलब बहुत जल्दी मत सब कुछ प्रयास करो लेने का सबर रखो चलिए ये आपके पास जेड वन है ए वन प्लस एयोटा बी वन जेड टू जो है वो ए टू प्लस एयोटा बी टू है मैं कह रहा हूं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बराबर है जेड वन बराबर क्या है जेड टू है मतलब ए वन प्लस बी वन और a2 प्लस iota b2 ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपस में बराबर हैं तो सिंपल कहने का मतलब है ठीक है रियल पार्ट रियल पार्ट के बराबर होगा a1 a2 के बराबर होगा एंड b1 b2 के बराबर होगा एंड b1 b2 के बराबर होगा रियल पार्ट रियल पार्ट के बराबर होगा इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा ठीक है होगा लोकस के क्वेश्चन होंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन के क्वेश्चन होंगे सब होंगे टेंशन मत लो के होंगे मॉडुलस के होंगे सबके होंगे ठीक है थ्योरम के होंगे बराबर होगा बी वन बी टू के बराबर कहने का मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन जो होगा वो रियल पार्ट ऑफ जेड टू के बराबर होना चाहिए एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन जो होगा वो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेट टू के बराबर होना चाहिए दोनों आपस में क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बोल दोगे कि दोनों क्या है इक्वल है ठीक है अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो आपको ए और बी का मान बताना है ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इक्वल है तो आपको ए और बी का मान बताना है ठीक है देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट क्या है इसमें ए प्लस बी रियल रियल पार्ट क्या है पांच एक इक्वेशन तो यहां से बन गई माइनस का थ्री ए प्लस टू भाई आयोटा के साथ जो भी लिखा है वो इमेजनरी पार्ट है तो माइनस का थ्री ए प्लस टू भी लिखा हुआ है इधर क्या है आयोटा के साथ टू है ये दोनों बराबर होंगे एक आ जाएगा यहां से थ्री ए प्लस टू बराबर माइनस का टू तो दो इक्वेशन आपके सामने मिल गई और यहां से आप ए एंड बी निकाल लीजिए काम खत्म यहां से ए यह और बी निकाल लीजिए ए प्लस बी फाइव के बराबर हो जाएगा माइनस का थ्री ए प्लस टू बी टू के बराबर हो जाएगा अब ये मत कहना यहां से ए यह और बी नहीं निकाल पाते हैं ठीक है ए और बी चलो बात समझ में आ रही है कर लीजिएगा ए भी तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं ए और भी आप कह दो सर नहीं निकाल पाएंगे निकाल लोगे एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस एओटा बी इनको ए प्लस एओटा बी के फॉर्मेट में चेंज करना है वो हम अभी तक करते आए वही चीज करना है देखिए इसको यदि चेंज करना है ए प्लस एओटा बी के फॉर्मेट में क्योंकि ऐसा क्यों करवा रहा हूं मैं क्योंकि इससे आपको वो पूछ सकता है इसका रियल पार्ट बताइए इमेजनरी पार्ट बताइए जैसे ये है ए वाला एग्जाम्पल लिया हमने तो लिखा है फाइव प्लस फोर एटा यह मान लीजिए एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर है फाइव प्लस फोर एटा अपॉन फोर प्लस फाइव एटा मैं क्यों कह रहा हूं कि इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए क्योंकि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलकर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल पार्ट पता कर सकते हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट पता कर सकते हो जब तक इसे आप उस फॉर्मेट में नहीं बदलोगेडवन अपॉन जेट टू याद रखिएगा जब भी जेडवन अपॉन जेट टू करके कॉम्प्लेक्स नंबर होगी और उसमें कभी भी रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट पूछेगा तो मोस्टली केसेस में हम यही करेंगे कि इसको इस फॉर्म में बदलेंगे और फिर हम कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट इमेजिन पार्ट को और इसका तरीका मैंने बताया कि यहां प्लस फाइव पेटा है तो माइनस फाइव पेटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे तो हम बाद में पढ़ेंगे ठीक है संयुग में बोलते हैं फोर माइनस फाइव पेयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे कितना हो जाएगा बताओ नीचे हो जाएगा फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी यहां पर ऊपर हो जाएगा बीस माइनस का पच्चीस आयोटा और चार और ये कितना हो जाएगा सिक्सटीन आयोटा और माइनस का ट्वेंटी आयोटा स्क्वायर यही आएगा देखो ये प्लस बीस हो जाएगा तो बीस बीस कितना हो जाएगा चालीस चालीस माइनस और पच्चीस सोलह कितना हो जाएगा नाइन आयोटा अपॉन कितना हो जाएगा पच्चीस और सोलह कितना हो जाएगा फोर्टी वन कितना हो जाएगा फोर्टी वन जल्दी बताइए तो देखिए ये हो जाएगा फोर्टी अपॉन फोर्टी वन माइनस नाइन अपॉन फोर्टी वन आयोटा इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड जो हो जाएगा वो फोर्टी अपॉन फोर्टी वन हो जाएगा और आई एम जेड जो हो जाएगा वो माइनस नाइन अपॉन फोर्टी वन आ जाएगा माइनस नाइन अपॉन फोर्टी वन इससे आप देखो रियल पार्ट निकाल सकते हो इमेजरी पार्ट निकाल सकते हो तो क्यों मैं कह रहा हूं कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको इसमें चेंज करना अच्छा मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ कॉन्जुगेट के बारे में वैसे मतलब बता देता हूँ पहले कॉन्जुगेट के बारे में वैसे आगे हम डिटेल बात करेंगे लेकिन एक बार मैं चाह रहा हूं कि आप कॉन्जुगेट को भी एक बार हल्का सा समझ लो और तो थोड़ा सा समझाऊंगा बाकी डिटेल में बात करूंगा मैं कि मैं हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराऊंगा कॉन्जुगेट क्या होता है जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ए प्लस आयोटा बी तो हम जेड बार को बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में जेड बार को बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड जेड का संयुग भी इसको बोलते हैं जेड बार को बोलते हैं और वो कैसे मिलता है यहां पर आयोटा जो भी लिखा होगा उसकी जगह माइनस आयोटा लगा देंगे तो जैसे जेड जेड वन यदि टू प्लस थ्री एयोटा है तो जेड वन बार पूछेंगे तो टू माइनस थ्री एयोटा हो जाएगा जेड टू यदि फोर माइनस फाइव एटा है तो जेड टू बार पूछेंगे आप आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखोगे तो ये फोर प्लस फाइव पयोटा हो जाएगा ठीक है आयोटा की जगह माइनस आयोटा संयुग्मी जिसे बोलते हैं आयोटा की जगह माइनस आयोटा ठीक है तो कहने का यही मतलब है कि जब भी हमारे पास जेड वन अपॉन जेड टू की कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी यदि हमें उसको ये बोलता है कि मुझे ए और ए प्लस एयटा भी के फॉर्मेट में चेंज करना है तो वही नीचे ये जो भी है इसके कॉन्जुगेट से हमने क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया संयुग्मी से आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दिया वो उसका कॉन्जुगेट हो गया उसके बाद रियल पार्ट इमेजिंग पार्ट अलग अलग कर लेंगे बात समझ में आ गई कोई दिक्कत है नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं तो इसी तरह सबका इसको भी आपको बी वाले को भी ट्राई करिए बी तो वाले को पहले ऊपर कर लेते हैं देखिए बार बार ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी तो याद रखिएगा ये दो इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट वैसे तो आप स्क्वायर कर सकते हो लेकिन ये याद भी रखोगे तो बेहतर है ये वन प्लस आयोटा स्क्वायर जो होता है वो टू आयोटा होता है ये बार बार इस्तेमाल होगा और वन माइनस आयोटा स्क्वायर जो होगा वो माइनस टू आयोटा होगा ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो बहुत इस्तेमाल होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में ठीक है बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वन प्लस स्क्वायर टू आयोटा होता है वन माइनस आयोटा स्क्वायर है square, जो होगा, वो होगा. इस रिजल्ट को याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ठीक है अब देखिए ऊपर वाला क्या बन गया ये ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं टू आयोटा अपॉन थ्री माइनस अयोटा नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आयोटा की जगह माइनस अयोटा रखोगे तो कितना हो जाएगा ये थ्री प्लस एयोटा हो जाएगा और नीचे भी थ्री प्लस आयोटा दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे अब देखिए टू आयोटा का थ्री में होगा आयोटा होगा और टू आयोटा का आयोटा में होगा टू आयोटा स्क्वायर और थ्री माइनस एयोटा थ्री प्लस आयोटा मैंने बताया आपको क्या होता है कई सारे एग्जाम्पल थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और ये उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई है तो सीधे जो नंबर दिख रहे हैं ना यहाँ तीन और यहां वन उनके स्क्वायर का सम कर दीजिए स्क्वायर माइनस वन होगा तो ये माइनस टू हो जाएगा प्लस iota अपॉन कितना हो जाएगा टेन कितना हो जाएगा 10. तो real part कितना माइनस टू बाई टेन जो कि माइनस वन बाई फाइव हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा सिक्स बाई टेन मतलब थ्री बाई फाइव मतलब थ्री बाई फाइव ठीक है, बेटा मिल जाएगा गूगल फॉर्म के में डिस्क्रिप्शन में उसी वीडियो में डलवाता डलवा दिया जाएगा ठीक है चलिए अब सी वाले पर नजर डाल दें अगले पेज में जाना पड़ेगा जगह तो है नहीं ठीक है अगले वाले पेज पर चलते हैं वन माइनस कॉज थीटा प्लस टू है साइन थीटा है क्या है वन माइ वन अपॉन वन माइनस कॉस थीटा जेड थ्री ले लेते हैं और क्या था टू वन माइनस कॉस थीटा प्लस टू आयोटा साइन थीटा इसका है इसको भी चेंज करना है इसको भी चेंज करना है ठीक है इसको भी चेंज करना है तो नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वन माइनस कॉस थीटा नीचे का कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस टू एटा साइन थीटा ना एटा की जगह माइनस एयोटा रख देंगे तो माइनस टू साइन थीटा हो गया अपॉन वन माइनस कॉस थीटा प्लस टू एयोटा साइन थीटा हुआ ये और इसका इनटू किसके साथ करना है वन माइनस कॉस थीटा माइनस टू एयोटा साइन थीटा अब बताइए कितना होगा ये ऊपर तो हो गया वन माइनस कॉस थीटा माइनस टू है साइन थीटा नीचे क्या हो जाएगा वही ए A, A, A आपका वन माइनस कॉस थीटा है बी आपका टू साइन थीटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा अब आप अलग अलग करा लीजिए ठीक है अब रियल पार्ट कितना आ जाएगा रियल पार्ट कितना आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड थ्री कितना आ जाएगा वन माइनस अपॉन वन माइनस और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड थ्री कितना इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड थ्री आ जाएगा माइनस टू साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा या आ गया इमेजनरी पार्ट ठीक है बात समझ में आ रही है अब यह बताइए कि अब ये रियल पार्ट तो यह है तो यह आंसर नहीं है कई बार ऑप्शन में हो सकता है जरूरी नहीं कि यही दिया होगा एक काम करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख देता हूं वन माइनस कॉ स्क्वायर थीटा चलेगा ना तो देखो वन माइनस कॉस्ट थीटा यहां पर भी है वन माइनस कॉस् थीटा यहां पर भी है बाहर आ जाएगा वन माइनस कॉस्ट थीटा और बचेगा क्या यहां बचेगा वन माइनस कॉस् थीटा और यहां बचेगा वन प्लस कॉस् थीटा तो फोर प्लस फोर थीटा हो जाएगा तो देखो ये इसके साथ कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा वन अपॉन चार प्लस एक पांच फाइव प्लस थ्री आ जाएगा कितना आ जाएगा वन अपॉन फाइव प्लस थ्री कॉस्थ थीटा ठीक है यदि आप शुरू से पढ़ते आए हो मैं बता दूं ए प्लस एओटा बीटा ए माइनस एओटा बीटा यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा इसको याद कर रखिएगा ये बहुत इस्तेमाल होगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका कॉन्जुगेट था तो सीधे ए कितना है वन माइनस कॉस थीटा बी कितना है टू साइन थीटा है टू तो साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया मैंने ठीक है बात समझ में आ गई चलिए अब कुछ इस वैरायटी के क्वेश्चन अब कुछ इस वैरायटी के क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन देखिएगा ये क्वेश्चन देखिएगा और ये क्वेश्चन देखिएगा ये तीनों क्वेश्चन जो हैं कौन से ये 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 और ये अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाएंगे एक ही अप्रोच होती है तीनों क्वेश्चन में एक ही अप्रोच लगेगी और तीनों में आपको पैटर्न भी ऐसा दिख रहा होगा कि जेड बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी है देखो जेड बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी है और एक क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक टाइप का एक इक्वेशन uh, नहीं बोलूंगा क्यूबिक टाइप का एक पॉलिमियल है जेड में उसका आपको क्या चाहिए वैल्यू चाहिए अगला देखो एक्स बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक्स में कोई इक्वेजन है उसकी वैल्यू चाहिए फिर देखिए एक्स बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक्स में इक्वेशन है उसका मान चाहिए तीनों में सेम पैटर्न लगेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या पैटर्न लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ठीक है अच्छा ये कह रहा है कि सर प्लीज क्वेश्चन कराओ भी मैं यहां पर के ये ये क्या नाच हो रहा था ये डांस चल रहा था ये, ये क्या था ये क्या था बेटा ये ये क्वेश्चन नहीं था क्या यार ये क्वेश्चन नहीं है इक्वेश्चन नहीं है बेटा क्या है, या क्या है ये क्या यार तुम लोग भी अब ये क्या ये क्या क्वेश्चन नहीं है क्या है है ये चलिए चार ऑप्शन दे और तुम तुक्का मार दो वही क्वेश्चन होता है क्या चार ऑप्शन दे दो तुम तुक्का मार दो एक डी सही है सी सही है बी सही है भाई आपको आ रहा है तो आप इसका बताइए ना आप इसका मतलब ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो डीसी उल्टा पुलटा मार देते हो कुछ ना कुछ आएंगे ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन आएंगे अभी आप ठीक है इस तरह से कर रहे हैं ठीक है ऑप्शन वाले भी आएंगे क्या तरीका है देखिए इसका तरीका यह है कि आप फोर को इधर ले आइए फोर को इधर ले आइए और आयोटा वाला पार्ट उधर रखिए आयोटा वाला पार्ट उधर रखिए और क्या कर दीजिए दोनों का होल स्क्वायर करा दीजिए ठीक है दोनों का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर करा दीजिए कितना हो जाएगा होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस का एट जेड का एट जेड बराबर सेवन इक्वल टू सेवन और ये ये हो जाएगा square minus Z, और इधर आएगा तो प्लस ट्वेंटी थ्री बराबर जीरो तो आपको आ गया एक क्या करना होता है ठीक है आपको क्या करना होता है कह रहा हिंदी मीडियम भैया फाइंड द वैल्यू की भी तो अंग्रेजी कम से कम इतनी तो पढ़ लो यार फाइंड द वैल्यू मान निकालना है यार अब क्या हिंदी चाहिए ठीक है ओके okay, आगे मिलेंगे क्वेश्चन हिंदी में पर यार फाइंड द वैल्यू वैल्यू इतनी तो अंग्रेजी जानो ठीक है देन की तब लिखू हिंदी फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड क्यू अब आपको करना क्या होता है इसको इससे डिवाइड करना होता है और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा जो सेसफल बचेगा अब डिवाइड आता है आपको कि नहीं डिवाइड आता यही तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा डिवाइड तो आता होगा छोटी क्लास में पढ़ा होगा जेड स्क्वायर माइनस एट जेड प्लस ट्वेंटी थ्री कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा जेड क्यूब माइनस का एट जेड स्क्वायर प्लस ट्वेंटी थ्री जेड तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा ये हो जाएगा फोर जेड स्क्वायर माइनस थर्टी टू जेड प्लस नाइन्टी वन अब आप कितनी बार जाएगा ये डिवाइड आपको आता होगा बेटा छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने फोर जेड स्क्वायर माइनस थर्टी टू जेड प्लस तेईस में चार का इंटू करेंगे कितना आएगा बताइए कितना आ जाएगा जल्दी बताओ तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा 91 से 92 माइनस करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा माइनस वन तो जो इसका आंसर होगा वो माइनस वन होगा अब आप सोच के बताइए कि क्यों मैं कह रहा हूं कि इसका आंसर माइनस वन होगा जल्दी बताइए क्या मैं सोचकर कह रहा हूं अब आप सोच के बताइएगा कि मैं ऐसा क्या कह रहा हूं कि जिससे यह पता चल जा रहा है कि यार माइनस वन होगा क्योंकि आप छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा जब पांच को दो से डिवाइड करते हैं तो दो बार जाता है तो रिमाइंडर एक बचता है ठीक है तो आप पांच को क्या लिख सकते हो टू इंटू टू प्लस वन ऐसे लिखते हो अब बताइए यदि यह पूरा प्रोसेस हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं दिस इंटू दिस प्लस माइनस वन और ये वैल्यू क्या हो जाएगी ये वैल्यू जीरो है ना ये वैल्यू जीरो है वैल्यू जीरो है तो जब इसको आपने दिस इंटू खत्म हो गया माइनस वन तो इसकी वैल्यू माइनस वन आ जाएगी हम करेंगे छोटे तो से पढ़ा होगा आपने चीज भाई मान लो इसमें से ये वाली चीज क्या है जीरो है तो तरीका है बेटा अब ये मत कहना जीरो से डिवाइड कैसे कर दिया आपने ठीक है एक तरीका है बस उसको समझने का क्वेश्चन करने का जेट की डायरेक्ट वैल्यू डालोगे तो फिर तो बवाल हो जाएगा चलिए सेम अप्रोच से लगाइए इसमें क्वेश्चन और आंसर बताइए फटाफट सेम अप्रोच लगानी है अच्छा जरूरी नहीं कि हमेशा नंबर में ही आंसर आएगा बेटा जरूरी नहीं है क्योंकि आप ये मत समझिए हमेशा जो आप सोच रहे हो कि हमेशा आंसर कोई एक नंबर ही आएगा हो सकता हो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर भी रिमाइंडर आ सकता है ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हमेशा आप सोचो कि रियल नंबर ही आएगा तो सेम अप्रोच लगाते हैं हम क्या करेंगे पहले इसको लिख देते हैं एक्स और ये रूट फोर को क्या लिखेंगे हम टू आयोटा, तो ये फोर एटा हो जाएगा तो एक्स प्लस फाइव बराबर कितना हो जाएगा फोर एटा हो जाएगा फिर क्या किया हमने स्क्वायर कर दिया क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया दोनों साइड सेम अप्रोच एक्स स्क्वायर प्लस पच्चीस प्लस टेन एक्स बराबर सिक्सटीन स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस टेन एक्स प्लस फोर्टी वन बराबर जीरो तो सेम अप्रोच वही डिवाइड वाली कहानी ठीक है एक्स की पावर फोर प्लस नाइन एक्स क्यूब प्लस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर बेटा नया बैच के लिए आप ऐप पर जाइएगा वहां पर दिख जाएगा आपको ठीक है रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है तो आप दिख जाएगा आपको ठीक है अब देखो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस का फोर्टी वन कितनी बार जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा तो एक्स की पावर फोर प्लस टेन एक्स क्यूब प्लस फोर्टी वन एक्स स्क्वायर माइनस 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 कितना हो जाएगा ये माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब ये कितनी बार जाएगा माइनस एक्स टाइम्स आएगा तो माइनस एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स स्क्वायर माइनस का फोर्टी वन एक्स प्लस फोर ठीक है यह आ जाएगा फोर्टी वन एक्स ठीक है या प्लस फोर होगा तो देखो ये प्लस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी एक्स प्लस फोर अब कितनी बार जाएगा तो अब आ जाएगा एक बार एक बार लेकर जाएंगे तो ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी कितना हो जाएगा एक बार जाएगा तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर सॉरी चार बार जाएगा एक बार नहीं चार बार जाएगा फोर एक्स स्क्वायर है ना और एक्स स्क्वायर तो चार बार जाएगा एक बार नहीं चार बार लेके जाएंगे फोर स्क्वायर प्लस का फोर्टी एक्स प्लस चार और सिक्सटी फोर अब जैसे ही माइनस करेंगे तो माइनस एक सौ साठ आएगा माइनस वन सिक्सटी आ जाएगा रिमाइंडर तो यही आपका आंसर है ठीक है

इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं समेशन के फॉर्मेट में समेशन के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आपके एग्जाम में ठीक है तो जैसे समेशन n बराबर 1 से 13 iota की पावर n प्लस iota की पावर n प्लस 1 इसका क्या चाहिए समेशन देखिए समेशन का मतलब क्या होता है kn बराबर 1 डालेंगे n बराबर 2 डालेंगे n बराबर 3 डालेंगे ये होता है कहां तक डालेंगे लास्ट 13 डालेंगे लेकिन डायरेक्ट डालने से पहले हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं डायरेक्ट डालने से पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो आयोटा की पावर एन हम क्या ले लेते हैं बाहर आयोटा की पावर एन यहां भी है आयोटा की पावर एन यहां पर भी है और कितना हो जाएगा वन प्लस अयोटा और समेशन एन इज रनिंग फ्रॉम वन टू थर्टीन देखिए समेशन तो एन पर है ना वन प्लस अयोटा का कोई रोल नहीं है तो वन प्लस अयोटा को हम बाहर ले लेते हैं ये वन प्लस अयोटा क्या हो जाएगा बाहर समेशन कहाँ लगेगा एन बराबर एन वन से लेकर थर्टीन तक अयोटा की पावर एन अब बताइए समेसन का मतलब क्या होता है पहले एन बराबर वन डालेंगे एन बराबर टू डालेंगे एन बराबर थ्री डालेंगे एन बराबर वन डालेंगे एन बराबर टू डालेंगे एन बराबर थ्री डालेंगे एन बराबर फोर डाटा हो गया होगा जीरो हो गया होगा तो ये तो टोटल जीरो हो गया अब बचा आयोटा की पावर तेरह और एयोटा की पावर तेरह मैंने बोला क्या था एयोटा की पावर यदि कोई निकालनी है ठीक है एयोटा की पावर निकालनी है तो आप क्या करोगे आप क्या करोगे चार से डिवाइड कर दोगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही आप लिख दोगे तो चार से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचा इसका एक बचा ना रिमाइंडर तो ये बन जाएगा अयोटा ठीक है और आयोटा का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा हो जाएगा आयोटा का इसमें करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो आयोटा माइनस वन ये आपका आंसर आ जाएगा ये ठीक है बेटा मैथ फाउंडेशन बैच के लिए आप टीम वहीं पर फोन कर लीजिए कांटेक्ट नंबर इंक्वायरी नंबर पर वहीं पर से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी मैथ फाउंडेशन बैच के बारे में ठीक है चलिए एनडीए वाला तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा जल्दी से ही ठीक है एनडीए का वो आपको कांटेक्ट नंबर फोन करिएगा इंक्वायरी में मैथ फाउंडेशन वहीं से पता लगेगा आपको चलिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं इस तरह से भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में जाके देखिएगा यदि मैं बोल रहा हूं तो एग्जाम में आए हैं तो आए हैं आपको आयोटा के टर्म्स में कोई वैल्यू दे देगा पावर एन माइनस टू एन कुछ भी और ये कह देगा कि एन इंटीजर है या एन रियल नंबर है या फिर कुछ भी और कहेगा कितनी डिफरेंट वैल्यूज कितनी इसकी वैल्यूज आ सकती हैं इस एक्सप्रेशन की जरूरी नहीं कि ये आया है आपके एग्जाम में शायद पावर माइनस टू एन या इस तरह करके आया हुआ एग्जाम में जहां पर एन इंटीजर था और ये पूछा गया था कि इसकी कितनी वैल्यूज होंगी डिफरेंट वैल्यूज उस इसी टाइप का क्वेश्चन है आयोटा की पावर एन प्लस अयोटा की पावर माइनस एन है ये पूछा गया है कि एन यदि हम इंटीजर लेते हैं एन क्या लेते हैं इंटीजर तो इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है कितनी वैल्यूज मिल सकती है ठीक है तो जल्दी बताइए जल्दी बताइए तो देखो ये आयोटा की पावर एन है और आयोटा की पावर माइनस एन को वन अपॉन आयोटा की पावर एन लिख सकता हूं मैं कोई दिक्कत नहीं है अब ये यहां जाएगा तो वन प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर एन कोई समस्या नहीं होगी और नीचे आयोटा की पावर है आयोटा स्क्वायर कितना हो माइनस वन माइनस वन की पावर एन अपॉन आयोटा की पावर एन अब आप ट्राई करके देखिए अब आप एक बार एन बराबर वन डालो एन बराबर टू डालो एन बराबर थ्री डालो देखो क्या वैल्यूज आ रही है चेक करो एक बार एन बराबर वन डालिए एन बराबर वन डालिए एन बराबर वन डालिए एन बराबर वन डाल देंगे तो ये जीरो दे देगा वैल्यू ये वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी एन बराबर टू पर कितनी आएगी एन बराबर टू पर ऊपर टू आ जाएगा और नीचे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा मतलब माइनस टू आ जाएगी एन बराबर थ्री पर कितनी आएगी एन बराबर थ्री पर कितनी आ जाएगी बताओ एन बराबर थ्री पर कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी एन बराबर चार पर कितनी आएगी एन बराबर चार पर कितनी आएगी तो ऊपर तो एन बराबर चार पर टू आएगा और नीचे की पावर फोर मतलब टू आएगा तो जो लोग दो आंसर दे रहे थे वो बुरी तरह से गलत हो गए बुरी तरह से मतलब बहुमत गलत साबित हुई फिलहाल क्योंकि आप बहुत जल्दी आंसर पर डिपेंड हो जाते हो पूरा चेक नहीं करते हो पूरा चेक नहीं करते हो तो यदि आप बी आंसर दे रहे हो तो सबके सब गलत हो क्योंकि एक तो जीरो वैल्यू भी मिल गई एक बार एन बराबर टू के लिए देखो एन बराबर टू के लिए और फोर के लिए ऊपर वैल्यू तो टू बन रही है लेकिन नीचे वाली वैल्यू एक बार पॉजिटिव बन रही है वन एक बार निगेटिव वन बन रही है ठीक है तो जब ऊपर वैल्यू जब ऊपर वाली वैल्यू आपकी क्या होगी जब एन की वैल्यू इवन होगी ठीक है तो फिर ये नीचे वाली वैल्यू दोनों टाइप की होगी वन भी हो सकती है माइनस वन भी हो सकती है और जब एन ऑड होगा तो जीरो आने वाला है एक नो डाउट है एन ऑड के लिए तो इसका आंसर जीरो ही आने वाला एन ऑड के लिए तो जीरो ही आएगा एक वैल्यू तो ये मिल गई लेकिन एन इवन के केस में ठीक है जो चार के मल्टीपल वाली वैल्यू होंगी जो चार के मल्टीपल होंगी वो वाली तो क्या होंगी उसमें तो ठीक है उसमें तो वन आएगा लेकिन जो चार के मल्टीपल नहीं है वो वाले इवेंट जो हैं, उसमें नीचे वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस वन आ जाएगी बात समझ रहे हो तो तीन आंसर आएगा ठीक है खेल हो गया आपके साथ कितना आसान सा क्वेश्चन है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में जाइएगा वहां पर एन की वैल्यू ही डाल के आपको चेक करना होगा मुझे लगता है दो हजार बीस इक्कीस बाईस के आसपास एक क्वेश्चन आया है इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जहां पर एन की वैल्यूज डालकर हम ये पता करते हैं यार इसके कितने मान आएंगे जाके लगाइएगा पी वाई क्यू चलिए यहां भी सेम टाइप का क्वेश्चन है ठीक है इवन मतलब होता है सम ऑड मतलब होता है बिसम मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब तीन का गुड़ज इनमें से कोई नहीं अब ये बताइए ये जो वन प्लस एयोटा की पावर टू एन है वन माइनस एयोटा की पावर टू एन है ये माइनस टू, टू, टू की पावर एन प्लस वन यदि है ठीक है, किस एन के लिए एन इवेन होना चाहिए एन ऑड होना चाहिए मल्टीपल ऑफ थ्री होना चाहिए नन होना चाहिए ठीक है तीन इवेन, इवेन, ऑड मल्टीपल थ्री देखो ध्यान से देखोगे तो वन प्लस आयोटा की पावर टू है उसकी पावर एन है और वन माइनस आयोटा की पावर टू है उसकी पावर एन है अब वन प्लस आयोटा स्क्वायर मैंने कहा था बार बार इस्तेमाल होगा टू आयोटा होगा तो टू आयोटा की पावर एन और ये हो जाएगा माइनस टू आयोटा की पावर एन मैंने बोला था बार बार अब आप चेक कर लीजिए एन ऐसा क्या देखो टू की पावर एन हम कॉमन ले लेते हैं टू की पावर यहां पर भी है यहां पर मिलेगा और ये बचेगा आयोटा की पावर एन अब एन की ऐसी क्या वैल्यू ले लें कि ये वाला एक्सप्रेशन जो बन जाए वो ये बन जाए मतलब आपको जरूरत है माइनस टू देखो इसको तोड़ोगे तो माइनस टू की पावर एन और माइनस टू की पावर वन मतलब ये वैल्यू आपको माइनस टू चाहिए जब ये माइनस टू हो जाएगी तो फिर Uh, एक मिनट माइनस बाहर है ना हाँ ठीक है माइनस टू की पावर एन uh, टू सॉरी माइनस टू की पावर एन नहीं है टू हाँ माइनस टू देखो यहां पर देखो इसको यदि हम लिखते हैं तो टू की पावर एन लिखेंगे ठीक है अच्छा ये माइनस बाहर है सॉरी माइनस ये बाहर है तो माइनस पावर में तो है नहीं माइनस बाहर है तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू की पावर एन इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस टू की पावर एन इन टू टू की पावर वन ये माइनस बाहर है तो देखो टू की पावर एन तो आपको यहां मिल चुका है यहां पर टू है माइनस टू है मतलब यहां पर जो जरूरत है वो माइनस टू ये कब माइनस टू होगा जब ये माइनस टू हो जाएगा ये इसके बराबर आ जाएगा तो माइनस टू क्या कब होगा बताइए जल्दी से माइनस टू कब होगा आप वैल्यू रख के चेक कर लीजिए ना एक ही वैल्यू रखिए वहीं से पता लग जाएगा जैसे मान लो कोई कह रहे हैं कि ऑड वाला होगा तो एन बराबर हम रख के देख लेते हैं एन बराबर रख के देख लेते हैं हम एन बराबर रख के देख लेते हैं तो एन बराबर, तो बराबर यदि हम ऑड बोल रहे हो तो वन रख देते हैं एन ऑड बोल रहे हो तो वन रख देते हैं भाई ऑड बहुत लोग बोल रहे थे वन रख दिया अब अयोटा की पावर वन और माइनस एटा की पावर है नहीं ये माइनस टू तो नहीं आएगा बेटा ठीक है तो ऑड गलत है कि नहीं एन बराबर ऑड बोल रहे थे मैं एन बराबर वन रख दिया एन बराबर वन भी तो ऑड है ना तो एयोटा की पावर वन माइनस एओटा की पावर वन ये तो जीरो हो गया तब ऑड तो गलत है इवन की बात कर लेते हैं मैंने दो डाल दिया तो दो डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा आयोटा की पावर टू और माइनस आयोटा की पावर टू यहां ये भी माइनस वन आएगा ये भी माइनस वन आएगा तभी तो ये माइनस टू आएगा ठीक है और सुन लो सुन लो मेरी बात अब एन बराबर आप चार डाल दीजिए एन बराबर चार डाल दीजिए एक बार एन बराबर चार डाल के देखो भाई एन बराबर इवन ठीक है दो पर तो आ गया एक बार चार डाल के दे दो चार भी तो होगा चार भी तो इवन है एक बार चार डाल के देखो उस केस में तो नहीं आ रहा है तो दो पर आ रहा है ना चार पर बताओ चार पर चार पर देखो जब चार डालोगे तो अयोटा की पावर चार वन आ गया और एयोटा की ए भी अयोटा की पावर चार होगा वन आ गया तो फिर कहां से टू माइनस टू की पावर एन प्लस वन आएगा भाई माइनस एयोटा की पावर चार भी तो अयोटा की पावर चार ही होगा होगा तो वन ही ना इवन भी गड़बड़ है एन बराबर फोर पर जीरो कहां आएगा यार कैसी बातें कर रहे हो हीरो कहां आएगा अब मल्टीपल ऑफ थ्री देख लीजिए मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब तीन पर चेक कर लेते हैं तीन पर तो ये आयोटा क्यूब आएगा ठीक है और तीन पर ये कितना आएगा तीन पर तो एटा आयोटा का टर्म बचा रह जाएगा ना दोनों साइड इवन पर यदि सही है तो फिर सब पर सही होना चाहिए केवल दो पर तो नहीं सही होगा ठीक है चलिए टी वाला होगा इस रूल की ऐसी कोई जरूरत नहीं है तो आप छोड़ दो जेड वन प्लस जेड टू देखो जेड वही आता है जेड वन जेड वन प्लस जेड टू वही आता है तो वो उस रूल की कोई जरूरत नहीं है अब हम बात कर लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की ठीक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की ठीक है, हाँ चलिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अरे पानी वानी नहीं पियोगे क्या यार कैसी बातें कर रहे हैं पानी वानी तो पियेंगे यार है पानी भी ना पिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं संयुग्मी जो अभी हमने बात करा था कि जैसे जेड बराबर एक्सप्ल ओटा वाई है तो जेड बार जो होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड जेड का संयुग्मी जेड का संयुग्मी जेड का संयुग्मी बोलते हैं जेड का क्या बोलते हैं संयुग्मी ठीक है जेड बार जो हो गया कॉन्जुगेट ऑफ जेड तो जेड जैसे मान लीजिए वन प्लस आयोटा दिया गया है तो बार जो होगा वो आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख देना है वन माइनस हो जाएगा ठीक जेड वन जेड कर लेते हैं जेड ले टू लेते हैं थ्री माइनस आयोटा तो जेड टू बार कितना होगा आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख देंगे तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखेंगे कितना हो जाएगा 3 +6 आयोटा।, 3 +6 आयोटा 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 की जगह माइनस आयोटा तो ये तो ठीक है कोई दिक्कत तो है नहीं सही आपको निकालना है तो आप कर सकते हो ठीक है और इसमें बोलते क्या है ये जो जेड बार होता है उसे क्या बोलते हैं जैसे मान लीजिए कि यदि जेड यहां पर है जेड एक्चुअली में है क्या जैसे आपने जेड जेड आपने माना वन प्लस एयोटा जेड वन आपने क्या माना है वन प्लस एयोटा तो वन प्लस एयटा का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर ये वन कॉमा वन यही रिप्रेजेंट कर रहा है भाई इसका रियल पार्ट क्या है वन इमेजनरी पार्ट क्या इसका? 1, तो 1, 1, है इसका वन तो वन कॉमा वन यही वो कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक है अब इसकी इमेज यदि एक्स एक्सिस के अबाउट ये जो आपका एक्स एक्सिस होता है इसे हम बोलते हैं रियल एक्सिस क्या बोलते हैं रियल एक्सिस वास्तविक अक्ष वास्तविक अक्ष और ये जो होता है वो आपका होता है इमेजनरी एक्सिस काल्पनिक अक्ष काल्पनिक अक्ष तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वन कॉमा वन ठीक है वो सिंप बात समझ रहे हो ये आपकी जो है वो जेडवन है वो आपकी क्या है जेडवन है जैसे यहां ले लेता हूं मैं यहां ले, ले लेता हूं जेडवन जो है वो वन प्लस अयोटा मतलब वन कॉमा वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेडवन बार क्या है वो बस इमेज है रियल एक्सिस के अबाउट क्या है इमेज है तो ये क्या हो जाएगी वन कॉमा माइनस वन हो जाएगी इसीलिए देखो जो जेडवन बार आया है ये आपका जेडवन बार आ गया वो वन कॉमा माइनस वन आया है तो यही कहने का मतलब है यहां पर देखिए यही कहने का मतलब है कि देखो जेड यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जेड बार जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है नीचे पहुंच जाता है ठीक है जेड यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यदि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका बार जब लगेगा तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा बार और दूसरी चीज यदि जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में है जैसे देखो यदि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है वो माइनस टू प्लस थ्री है तो इसका मतलब है कि वो माइनस टू थ्री है ये सेकंड क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट ये पहला चतुर्थांश है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश ये थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश ठीक है तो यहां देखो माइनस टू थ्री है आपका ये जेड है तो बार कितना होगा आप आयोटा की जगह माइनस आयोटा लगा लीजिए माइनस तो टू तो वैसे ही रहेगा एटा की जगह माइनस एओटा लगा देंगे तो माइनस टू कोमा माइनस थ्री एओटा वो तो कहीं यहां का पॉइंट मिल जाएगा ना माइनस टू कोमा माइनस थ्री तो देखो यदि जेड आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है जेड यदि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो जेड बार आ गया वो कहाँ आ गया वो तो आपका फोर्थ में आ गया फर्स्ट में था तो उसका बार थर्ड में आ गया और वाइस एवरसा इसका उल्टा भी है इसका उल्टा भी ट्रू है यदि वो यहां होगा तो उसका बार यहां आएगा ठीक है और यहां होगा तो उसका बार ऊपर चला जाएगा यदि वो थर्ड में होगा तो उसका कॉम कौं, उसका कॉन्जुगेट सेकेंड में आ जाएगा वाई से वर्षा उल्टा भी ट्रू है अब आपको प्रॉपर्टीज हैं जो कॉन्जुगेट की याद रखनी है ठीक है प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद करनी है ठीक है तो ये फटाफट मैं बता दे रहा हूं आपको पहली प्रॉपर्टी मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार निकालें उसका फिर से बाहर निकालें तो ऑब्वियसली वो जेड के बराबर होगा पहली प्रॉपर्टी यही है कि जेड बार का यदि हम फिर से बार निकालें तो वो जेड के ही बराबर हो जाएगा सिंपल आप एग्जांपल देख लीजिए जैसे जेड बराबर वन प्लस एयोटा है, है अब इसका बार क्या होगा आयोटा की जगह माइनस एओटा रख देंगे आयोटा की जगह क्या रख देंगे माइनस एओटा अब ये जेड बार आ गया अब इस जेड बार का हम फिर से बार निकालेंगे तो फिर आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखेंगे तो ये फिर से बन जाएगा वन प्लस एयोटा अब ये जेड ही तो बन गया तो जेड बार का बार निकालेंगे तो वो जेड के ही बराबर आएगा पहली चीज क्लियर हो गई आपके सामने यह मैं मिटाऊंगा ये चीजें यह मैं मिटाऊंगा ठीक है मैं मिटाने जा रहा हूं ध्यान रखिएगा इस बात का चाहो तो आप स्क्रीन ले सकते हो नहीं मैं मिटा दूंगा क्योंकि एक ही जगह मैं सारा बताऊंगा आपको ठीक है चलिए अब देखिए दूसरी चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेड को यदि हम बार के साथ ऐड करते हैं जेड को जेड़ बार के साथ ऐड करते हैं तो क्या आता है ठीक है तो देखिए मैं जेड को यदि कुछ देर के लिए प्लस एटा वाई मान लू समझ के याद करना है रट्टा नहीं मारना इनको रट्टा बुरी तरह से नहीं मारना है समझ के याद करना है ठीक है जेड प्लस जेड बार क्या होगा तो देखो जेड बराबर क्या है एक्स प्लस है वाई जेड बार कितना होगा एक्स माइनस है ओटावाई ये दोनों कट गया एक्स एक्स कितना हो गया टू एक्स के बराबर अब बताओ ये टू एक्स मतलब क्या टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड आया ना टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड तो यही लिखा गया है कि जेड को यदि हम जेड बार के साथ एड करेंगे तो टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड मिलेगा इसका मतलब और है कि कभी भी यदि रियल पार्ट ऑफ जेड हमें चाहिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मुझे रियल पार्ट ऑफ जेड चाहिए तो मैं जेड को जेड बार के साथ ऐड करूंगा और दो से डिवाइड कर दूंगा तो ये भी याद रखिएगा जेड को जेड बार के साथ ऐड करना है और यदि हम दो से डिवाइड कर देंगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें रियल पार्ट मिल जाएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट मिल जाएगा ये चीज भी हमें याद रखनी है ठीक है तीसरा रिजल्ट देखिए अब ठीक है इसको मैं मिटा देता हूं जेड बार कितना आया एक्स माइनस एटा वाई अब जेड माइनस जेड बार कितना हो जाएगा एक्स प्लस एयोटा वाई माइनस एक्स माइनस एटा वाई कितना हो गया ये टू एओटा वाई मतलब टू आई वाई क्या है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड है है y क्या है इमेजनरी पार्ट ऑफ z है तो यही तो रिजल्ट है z माइनस जेड बार जो होगा वो टू आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ z होगा याद रखिएगा इस सब इसका मतलब है कि यहां से आई एम जेड यदि निकालना है हमें तो z माइनस जेड बार करना है अपॉन क्या कर देना है टू आयोटा कर देना है क्या कर देना है टू आयोटा कर देना है ठीक है फिर और इंपॉर्टेंट चीज ये बहुत सब इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट ये रिजल्ट ठीक है कि ये जेड एक बात बताइए मुझे कि जेड बराबर जेड बार आया इसका मतलब क्या है जेड बराबर यदि जेड बार आया इसका क्या मतलब है भाई मैं कहूं कॉम्प्लेक्स नंबर दो है भाई ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है दो अब मैं कहूं इसका बार निकालिए तो भाई दो का बार क्या होगा दो का बार तो दो ही होगा ना भाई दो एक नम्... रियल नंबर है उसका बार तो दो ही होगा इसका मतलब ये हुआ कि जेड और जेड बार में यदि आपको कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब जो जेड है वो क्या है प्योरली रियल है प्योरली रियल ठीक है ये क्या है प्योरली रियल बोलते हैं प्योरली रियल आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में पूर्णतः वास्तविक आगे और पढ़ेंगे हम इसके बारे में तो कि इन पर क्वेश्चन आता है पूर्णतः वास्तविक पूर्णतः वास्तविक बार याद करने का तरीका मैं सिखा रहा हूं यदि जेड बराबर जेड बार है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट में कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा है आपको तो इसका मतलब है प्योरली रियल है पूर्णतः वास्तविक है अच्छा इस बात को जेड माइनस जेड बार बराबर जीरो भी तो लिख सकते हो तो यही ये, ये वाला रिजल्ट है आपका ठीक है अब सिंपल यदि जेड बराबर जेड बार प्योरली रियल है तो जेड बराबर माइनस जेड बार यह क्या होगा प्योरली इमेजनरी पूर्णतः काल्पनिक प्योरली इमेजनरी मतलब पूर्णतः काल्पनिक शुद्धता काल्पनिक बात समझ में आ रही है तो याद कैसे आपको याद करना है सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बार में कोई अंतर नहीं ऐसा तो कब होगा इसका मतलब रियल है जेड बराबर जेड बार प्योरली रियल तो जेड बराबर माइनस जेड बार प्योरली इमेजनरी सिंपल सी बात अब देखो जेड बराबर माइनस जेड बार यदि तो तो क्या पता चला कि Z प्लस Z बार जीरो है ना तो हम बोल सकते हैं कि जेड प्योरली इमेजनरी है पूर्णतः काल्पनिक है ये सब आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन में काम आएगा ये सब चीजें अभी करवाऊंगा क्वेश्चन में अब देखिए कॉन्जुगेट के और रूल यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में है माइनस में है उन पर कॉन्जुगेट लगा है तो अलग अलग कॉन्जुगेट लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं सिमिलरली यदि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनके केस में भी यही होगा अलग अलग लग जाएगा देखिए यहां पर इन में है यदि जेड वन जेड टू इन टू पर बार लगा है तो दोनों पर अलग अलग बार लग जाएगा और इन टू हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं सिमिलरली ये बहुत सारे के लिए भी ट्रू है बहुत सारे के लिए भी ट्रू है बात समझ में आ रही है फिर यहां डिवाइड में भी देखिए वन, ठीक है यहां पर थोड़ा सा सही से नहीं लिखा गया वन अपॉन जेड टू पर यदि बार लगा हुआ है तो आप ये बार अलग अलग लगा सकते हैं ध्यान से देखिएगा बस टू जीरो नहीं होना चाहिए जेट टू जीरो नहीं होना चाहिए नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा फिर ये देखिए जेड की पावर एन का बार निकालें चाहे जेड बार निकाल के पावर एन करें कोई दिक्कत नहीं है दोनों में कोई अंतर नहीं है मतलब जेड बार की पावर पांच करो चाहे जेड की पावर पांच निकाल के उसका बार निकालो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है ठीक है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है ठीक है और एक लास्ट वाला जेडवन जेड टू बार प्लस जेडवन बार जेड टू वैल्यू किसके बराबर होगी ध्यान से सुनना मैं पूछ रहा हूं कि यह वैल्यू किसके बराबर होगी एक बात बताओ आपको नहीं लगता कि यह जो वैल्यू है वो इसी का कॉन्जुगेट है यह जो वैल्यू है वो इसी का कॉन्जुगेट है देखिए इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे जेडवन पर बार लगेगा देखो यहां भी जेडवन बार लेखा है ठीक है यहां सॉरी यहां बार है जेट टू का बार का फिर से बार लगेगा तो वो जेड टू हो जाएगा दोनों लग रही कि नहीं चीजें मैं कह रहा हूं देखो क्या कहना चाहता हूं ये जो जेडवन बार टू है इसे क्या जेडवन टू के बार का यदि हम फिर से बार निकाल लें क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है ये दोनों बराबर हैं बताइए ये, ये दोनों इक्वल हैं क्या जेडवन बार टू इक्वल टू जेडवन जेट्टू बार का बार दोनों बराबर हैं क्यों बराबर हैं देखिए ये बार पहले जेडवन पर लगेगा तो जेडवन बार हो जाएगा जेड टू बार पर बार लगेगा तो बार हट जाएगा जेड टू हो जाएगा ठीक है तो देखो आ गया बराबर इसका मतलब है कि मुझे इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू एक्चुअली में ये जो लिखा गया है वो जेड वन जेड टू बार का बार ही लिखा हुआ है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हम यदि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर ले, ले लेते हैं तो ये क्या है जेड बार है ये जेड है तो ये जेड बार है यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका बार जब जुड़ता है तो टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड आता है कि नहीं ये मैंने आपको सिखाया है देखो जेड किस कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका बार जोड़ते हैं तो टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड आता है यहां पर क्या हो रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका ये बार जोड़ा जा रहा है तो टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार लिख सकते हैं और सिमिलरली जेड वन जेड टू बार भी लिख सकते हो क्योंकि ये वाला इसका कॉन्जुगेट है तो सेम अप्रोच तो ये सारी चीजें याद हो गई कि नहीं आपको फटाफट बताइए याद हो गई याद हो गई फटाफट बताइए चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट टू इच अदर एक दूसरे के संयुग में है तो आपको एक्स और वाई का मान बताना है कौन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस थ्री प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस फोर एयोटा ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या है दुख, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं इन्हीं पर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी मिलेगा कुछ देर बाद चिंता मत करिए सब ऑप्शनल भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा ये जेडवन है और यह क्या है आपका जेट्टू है ठीक ये जेडवन है ये जट्टू है क्वेश्चन ने बोला है कि एक दूसरे के क्या है संयुग्मी है एक दूसरे के क्या है कॉन्जुगेट है तो एक्स और वाई का मान बताना है तो कहने का मतलब जो जेडवन है वो जेट्टू बार है या फिर जट्टू को जेडवन बार लिख सकते हो आप जेड वन कितना हो गया माइनस थ्री प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई और जेट टू बार मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा प्लस वाई का ठीक है ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे बराबर होंगे कौन जेड वन बराबर जेट टू बार क्यों क्योंकि एक दूसरे के क्या थी? थे कॉन्जुगेट थे संयुग्मी थे रियल पार्ट रियल पार्ट के बराबर इमेजनिंग इमेजनिंग के बाद रियल पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर माइनस थ्री और इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई बराबर माइनस फोर बस इन दोनों को सॉल्व करके आप यहां से एक्स वाई पता कर सकते हो ठीक है सॉल्व करके एक्स वाई पता कर सकते हो कोई दिक्कत बताइए कोई दिक्कत है चलिए निकालिए एक्स वाई का मान सब लोग फटाफट निकालो सब लोग एक्स वाई कमान चलिए ठीक है समझ में आ गया तो निकाल लीजिएगा उसे आगे बढ़ते हम चलो चलिए इस क्वेश्चन को करिए वन प्लस एयोटा अपॉन वन माइनस एयोटा की पावर एम बराबर वन देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम फटाफट आंसर बताओ फटाफट आंसर बताओ आप क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को ठीक है लगभग चार पांच छह क्वेश्चन मिलेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चलिए फटाफट बताइए हाँ कोई बात नहीं जो भी मिल रही है वैल्यू चलिए फटाफट बताइए द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम वन फोर टू एट जल्दी बताओ कितना आएगा देखो वन प्लस पन, वन आउटा, आउटा के बराबर है वो एम के बराबर है तो वन एम बराबर कितना आ जाएगा मिनिमम वैल्यू चाहिए कितना आ जाएगा चार बेटा एक्स वाई की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते बताओ सॉल्व नहीं कर सकते यार, यार क्या यार कैसी बातें कर रहे हो सॉल्व तो करने आना चाहिए ना बेटा आपको वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इस स्टेज में जब एग्जाम है एक महीने बाद ठीक है इसका क्या चाहिए वन प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन वन माइनस आयोटा का संयुग्मी बताना है जल्दी बताओ संयुग्मी बताइए कॉन्जुगेट फटाफट बताओ कौन सा आंसर आ रहा है संयुग्मी पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लो वन प्लस मैंने बार बार बताया है टू के बराबर वन, वन तो और नीचे क्या बन जाएगा देखो वन प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वन माइनस एटा वन प्लस एटा कितना बन जाएगा वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर ये इसके साथ कट जाएगा आयोटा का वन में मल्टीप्लाई आयोटा हो जाएगा आयोटा का आयोटा में होगा आयोटा स्क्वायर तो ये आ आयोटा माइनस वन ठीक है कितना आ जायेगा? आयोटा माइनस वन अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा की जगह माइनस एटा रखते हैं बेटा आयोटा की जगह माइनस एयोटा रखते हैं कॉन्जुगेट निकालने के लिए कॉन्जुगेट निकालने के लिए आयोटा की जगह माइनस एटा रखते हैं केवल आयोटा की जगह माइनस एओटा रखते हैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं केवल आयोटा की जगह माइनस एओटा केवल आयोटा की जगह माइनस एओटा ज्यादा दिमाग नहीं ज्यादा मत सोचा करो आपको बाकी नंबर से कोई लेना देना नहीं है केवल आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दीजिए पहले कुछ और आंसर दे रहे थे तुम लोग तो गड़बड़ सड़बड़ करके आओगे इसी तरह एग्जाम में सिंपल रखो ना डिफिनेशन को कि आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखेंगे ये आपका यदि है तो बार की जगह, आयोटा की जगह जगह आयोटा माइनस रखेंगे बहुत ज्यादा सोचते क्यों यदि आपका ये जेड सही आया है तो आयोटा की जगह माइनस एटा रखिए तो ज्यादा सोचने लगते हो अरे माइनस वन है माइनस वन से क्या लेना देना है आपको आयोटा की जगह माइनस एवटा रखना है बस बाकी थोड़ा ना सोचना है आपको क्या हो रहा रियल पार्ट चाहिए यही वाला क्वेश्चन हमने किया था क्या याद करो यही वाला किया था क्या इसी का रियल पार्ट निकाला था क्या वन माइनस कॉस थीटा एक्चुअली में ये क्या है वन माइनस कॉस थीटा प्लस टू एटा साइन थीटा ये तो यही है ना तो यही हमने निकाला था क्या कुछ देर पहले चेक करते एक बार आ गया आ, एक मिनट ध्यान से देखो यही इसी का तो रियल पार्ट निकाला था हमने वन अपॉन फाइव प्लस थ्री कॉस थीटा वही तो पूछा गया हमसे देखिए इसी का हमें क्या पूछा गया रियल पार्ट रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग चाहिए वास्तविक भाग तो रियल पार्ट हमने क्या निकाला था वन अपॉन फाइव प्लस थ्री कॉस थीटा ना फाइव प्लस थ्री थीटा ये कर चुके हैं तब ये कह रहा था सर क्वेश्चन करवाइए वो वही वाला समय है जब ये कह रहा था सर क्वेश्चन करवाइए अब उसी समय करवाया था मैंने ये क्वेश्चन तो रियल पार्ट समझ गए रियल पार्ट के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस एटा बी के फॉर्मेट में चाहिए तभी आप रियल पार्ट को नजर देख पाओगे उसको चलिए इसको तो मैं आपको आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे होमवर्क में बस आपको वैल्यू रख के चेक करना है वैल्यू रख के चेक करना है सब लोग जब वीडियो खत्म होगी तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दोगे ठीक है बस वैल्यू रख के चेक करना है कि आपको जेड वन जेट टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिसमें जेड वन प्लस जेड टू और जेड वन जेट टू जेडवन इंटू जेड टू ये दोनों रियल हैं तो फिर जेडवन और जेट टू में क्या आपस में संबंध होगा ठीक है ये आपकी जिम्मेदारी है सब लोगों के आंसर चाहिए मुझे सब लोगों के चलो यहां भी रियल पार्ट निकालना है सेम प्रोसेस करेंगे वास्तविक भाग चलिए ट्राई करिए सब लोग सेम प्रोसेस अभी किया था एक क्वेश्चन ठीक है वैल्यू डाल के देख लेना है ठीक है कि क्या होगा बस आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए कि ऐसा क्या हम जेडवन जेट टू को डालें कि वो दोनों रियल हो जाए इसका वास्तविक भाग चाहिए चलिए ट्राई करिए इसे अभी इसी टाइप का तो क्वेश्चन किया था जिसका फाइव प्लस थ्री कॉस्टिट आया था थोड़ा सा परिवर्तन है यहां पर टू नहीं है बस तो वो सेम टाइप का क्वेश्चन बट टू नहीं है तो अप्रोच तो सेम होगी ठीक है अप्रोच तो सेम होगी ट्राई करिए तो क्या होगा नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई सेम अप्रोच से लगेगा क्वेश्चन नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जाम में ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है आप फटाक से लिख दीजिए नीचे आपको पता ही है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या तो डायरेक्ट लिख दो एग्जाम में वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर कितना आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा सेम सेम तरीके से अपनाएंगे देखो रियल पार्ट क्या होगा जो रियल पार्ट होगा इसका ठीक है जो रियल पार्ट होगा वो वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ध्यान से देखिए तो वन माइनस भी है और एक एक वन माइनस इंटू वन माइनस और ये हो जाएगा आएगा ऊपर वाले कट जाएगा। यहां बचेगा वन माइनस कॉस्ट थीटा और यहां बचेगा वन प्लस तो ये आ जाएगा वन बाई टू ये आ जाएगा वन बाई टू बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो ये आ जाए देखो सेम अप्रोच सेम तरीका मैच कर गया कॉमन लिया जा रहा है कट रहा है यही होता है ज्यादा प्रैक्टिस का फायदा ठीक है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मोस्टली चीजें आपको याद हो जाएंगी चलिए आगे बढ़े फटाफट इसका इमेजनरी पार्ट चाहिए काल्पनिक भाग वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन टू माइनस आयोटा का, का काल्पनिक भाग क्या चाहिए काल्पनिक भाग इमेजनरी पार्ट और इमेजनरी पार्ट भी तो तभी निकलेगा जब ये ए प्लस एयोटा की बी के फॉर्मेट में आएगा ए प्लस एयोटा बी के फॉर्मेट में आएगा तभी तो निकलेगा तभी तो निकलेगा बेटा तो बस ए प्लस एयोटा बी के फॉर्मेट में चेंज करना है ऊपर वन प्लस एयोटा स्क्वायर मैंने बोला ना बार बार आता है इसलिए याद रखिएगा टू एयोटा और नीचे टू माइनस इसको ए प्लस एयोटा बी के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया टू एटा टू ये फोर एयोटा हो गया और ये हो जाएगा टू एयोटा स्क्वायर और टू माइनस एयोटा टू प्लस एयोटा टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस टू प्लस फोर आयोटा अपॉन फाइव इमेजनरी पार्ट ऑफ इमेजनरी पार्ट हो जाएगा फोर बाई फाइव के क्या आ जाएगा फोर बाई फाइव के आ जाएगा इमेजनरी पार्ट फोर बाई फाइव के हो जाएगा ठीक है चलिए इसमें रियल पार्ट बताइए आसान है क्वेश्चन तो आगे और इसी पर अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको चिंता मत करिएगा वास्तविक भाग रियल पार्ट तो नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई तो वन अपॉन थ्री प्लस टू है थ्री माइनस एस टूटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया मैंने ऊपर तो हो गया थ्री माइनस टू एटा और नीचे थ्री स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर हो जाएगा तो थ्री माइनस टू एओटा अपॉन थर्टीन तो रियल पार्ट कितना आ जाएगा थर्टीन बाई थ्री बाई थर्टीन न ऑप्शन में तो ऑप्शन में तो है नहीं ठीक है ऑप्शन में है नहीं तो गड़बड़ है ना वो ऊपर में होना चाहिए तो फिर यहां पर कहीं पर तो होना चाहिए ठीक है ऑप्शन में है नहीं तो कहाँ कर लें यहां कर लें ठीक है तो रियल पार्ट तो थ्री बाई थर्टीन ही आएगा ठीक है चलिए आगे करिए इस क्वेश्चन को करिए फटाफट फड़ देखो फटाफट फड़ देखो मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं आपको वन टू थ्री नन चलिए फटाफट फड़ ट्राई करिए फटाफट फड़ ट्राई करिए इसे ठीक है चलो क्या आएगा इसमें आंसर फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन और ये जो वैल्यू है देखो वन माइनस अयोटा अपॉन वन प्लस अयोटा की पावर एन ये क्या आ जाए प्योरली इमेजनरी आ जाए विथ पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट प्योरली इमेजनरी विथ पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट मतलब इस टाइप का आ जाए अच्छा ये मैं आपको पहले पहले एक चीज़ बता देता हूँ पहले मैं इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी आपको बता देता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा अभी थोड़ा सा ये क्वेश्चन को दो मिनट के लिए रोक दो प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर इस क्वेश्चन को करते हैं देखिए प्योरली रियल पूर्णतः वास्तविक क्या होता है प्योरली रियल प्योरली रियल का मतलब यह हो गया कि इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा जीरो काल्पनिक भाग क्या होगा जीरो होगा जेड का काल्पनिक भाग क्या होगा जीरो होगा का काल्पनिक, हो? हो काल्पनिक भाग जीरो होगा पहले प्योरली रियल प्योरली इमेज समझ लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को करते हैं प्योरली रियल पूर्णतः वास्तविक का मतलब यह हो गया पूर्णतः वास्तविक या शुद्धता वास्तविक इसका मतलब यह हो गया कि इमेजनरी पार्ट क्या होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो होगा जेड का काल्पनिक भाग क्या होगा जीरो होगा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नजर आएगी कैसे ऐसे टू नजर आ, आ सकती है और आपको क्या नजर आ सकती है माइनस टू नजर आ सकती है जैसे यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको क्या लिख सकते हो टू प्लस जीरो एयोटा टू प्लस जीरो अब टू प्लस जीरो को हम कैसे करेंगे जल्दी बताओ टू प्लस जीरो जो जेडवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्चुअली में टू कॉमा जीरो भी एक प्योरली रियल नंबर है क्योंकि इसमें इमेजनरी पार्ट जीरो इमेजनी पार्ट जीरो है अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां मिलेगी आपको ये यहां ये रियल एक्सिस है ये रियल एक्सिस है और ये क्या है आपकी इमेजनरी एक्सिस ये क्या है इमेजनरी एक्सिस वास्तविक अक्ष है और वो क्या है आपकी काल्पनिक अक्ष y एक्सेस तो माइनस टू ये जो है वो क्या है माइनस टू कॉमा जीरो यहां पर मिलेगा देखने को एक देख, अब हम बात कर लेते हैं प्योरली इमेजनरी की प्योरली इमेजनरी पूर्णतः काल्पनिक प्योरली इमेजनरी तभी होगा जब रियल पार्ट क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो होगा रियल पार्ट क्या होगा जीरो होगा हाँ शुद्धता भी बोलते हैं तो प्योरली रियल में इमेजनरी जीरो प्योरली इमेजनरी में रियल पार्ट जीरो रियल पार्ट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए अब इस तरह के दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं एक जैसे मान लीजिए टू आयोटा हो गया और एक क्या हो गया आपका जेड वन और जेड टू और माइनस टू आयोटा यहां भी जेड वन जेड टू ही कर लेते हैं कहो माइनस टू आयोटा ठीक है यहां अच्छा जेड वन जेड टू यहां तो ठीक है टू एयोटा और माइनस टू एयोटा का मतलब देखो इसमें क्या है इसको लिख सकते हैं जीरो प्लस टू ए पर क्या है रियल पार्ट जीरो है यहां पर क्या है रियल पार्ट कितना है बेटा जीरो जीजीजीजी? मतलब तो है रियल पार्ट क्या इसका जीरो जीरो याद रखिएगा ये जीरो प्योरली इमेजनरी ये भी है और प्योरली इमेजनरी ये भी है लेकिन इसमें खासियत जो है जो इसका इमेजनरी पार्ट ऑफ जेडवन है है वो पॉजिटिव है दोनों प्योरली इमेजनरी है ये भी प्योरली इमेजनरी पूर्त काल्पनिक ये भी है। लेकिन जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो क्या है टू है जो कि पॉजिटिव है और इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो कितना है माइनस टू है जो कि क्या है निगेटिव है ये क्या है निगेटिव है तो प्योरली इमेजनरी में भी दो चीज है एक पॉजिटिव एक निगेटिव ठीक है तो ये कितना हो जाएगा बताओ ये तो जीरो कॉमा टू हो गया माइनस टू होगा यहां पर जीरो कॉमा माइनस टू जीरो माइनस टू होगा जीरो कॉमा क्या होगा माइनस टू होगा ठीक है अब एक और कंफ्यूजन यदि आपके पास आती है कि इमेजनरी सर क्या होता है काल्पनिक केवल हम बात करें इमेजनरी केवल काल्पनिक तो उस केस में बस क्या होना चाहिए ए प्लस आयोटा बी फॉर्मेट का कॉम्प्लेक्स नंबर बस इसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए ए जीरो नहीं होना चाहिए इस तरह फॉर्मेट का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है यहां पर ए जीरो नहीं होना चाहिए वो इमेजनरी है इमेजनरी जैसे टू आयोटा बी इमेजनरी नंबर है और थ्री प्लस टू आयोटा भी इमेजनरी है ये दोनों इमेजनरी है ये भी इमेजनरी है ये भी इमेजनरी है लेकिन ये प्योरली इमेजनरी नहीं है ये प्योर इमेजनरी है ठीक है जैसे ये दूध में पानी मिला वाला कहानी है ठीक है ये दूध है और ये दूध में मिला पानी ठीक बात समझ में आ गई अब आते हैं आपके उस क्वेश्चन पर आई होप आप प्योरली इमेजनरी प्योरली सब समझ गए होगे और नोटेशन भी समझ गए होगे ये टू एओटा कहां होता है माइनस टू कहां होगा और टू प्लस जीरो एटा कॉम्प्लेक्स नंबर कहां होगी माइनस टू प्लस जीरो कहां होगी अब इस क्वेश्चन पर आते हैं और ये पूछा जा रहा है कि आपको एन का सबसे छोटा मान बताना है जिसके लिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो वन माइनस एवटा वन प्लस एवटा की पावर एन है वो प्योरली इमेजनरी हो जाए प्योरली इमेजनरी हमेशा ए आई टाइप्स के होते हैं ए आई टाइप्स के होते हैं लेकिन कंडीशन ये है विथ पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट कंडीशन ये है कि a पॉजिटिव होना चाहिए मतलब 2 आयोटा 1/2 आयोटा 4 आयोटा इस टाइप का प्योरली इमेजनरी आना चाहिए जिसमें इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है काल्पनिक भाग पॉजिटिव है बात समझ में आई कि नहीं इस तरह का चाहिए तो ये बताइए ये ये चीज मैंने आपको बताई थी कि 1 आयोटा 1 आयोटा किसके बराबर होता है तो आयोटा के बराबर होता है अब बताइए इसको यदि इस फॉर्मेट में आना है एन को हम क्या ले सकते हैं क्या हो गया एक मिनट एक मिनट कहां है बराबर जीरो लिखा है बेटा एक मिनट एक मिनट पर यहां बी बी कर लो यार एक मिनट एक मिनट यहां बी लिख बी लिखना था एक मिनट एक मिनट यहां पर ए पे लिख दिया ना बी नहीं जीरो होना चाहिए बी जीरो नहीं होना चाहिए बी इसे करेक्ट कर लो बी नहीं होना चाहिए मतलब आयोटा का टर्म नहीं होना चाहिए जीरो क्योंकि आयोटा का टर्म जीरो हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहां देखिए बी जीरो नहीं होना चाहिए मतलब आयोटा का टर्म होना ही चाहिए यदि इमेजनरी बोल रहे हो आप रियल पार्ट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ए से कोई फर्क नहीं पड़ता ये देखो यहां पर ए जीरो है ना ये क्या है जीरो प्लस टू है उठा यहाँ तो ए जीरो है पी जीरो नहीं होना चाहिए मतलब जो इमेजनरी पार्ट है वो मौजूद रहना चाहिए क्योंकि वो मौजूद नहीं रहा तो फिर तो वो रियल हो जाएगा ठीक है बात समझ रहे हो मेरी बात तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा यहां पर ए लिख दिया था मैंने पी नॉट इक्वल टू जीरो होगा यहां पर भी जीरो नहीं होना चाहिए मतलब इमेजनरी पार्ट आयोटा का टर्म रहना चाहिए ठीक है अब ये बताइए कि मैं यदि आयोटा यदि मैं एन बराबर यहां वन रखता हूं तो फिर ये तो गलत है ये गलत है क्या मैं तीन ले लू क्योंकि माइनस आयोटा का जो क्यूब होगा वो माइनस आयोटा क्यूब होगा और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है मतलब आयोटा के बराबर होगा जब एन बराबर थ्री लेंगे तो यह वैल्यू जो होगी वो आयोटा के बराबर होगी और आयोटा मतलब उसका इमेजनरी पार्ट कितना है 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 और इमेजनरी पार्ट यदि तो इसका कहने का मतलब यह हो गया कि वो प्योरली इमेजनरी है पर इमेजनरी पार्ट क्या है पॉजिटिव है ठीक है तो थ्री इज द करेक्ट आंसर चलिए एक चलिए क्वेश्चन लगाइए ये क्वेश्चन लगाइए फाइंड रियल थीटा सच दैट ये जो वैल्यू है वो प्योरली रियल है और प्योरली इमेजनरी है तो आपको क्या बताना है थीटा बताना है थीटा का रियल मान बताना है ये क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन या शायद यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है मैं कंफर्म नहीं हूं पर इसी टाइप का है यही होगा हो सकता है प्लस माइनस इधर उधर हो ठीक है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन अपॉन जेड टू करके वो प्योरली रियल है तो थीटा का मान बताना है और प्योरली इमेजनरी है तो थीटा का मान बताना है तो हमारा उद्देश्य क्या है कि इसको पहले हम ए प्लस अयोटा बी के फॉर्मेट में चेंज करेंगे और कहेंगे कि यदि प्योरली रियल होगा तो कब होगा जब इमेजनरी पार्ट जीरो होगा और प्योरली इमेजनरी कब होगा जब रियल पार्ट जीरो होगा तो वो कर देंगे वहां से थीटा मिल जाएगा तो पहले इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराइए नीचे के तो थ्री प्लस टू आयोटा साइन थीटा है और नीचे है वन माइनस टू आयोटा साइन थीटा नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दीजिए वन प्लस आयोटा साइन थीटा और वन आयोटा साइन थीटा नीचे नीचे क्या हो जाएगा बताओ वही कॉम्प्लेक्स नंबर उसका है तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर मतलब डायरेक्ट मैं फोर थीटा लिख देता हूं ऊपर बताइए तीन इंटू वन तीन टू आयोटा साइन थीटा और टू आयोटा साइन थीटा फोर आयोटा साइन स्क्वायर थीटा होगा मतलब माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इन कर रहा हूं मैं देखो पहले रियल पार्ट मैंने निकाले तो रियल पार्ट ऊपर क्या मिलेगा थ्री इन टू वन थ्री मिलेगा और टू अयोटा साइन थीटा जब टू अयोटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई फोर आयोटा साइन थीटा मतलब माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा और थ्री का जब टू में होगा तो सिक्स आयोटा साइन थीटा और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा आयोटा एट साइन थीटा अब पहला केस यदि प्योरली रियल है फर्स्ट यदि ये क्या है क्या है रियल है प्योरली रियल है पूर्णतः वास्तविक है तो क्या होना चाहिए बताइए पूर्णतः वास्तविक है तो इमेजनरी पार्ट जीरो इमेजनरी पार्ट तो जीरो होना चाहिए इसका इमेजनरी पार्ट क्या है एट साइन थीटा अपॉन वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो अब नीचे वाले से तो कोई मतलब नहीं है यदि जीरो हो रहा है तो ऊपर वाला जीरो हो जाएगा और साइन थीटा जीरो है तो थीटा जो आ जाएगा वो एन पाई हो जाएगा क्या हो जाएगा एन पाई हो जाएगा थीटा ठीक है कितना हो जाएगा थीटा एन पाई हो जाएगा थीटा एन पाई हो जाएगा एन पाई के लिए साइन थीटा जीरो होगा और साइन थीटा जीरो होगा तो ये प्योरली रियल हो जाएगा प्योरली रियल के लिए इमेजनरी पार्ट जीरो कर दिया दिस अपॉन नीचे वाला दूसरा केस प्योरली इमेजनरी पूर्णतः काल्पनिक के लिए इसका रियल पार्ट जीरो करोगे रियल पार्ट क्या करेंगे हम जीरो करेंगे तो थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा इसको जीरो करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा कितना कितना हो जाएगा साइन थीटा रूट थ्री बाई टू प्लस माइनस तो बाकी थीटा की सिक्सटी वैल्यू भी आएगी बाकी और भी वैल्यूज आएंगी इसमें ठीक है क्योंकि हमें तो पता तो है नहीं ठीक है बहुत सारी वैल्यूज इसमें पॉसिबल हैं अब इसका जनरल सोल्यूशन तो बहुत सारे पॉसिबल हो जाएंगे ठीक है यहां भी जनरल सोल्यूशन थीटा एन पाई हो जाएगा ऑप्शन में मिलेंगे ये क्वेश्चन ऑप्शनल भी आते हैं <laughs> अभी तो मैंने ऐसे ही करवा दी आपको मजा आया कि नहीं मजा आया क्या यार इतना मैं तुम्हें डिटेल से पढ़ा रहा हूं ना एकदम आनंद आ जाएगा आपको जब पूरा खत्म होगा ना ये तो आनंद आ जाएगा आपको बुरी तरह से नहीं मजा आ रहा है मजा आ रहा है कि नहीं एक मतलब आपको ये बेहतरीन एक वन शॉट आपको लगेगी एकदम मस्त एकदम यूनिक मस्त चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है प्योरली रियल में इमेजनरी पार्ट जीरो प्योरली इमेजनरी में रियल पार्ट जीरो अब इस क्वेश्चन को करते हैं मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं आयोटा वन प्लस आयोटा टू नन क्वेश्चन को करिए फटाफट क्वेश्चन क्या कह रहा है लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को मतलब एक इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है इसको क्या कर रहा है सैटिस्फाई कर रहा है वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू r है आयोटा रूट माइनस 1 है सपोज द इक्वेशन हैज अ रियल रूट सपोज करिए कि ये जो ये z में एक इक्वेशन है ना उसका एक रियल रूट है ये सोचिए अपने दिमाग में तो फाइन द नॉन रियल रूट उसका नॉन रियल रूट बताना है इसका अब एक ऐसा क्वेश्चन है देखकर हिल जाओगी ठीक है एक क्वेश्चन ऐसा है एकदम ना एकदम हिल जाओगे ठीक है चलिए इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक दे देंगे कितने देर का ब्रेक चाहिए दस मिनट दस मिनट तो ज्यादा बहुत है दस मिनट का दे देंगे ठीक है ज्यादा ब्रेक अच्छा नहीं ज्यादा ब्रेक करेंगे ना तो पढ़ने का ना तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा ना पढ़ा पढ़ाने का मन करेगा तुम ज्यादा ब्रेक देंगे तुम सुझ जाओगे सो तो जाओगे घर में बैठ के है चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो इक्वेशन है इसका एक एक रियल रूट है तो इसका नॉन रियल रूट बताना है भाई तो इसका नॉन रियल एक ही रूट तो रियल है दूसरा हो सकता है नॉन रियल होगा वो बताना है एक मान लेते हैं कि अल्फा जो है उसका एक रियल रूट है मान लिया मैंने अल्फा इसका एक क्या है वास्तविक मूल है तो वो सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री प्लस आयोटा अल्फा प्लस लेमडा प्लस टू आयोटा बराबर जीरो ठीक है अब देखिए ये आ गया इसको लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो आयोटा अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा प्लस लेमडा ठीक है अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा प्लस लेमडा हो गया रियल पार्ट ये हो गया इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा आयोटा कॉमन लेंगे तो टू माइनस अल्फा बराबर जीरो जीरो दोनों यदि बराबर हैं तो फिर ये जो टू माइनस अल्फा है वो जीरो के बराबर होगा तो टू माइनस अल्फा बराबर जीरो आ गया तो अल्फा बराबर कितना आ गया टू आ गया अरे वो तो रूट मिल गया आपको अल्फा कितना आ गया टू आ गया का मतलब पता चल गया कि दो इसका एक रियल रूट है ठीक है अल्फा आपको टू मिल गया अब ये वाली वैल्यू भी तो जीरो के बराबर होगी तो डाल देते हैं चार माइनस सिक्स, सिक्स प्लस लेमडा अल्फा बराबर टू डाल दिया बराबर कितना है जीरो तो लेमडा बराबर भी टू आ गया अब लेमडा भी टू आ गया अल्फा भी टू आ गया उठा के अब लेमडा पूरा रखना नहीं हूं पहले वाले इक्वेशन में रख दीजिए इसमें तो जेड स्क्वायर माइनस का थ्री प्लस आयोटा जेड प्लस लेमडा कितना है टू प्लस टू आयोटा बराबर जीरो ये आपके सामने एक इक्वेशन एक मिल गई अब मुझे बताइए एक रूट पता है आपको टू है तो दूसरा रूट मिल जाएगा कि नहीं इसका एक रूट टू पता है तो दूसरा रूट कैसे मिलेगा बताओ कैसे मिलेगा एक रूट टू पता है तो आप दोनों लगा सकते हो आप सम आप रूट्स भी लगा सकते हो प्रोडक्ट भी लगा सकते हो मैं दोनों लगा के दिखा दे रहा हूं आपसे एक ही की जरूरत है एक रूट टू है दूसरा मान लेता हूं मैं बीटा तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस बी अपने मतलब थ्री प्लस एयोटा तो यहां से बीटा कितना आ जाएगा वन प्लस आयोटा। तो दूसरा रूट जो नॉन रियल है वो वन प्लस आयोटा आ गया कितना आ गया वन प्लस एयटा आ गया दूसरा नॉन रियल रूट आप चाहे प्रोडक्ट भी लगा सकते हो देखो प्रोडक्ट कितना आएगा टू प्लस टू एयोटा प्रोडक्ट कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा टू प्लस टू एओटा और एक टू है तो दूसरा रूट देखो अपने आप पता चल गया बीटा दो से डिवाइड कर देंगे वन प्लस एयोटा आ जाएगा तो दोनों तरीके से आ जाएगा आपका आंसर बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मजा आया कि नहीं बताइए मजा आया तगड़ा वाला प्यारा सा क्वेश्चन है है ठीक वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो थोड़ी देर के लिए तो छोड़ देना उसे ठीक है हमने कहा भाई उसने क्वेश्चन में बोला कि एक रियल रूट है इसका दूसरा नॉन रियल रूट बताइए क्योंकि जेड स्क्वायर है दो रूट मैंने कहा कि

चाहे आप प्रोडक्ट से निकाल सकते हो दोनों से चलेगा अब हम बात कर लेते हैं मॉड्यूलेंट की लेकिन अब से दस मिनट के बाद तो हमारी आपकी मुलाकात होगी फोर थर्टी पर और अब जो टॉपिक और भी अच्छे शुरू होने वाले हैं आगे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होने वाले हैं ठीक है और प्यारे प्यारे क्वेश्चन बहुत होने वाले हैं आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे मॉडललेस आर्गुमेंट प्योरली इमेजनी प्योरली रियल सब पर ठीक है तो अभी थोड़ी देर का ब्रेक दस मिनट का ठीक है चलिए मिलते हैं फिर चलिए फिर स्टार्ट करें आ जाओ सब लोग हम्म चलिए तो मॉडुलस एंड ऑर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये बड़ा प्यारा सा टॉपिक है और इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में ठीक है बेटा इंडिया टू बैच जल्दी आपको दिखने लगेगा ऐप पर तो आप इनरोल कर लीजिएगा ठीक है चलो मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे जेड बराबर जैसे ये एक्स प्लस है वाई है और मान लेता हूं मैं एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है लेट कर लिया मैंने मान लीजिए एक, एक पॉजिटिव ले लिया वाई पॉजिटिव ले लिया मैंने तो ये पहले बताओ कि एक्स प्लस एओटा वाई ये जो एक्स प्लस एओटा वाई है जिसमें एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है ये एक्स वाई कहाँ पर है यहाँ कहीं होंगे ठीक है तो इस इसको यदि हम ओरिजिन से मिला दें इस पॉइंट को मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि ओरिजिन से मिला दें तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना यही मॉड ऑफ जेड होती है यही आपका मॉडुलस होती है कॉम्प्लेक्स नंबर का ठीक है और यदि एक्स वाई है इसका मतलब ये दूरी एक्स है और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी वाई होगी तभी तो एक्स कॉमा वाई हुआ है तो ये एक्स है और ये वाई है तो हाइपेटेनस यही आपका मॉड जेड होता है और वो कितना हो जाएगा अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसीलिए जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ठीक जो जेड बराबर एक्स प्लस iota वाई है तो जो जेड का मॉड होगा वो एक्स प्लस अयोटा वाई का जो एक्स प्लस अयोटा वाई का जो मॉड होगा वो क्या होगा अंडरवुड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम बोलेंगे मतलब मॉड ऑफ जेड जो होगा वो अंडरवुड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर होगा इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मान लीजिए वन प्लस एयोटा है ठीक है जैसे मैं मान लू कि जेड वन आपका वन प्लस एयोटा है जेड टू जो है वो वन माइनस एओटा है जेड थ्री जो है वो माइनस प्लस एयोटा है और जेड फोर जो है वो माइनस वन माइनस है ये बताइए किस क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट की क्वाड्रेंट की है ये क्या है फोर्थ की है ये क्या है आपकी सेकंड की है और ये क्या है थर्ड की है ठीक के। है आपको नहीं लगता कि इन सबका मॉडल तो सेम होगा भाई जेड वन का मॉड क्या होगा अंडरवुड ऑफ़ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर जेड टू का मॉड भी यही होगा वनडरवुड वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर जेड थ्री का मॉड भी यही होगा अंडरवुड वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर जेड फोर का भी मॉड यही होगा अंडरवुड वन स्क्वायर प्लस वन माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सबका मॉडल से अंडरवुड रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर यदि रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट मॉड वाइज मतलब न्यूमेरिकली वाइज वो सेम है तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनका मॉड सेम ही आएगा ठीक है आप देखिए यहां पर जेड वन का मॉडल निकालो चाहे जेड टू का मॉड निकालो चाहे जेड थ्री का मॉड निकालो चाहे जेड फोर का मॉड निकालो ये क्या आ गया आपका सेम आएगा क्वाड्रेंट हमने कैसे पहचाना है प्लस माइनस का देखकर दोनों रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव थे मतलब प्लस प्लस का वाला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस प्लस है तो थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट ठीक है और आप देखिए ध्यान से जैसे मैंने जेड बराबर ए प्लस एयटा बी ले लिया और जेड टू बराबर बी प्लस एयटा यहाँ भी कोई अंतर नहीं है यहाँ भी भी वन का मॉड वही आएगा और जेट टू का मॉड भी वही आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बात तो एक ही है यहाँ तो यहां वन का मॉड और जेड टू का मॉड अभी भी सेम होगा तो यहां से कई चीजें आपको सुनने को मिलेंगी ठीक है बेटा माइनस वन माइनस है किस क्वाड्रेंट का है? है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस यही होता है ठीक है चलिए तो मॉडुलस समझ में आ गया अगले पेज में हम बात करें कि जैसे कि जेड वन प्लस आयोटा है ठीक है और जेड टू वन माइनस आयोटा है ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इन दोनों का मॉड सेम है वन का मॉड और जेड टू का मॉड दोनों क्या है सेम है वन का मॉड जेड टू का मॉड दोनों क्या है सेम है ठीक है जेडवन का मॉड और जेट टू का मॉड दोनों देखो सेम है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर नहीं है बट नॉट इक्वल टू जेड वन बराबर जेड टू मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मॉड क्योंकि लैंग्वेज में ये सब चीजें पूछी जाती हैं कई बार एग्जाम में लैंग्वेज में कई चीजें पूछ ली जाती हैं ठीक है जैसे कि जेड वन का मॉड और जेड टू का मॉड दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड यदि सेम है इसका कतई मतलब ये नहीं निकलता है कि जेडवन जेड टू बराबर है जेड वन जेट टू बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ठीक है थीके? लेकिन ये इफ जेड वन बराबर जेड टू है यदि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो दिस इंप्लाइज जेड वन का मॉड और जेड टू का मॉड आपस में बराबर होगा ये दो चीजें अपने दिमाग में ना रख लीजिएगा ये दो चीजें अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड यदि आपस में बराबर है तो इसका जरूरी नहीं है कि जेड वन टू बराबर होगा लेकिन जेड वन कॉम्प्लेक्स टू बराबर है तो उनके मॉड जरूर बराबर होंगे आपस में ठीक है? तो बात समझ में आ गई तो मॉडुलस तो समझ में आ गया आपको तो जैसे मैं आपको दे दूं कि जेड वन बराबर टू प्लस थ्री ओटा है तो फिर आप जेड वन का मॉड क्या आ जाएगा रूट टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर ठीक है तो मॉडल्स के बारे में थोड़ा आप जान गए और मॉडल के बारे में फिजिकली भी जान गए कि क्या होता है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मिलाएंगे तो ये वाली जो दूरी होती है वही आपकी मॉड ऑफ आप जेड होगी ठीक है चलिए अब थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट के बारे में हम देख लेते हैं ठीक है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट सॉरी uh, पहले तो आर्गूमेंट के बारे में ही देख लेते हैं चलो तो एक एक मिनट प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे पहले आर्गूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं पहले आर्गूमेंट ओडांग थोड़ा ध्यान से समझिएगा समझिएगागूमेंट की बात करते हैं ठीक है अरे जेट थ्री और जेट फोर का साइन गलत लिखा आपने क्या गलत हो गया बेटा क्या गलत है इसमें हाँ बोलो सूरज जी बताइए क्या प्रॉब्लम है क्या समस्या हो गई बोलो चलो बोलो बोलो क्या दिक्कत है अब तुम्हें सीक्वेंस चाहिए था तुम्हें पता कैसा सीक्वेंस चाहिए था एक दो तीन चार वाला तुम सोच रहे होगे मैं सब सीक्वेंस में लिखूंगा अरे कोई जरूरी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट ही लिखूंगा मैंने तो, तो रैंडम लिखा है मैंने मैंने तो रैंडम लिखा है बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस 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 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया मैंने तो रैंडमली लिखा हुआ है थोड़ा ना कि कोई सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ वन टू थ्री फोर सीक्वेंस नहीं लिख रहा मैं मैंने तो रेंडमली लिखा हुआ है उसे ठीक है या यार तुम लोग भी चलिए आर्गुमेंट का देखो क्या मतलब है जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वन कॉमा वन ये कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है वन प्लस अयोटा तो इसका आर्गुमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आर्गुमेंट हमसे बोलता है कोडांक यदि बोलता है तो वो क्या होता है एक्चुअली में ओरिजिन से आप क्या कर लीजिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मिला लीजिए ये मिला लीजिए जो भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर दी है उसको ओरिजिन से मिला लीजिए अब ये वाली लाइन ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये वाला ये आपका क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस धनात्मक एक्स एक्स क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस धनात्मक एक्स ध्यान से देखो ये जो ओ है वो आपका क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है धनात्मक x अक्ष है और ओ एक्स डैश जो है यहां डैश कर लेते हैं डैश वो आपका क्या है निगेटिव x एक्स एक्सिस एक्स तो क्या किया उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया हमने अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बन रहा है वही क्या होगा उसका आर्गुमेंट होगा पॉजिटिव से जितना एंगल बन रहा है वही क्या होगा उसका आर्गुमेंट होगा अब बताइए ये दूरी वन है ये दूरी वन है तो ये 45 डिग्री बन रहा होगा इसीलिए जो इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा आर्ग जेड लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड वो कितना होगा पैतालीस डिग्री होगा क्या होगा फोर्टी फाइव डिग्री होगा ठीक है समझ रहे मेरी बात क्या होगा फोर्टी फाइव डिग्री होगा तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है वो क्या हो जाएगा उसका आर्गूमेंट हो जाएगा अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं जैसे कि दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने जेड टू माइनस वन प्लस अयोटा अब देखिए ये माइनस वन प्लस आयोटा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा निगेटिव पॉजिटिव ठीक है यहां पर होगा माइनस वन वन अब क्या किया गया मैंने कहा इसका आर्गुमेंट बताइए तो ओरिजिन से आपने इसको ज्वाइन किया ठीक है अब ये वाला जो एंगल होगा ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अच्छा ये वाला भी मेजर कर सकते हैं हम हम चाहें तो ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ये वाला भी आर्गुमेंट होगा बस ये निगेटिव में लिया जाएगा और ये वाला एंगल क्या होगा पॉजिटिव में लिया जाएगा ठीक है समझ रहे हो ये क्या लिया जाएगा पॉजिटिव लिया जाएगा तो नीचे वाला छोड़ते हैं अब बताइए अब आपको ये वाला जो है वो आर्गुमेंट होगा तो देखिए ये वन है ये आपका वन है तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री और ये हो जाएगा 135 डिग्री और इस समय इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा बात समझ में आ रही है अब मैं आपको पहले कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता देता हूं उनका आर्गुमेंट फिर हम चलेंगे किस पर फिर हम चलेंगे जो इसके रूल्स होते हैं उस पर आर्गुमेंट निकालने के तो पहले आपको जो आर्गुमेंट बताना है वो ये बताइए कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है कोई वो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा जैसे मैंने मान लिया टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने जेड वन मान लिया जो कि टू है अब इसका बताइए आर्गुमेंट कितना होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड वन और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया मैंने माइनस टू अब इसका आर्गुमेंट बताइए जल्दी से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया मैंने टू आयोटा इसका आर्गुमेंट बताइए और एक जेड मान लिया माइनस आयोटा इसका आर्गुमेंट बताइए बेटा पैंतालीस तो आना चाहिए आपको यार कम से कम आपको ट्राइंगल वाइंगल तो बनाने आना चाहिए ये दूरी एक है ये दूरी एक है तो टेन थीटा यहाँ ठीक है ये पैंतालीस डिग्री नहीं आएगा यार सब तो छोटे से बच्चे जानते हैं यार आज के जमाने में क्या यार टेन टेन थीटा लगा लो ना टेन एंगल लगा लो तो देखिए क्योंकि वो जेड वन जो है वो टू वो कहाँ पर है मैंने आपको बताया था वो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई यहाँ कहीं पर होगी यहाँ कहीं पर होगी और यहां कहीं पर है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जीरो डिग्री का कोड बनाएगी ना यदि कॉम्प्लेक्स नंबर इसी के ऊपर है तो इसी के ऊपर है तो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा ठीक अब माइनस टू कहाँ होगा माइनस टू कॉम्प्लेक्स नंबर वो यहां कहीं पर होगी अब यहां कहीं पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोड बना रही है पाई बना रही है वैसे होने को तो माइनस पाई भी होगा ये भी होगा पाई भी बोलोगे माइनस पाई भी बोलोगे दोनों बोल सकते हो पाई बोलिए माइनस पाई बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब टू आयोटा बताओ टू आयोटा मतलब जीरो कॉमा टू ये आपका जेड थ्री है टू आयोटा मतलब जीरो प्लस टू एयोटा मतलब जीरो कॉमा टू अब यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है पॉजिटिव वाई एक्सिस ये क्या होता है धनात्मक वाई अक्ष होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस ठीक है ये जो ओ वाई होता है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है धनात्मक वाई अक्ष और ओ वाई डैश क्या होता है नेगेटिव वाई एक्सिस होता है ठीक है ऋणात्मक वाई अक्ष तो ये बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर यदि यहां पर है कोई तो वो एक्स एक्सिस से पाई बाय 2 एंगल बनाएगी कितना बनाएगी पाई बाय 2 एंगल बनाएगी इतना बनाएगा पाई बाई टू सूरज यदिवंशी जी करें नाम ले लो भाई ले लिया तुम्हारा नाम खुश तो रहो मस्त रहो व्यस्त रहो ठीक है ले लिया सूरज जी आपका नाम चलिए <laughs> अच्छा ये बताओ माइनस टू है क्या होगा जीरो कमा माइनस टू वो कहीं आपको यहां देखने को मिलेगी जीरो कमा माइनस टू तो अब देखिए ये एक्स एक्सिस से, एकस से ये वाला एंगल लेंगे हम पॉजिटिव एक्सिस से तो ऐसे भी मेजर कर सकते हैं और हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं दोनों तरीके से मेजर कर सकते हैं तो जब ऐसे मेजर करेंगे तो थ्री पाई बाई टू होगा पाई पाई और ऐसे मेजर करेंगे तो माइनस पाई बाई टू होगा इधर से निगेटिव एंगल होता है ना चलिए बात समझ में आ गई तो ये हो जाएगा थ्री पाई बाई टू या फिर आप माइनस पाई बाई टू बोल सकते हो ठीक है बात समझ में आ रही है बताइए हाँ चलिए अब फटाफट क्वेश्चन लगाइए नाम ले लिया आपका बात समझ में आ गई है आर्गुमेंट समझ में आ गया कि नहीं नाम समझ में आ गया सब कुछ बोलिए फटाफट क्यों किसी का पाई बाई टू हुआ है क्यों पाई हुआ है क्यों जीरो हुआ है ये सब समझ में आ गया यहां से मेजर करेंगे तो फिर ये तो थ्री फाइव बाई टू बन जाएगा और इस तरह से मेजर करेंगे पॉजिटिव से तो माइनस फाइव बाई टू बनेगा चलिए और रूल से पहले अब रूल एक बार समझ लेते हैं कि जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आई एक्स प्लस अयोटा वाई जैसे यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहले आपको अल्फा क्वांटिटी निकालनी है क्या निकालनी है अल्फा ये आपको क्या करना पड़ेगा पता करना पड़ेगा फर्स्ट की है सेकंड की है थर्ड की है फोर्थ की है क्या हो गया सही हो जाएगा यार बफरिंग सही हो गया ठीक है ना अब चलिए टीटा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा हो जाएगा ईटा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा हो जाएगा अब देखिए मैं उसी की एग्जाम्पल से लेता हूं आपको एक ही आसान सा एग्जाम्पल है उसी से समझते हैं सब कुछ वही आसान सा जेड वन बराबर वन प्लस एओटा है, है। जेड टू जो है वो माइनस वन प्लस एटा है जेड थ्री जो है वो माइनस वन माइनस है जेड फोर जो है वो वन माइनस है उठा है ठीक है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की है ये सेकेंड क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर है ये थर्ड क्वाड्रेंट की है और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट की है ठीक है अब ये तुमने वहां पर पता क्या तुम सोच रहे हो कि मैंने जेड टू लिखा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट की लिखा होगा या जेड थ्री लिखा है तो थर्ड क्वाड्रेंट की लिखा होगा यार कोई मतलब थोड़ा ना है वो तो वैसे ही लिख दिया गया है तो कोई मतलब तो ना कि जेड थ्री लिखेंगे तो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट का ही होना चाहिए वो चलिए अब सबके केस में आप अल्फा निकालिए अल्फा क्या होगा टेन इनवर्स ऑफ इमेजनरी पार्ट वन नीचे इमेजनरी पार्ट वन तो आ जाएगा पाई बाई फोर तो सब में वही आएगा आप किसी में भी निकालिए अल्फा आपको पाई बाई फोर आएगा क्योंकि यहां मॉड लगा हुआ है फॉर्मुले में सबके लिए अल्फा क्या आएगा पाई बाई फोर आएगा बात समझ में आ रही है सबके लिए क्या आएगा पाई बाई फोर आएगा अल्फा अल्फा में कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्फा में कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अल्फा में कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आपको यह ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो थीटा और अल्फा बराबर हैं और ये थीटा ही हमारा आर्गुमेंट है यही आर्गुमेंट ऑफ जेड वन हो जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो थीटा जो होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा पाई माइनस अल्फा मतलब पाई बाई फोर मतलब हो गया थ्री पाई बाई फोर यही आर्गुमेंट ऑफ जेट टू हो गया थीटा कितना हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा और यही हमारा हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेट टू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था थीटा जो है वो अल्फा माइनस पाई होगा मतलब पाई बाई फोर माइनस पाई होगा तो थीटा हो जाएगा माइनस थ्री पाई बाई फोर और यही होगा हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड थ्री ठीक है ठीक और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा जो होगा वो माइनस अल्फा होगा थीटा कितना हो जाएगा माइनस फोर फाइव बाई फोर हो जाएगा और ये होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड फोर ये बात समझ में आ गई ठीक है यही है आपको याद करना है अल्फा तो देखो सबका सेम आएगा यदि यहां पर एक्स और वाई में केवल प्लस माइनस का अंतर है तो अल्फा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वाई अपॉन एक्स का है पार्ट पार्टन रियल पार्ट का है। तो अल्फा सेम आएगा यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट की है तो थीटा को अल्फा के बराबर कर देंगे सेकेंड की है तो थीटा पाई माइनस अल्फा होगा थर्ड की है तो थीटा अल्फा माइनस पाई हो जाएगा फोर्थ की है तो थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा ठीक है ये आपको याद करना है कि आपको याद करना है अल्फा कैसे मिलेगा टेन इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट पर यही निकाला मैंने कि अल्फा क्या होगा टेन इनवर्स है रियल पार्ट भी वन, है, तो टेन इन्वर्स वन, वन. टेन इन्वर्स वन क्या होगा पाई बाई फोर होगा तो अल्फा कितना हो जाएगा पाई बाई फोर के बराबर हो जाएगा अल्फा कितना हो जाएगा पाई बाई फोर के बराबर हो जाएगा ठीक है अब सुनिए आगे यहां पर थीटा पाई माइनस अल्फा होगा और थीटा यहां पर अल्फा माइनस पाई होगा थीटा माइनस अल्फा होगा बस सिंपल सी बात है एक चीज और याद रखिएगा आप आर्गुमेंट ठीक है आप टू पाई टू के पाई का मल्टीपल ऐड भी कर सकते हो आर्गुमेंट में आर्गुमेंट में टू के पाई ऐड करने पर भी आर्गूमेंट ही आएगा मतलब आप यदि आप टू पाई ऐड कर देते हो तो वो भी उसका आर्गूमेंट ही आएगा ठीक है ध्यान रखिएगा जैसे मान लीजिए माइनस थ्री पाई बाई फोर आया ना अब ऑप्शन में माइनस थ्री पाई बाई फोर नहीं है आप उसमें टू पाई ऐड भी कर देंगे तो भी वो भी उसका आर्गूमेंट ही आएगा तो आप चाहे तो इसमें टू पाई ऐड कर दीजिए माइनस थ्री पाई बाई फोर में यदि टू पाई ऐड कर दोगे तो आ जाएगा फाइव पाई बाई फाइव पाई बाई बाई फोर ये भी आर्गुमेंट ऑफ जेड थ्री ही आएगा याद रखिएगा टू पाई बाई सॉरी टू पाई का मल्टीपल ऐड भी कर सकते हो आप टू पाई फोर पाई सिक्स पाई एट पाई या फिर माइनस भी कर सकते हो माइनस टू पाई माइनस फोर पाई एड सब्ट्रैक्ट करके टू पाई का मल्टीपल ऐड और सप्ट्रेट करके भी आप आर्गूमेंट निकाल सकते हो चीज को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा होगा कि कई बार माइनस थ्री पाई बाई फोर इस तरह के आंसर मौजूद नहीं होंगे तो आप टू पाई एड करके भी आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो बात समझ में आ रही है तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट यहां पर हम बात करेंगे कोडांक का मुख्य मान मुख्य कोडांक बोल सकते हो मुख्य कोडांक क्या होता है देखिए जब भी आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की बात करेंगे आप थीटा का मान माइनस पाई और पाई के बीच में ही देंगे ये थीटा यदि यहां से यहां तक लाई कर रहा है तो वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है आर्गुमेंट का मुख्य मान है ठीक है तो थीटा आपको माइनस पाई से पाई देखो माइनस पाई पाई में एक ही इंक्लूड करोगे यार ठीक है पाई इधर से होगा माइनस पाई नीचे से होगा ठीक है तो कहने का मतलब है कि आर, आर्ग जो आर्गूमेंट यदि माइनस पाई और पाई के बीच में है मतलब इंक्लूडिंग पाई तो उसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट यदि आपसे पूछा है तो आप सिक्स पाई बाय सिक्स पाई आंसर नहीं दे सकते क्योंकि वो गलत है आपको इसी के बीच में देना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का मतलब ये हुआ ठीक है चलिए प्रॉपर्टीज आप मॉडल देख लेते हैं देखो आगे क्वेश्चन क्या आने वाले हैं मैं दिखा देता हूं आपको बहुत ज्यादा परेशान हो देखो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे ये कुछ मॉडल से रिलेटेड मिलेंगे और आर्गुमेंट है ठीक है आर्गुमेंट बताने के बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन है मैं दिखा देता हूं चलो आगे आगे आपको लेकिन यहाँ थोड़े से करने के बाद मिलेंगे आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को आपको ठीक है आगे क्या है क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको चलो पहले इसको करते हैं प्रॉपर्टीज देख लो पहले ठीक है प्रॉपर्टीज देख लो सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है क्योंकि सब पर क्वेश्चन बनता है जैसे एक दूरी है ना मॉड जेड क्या है एक दूरी है जेड क्या है एक दूरी है ठीक है तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा एक दूरी है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा फिर देखिए प्रॉपर्टीज में जेडवन और जेट्टू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मॉड ऑफ जेडवन मॉड ऑफ जेट टू होगा अलग अलग लग जाएगा जैसे मान लीजिए कि आयोटा और टू प्लस अयोटा इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम अलग अलग मॉडलेंगे वन प्लस आयोटा का मॉडल अलग लगा देंगे टू प्लस अयोटा का मॉड क्या कर देंगे अलग लगा देंगे वन प्लस अयोटा का मॉड अलग लगा देंगे टू प्लस अयोटा का मॉड अलग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा अंडरवुड वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर स्क्वायर प्लस ठीक है यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जेडवन अपॉन जेड टू का मॉड है तो उसका मॉड अलग अलग कर देंगे जैसे देखिए यदि थीटा थीटा प्लस आयोटा थीटा है और नीचे है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक है इनका मॉड निकालना है जेडवन अपॉन जेड टू टाइप्स का तो दोनों का अलग अलग मॉड कर लेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉड और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का मॉड दोनों अलग अलग कर लेंगे कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा फटाफट बताइए एक मिनट क्वेश्चन वाली फाइल यार तुम्हारे पास बड़ी मिक्स हो गई चलो एक मिनट हाँ चलिए इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है मॉडुलस आर्गुमेंट बताने के बाद तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब चिंता मत करिए उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ठीक है चलिए तो ये कितना आ जाएगा वन आ जाएगा ये कितना आ जाएगा देखो ऊपर भी वन आ जाएगा नीचे भी वन आ जाएगा वन आ जाएगा अच्छा मैं कहूं ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी का क्या होगा तो देखो दोनों का मॉड सेम ही आएगा दोनों का मॉड सेम आएगा तो वो वन आ जाएगा बाकी आप देखिए जेड का मॉड निकालिए माइनस जेड मॉड निकालिए जेड बार का मॉड निकालिए चाहे माइनस जेड बार निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ता ये प्रॉपर्टी पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जेड जेड बार होता है वो मॉड जेड की स्क्वायर के बराबर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेड बार जो होगा वो मॉड जेड स्क्वायर के बराबर होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेड जेड बार जो होगा वो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होगा ये ध्यान में रखिएगा ठीक है तो यही चीज है ये चीज वही है कि जेड अपॉन बार का जो मॉड होगा वो वन होगा जेड अपॉन बार जेड का मॉड अपॉन बार का जो मॉड होगा वो वन होगा देखो ये क्या होगा ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे उसका कॉन्जुगेट है तो उसका मॉड निकालना है तो वो वन ही होने वाला हमेशा ये वही चीज दो से ज्यादा के लिए भी मॉड अलग अलग ब्रेक हो जाता है ठीक है समझ रहे हो मेरी बात को तो वही चीज है कि भाई जेड वन इंटू जेड टू जैसे बहुत दो तीन मल्टीप्लाई में या डिवाइड में तो सब में अलग अलग हो जाए मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई में अलग हो जाएगा डिवाइड वाला डिवाइड में अलग हो जाए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेड की पावर एन का मॉड निकालें चाहे मॉड जेड की पावर एन करें दोनों में कोई अंतर नहीं है प्रॉपर्टी याद रखिएगा नहीं तो क्वेश्चन में दिक्कत होगी चाहे हम देखो जेड की पावर पांच का मॉड निकालें जेड की पावर फाइव का मॉड निकालें चाहे मॉड जेड की पावर फाइव करें दोनों में कोई अंतर नहीं है कभी आपसे जेड की पावर फाइव का मॉड आया तो यार जेड की फाइव फाइव निकालने में बहुत समस्या होगी तो आप मॉड जेड निकालकर पावर फाइव कर दीजिए आप क्या कर लीजिए आप मॉड जेड निकाल के पावर फाइव कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए अच्छा देखिए मॉड जेड एडी वन के बराबर है यह भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में मॉड जेड एन के बराबर है यदि मॉड जेड वन के बराबर है तो देखिए मॉड जेड वन के बराबर है तो मॉड जेड स्क्वायर भी वन के बराबर होगा मॉड जेड स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जेड जेड बार जेड जेड बार वन के बराबर होगा इसका मतलब जेड बार निकालना होगा तो वो वन बाई जेड होगा कितना होगा वन बाई जेड होगा जेड बार निकालना होगा तो कितना होगा वन बाई जेड होगा ठीक है बात समझ में आई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये काम आता है बहुत सारे क्वेश्चन में मॉड जेड वन मॉड जेड स्क्वायर वन होगा तो जेड जेड बार वन होगा तो जेड बार कितना हो जाएगा वन बाई जेड हो जाएगा ठीक है अब देखिए ध्यान से जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका आर्गुमेंट डिसाइड डिफाइन नहीं होता है जीरो का कोडांक परिभाषित नहीं है परिभाषित नहीं है जीरो एक ऐसा नंबर होता है जिसका आर्गुमेंट हम नहीं निकाल सकते ठीक है बात तो समझ में आ रही है फिर देखो वही सारी चीजें हैं कि जेडवन बराबर जेट टू है इसका मतलब इंप्लाइज ये हुआ कि मॉड ऑफ जेडवन जो होगा मॉड ऑफ जेड टू के बराबर होगा यहां से क्या है जेडवन जेट टू के बराबर है तो मॉड ऑफ जेडवन मॉड ऑफ जेड टू के बराबर होगा उसका आर्गूमेंट भी बराबर होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो फिर उनका मॉड भी बराबर होगा उनका आर्गुमेंट भी बराबर होगा अब बताइए कि यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्यान से सुनिएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई बाई टू आ गया या फिर माइनस पाई बाई टू आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्लीज इसको हल्के में मत लीजिएगा लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं ये सब चीजें स्टेटमेंट वाइज आर्गूमेंट यदि पाई बाई टू हो गया या माइनस पाई, तो पाई, पाई बाई टू हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगी या प्योरली इमेजनरी होगी जल्दी बताइए यदि आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई बाई टू हो गया या फिर माइनस पाई बाई टू हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगी या प्योरली इमेजनरी होगी जल्दी बताइए बताइए प्योरली रियल या प्योरली इमेजनरी पूर्ता वास्तविक या पूर्णता काल्पनिक प्योरली रियल मतलब पूर्ता वास्तविक प्योरली इमेजनरी मतलब पूर्ता काल्पनिक क्या होगा ऑब्वियसली इमेजनरी होगा मैंने बताया था भाई जब यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर होगी तभी उसका आर्गुमेंट पाई बाई टू होगा और जब यहां कहीं होगी तो आर्गुमेंट माइनस पाई बाई टू होगा और यदि जीरो और पाई हो रहा है यदि जीरो और पाई हो रहा है इसका मतलब है यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगी तो उसका आर्गुमेंट जीरो होगा और यहां कहीं होगी तो उसका आर्गुमेंट पाई होगा तो यही चीज यहां पर लिखी गई है मैं मिटा देता हूं इस सब समझिए रट्टा मत मारीने भूल जाओगे सब एग्जाम में कौन किस में क्या था पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू हो तो जेड जो है प्योरली इमेजनरी मतलब तब जेट क्या है काल्पनिक है यही चीज मैंने आपको बताई थी और जेड यदि जीरो सॉरी आर्गुमेंट जीरो है या पाई है जीरो कब होगा जब प्योरली रियल होगा पॉजिटिव होगा और प्योरली रियल में जब निगेटिव होगा तो उस समय पाई होगा ठीक है तो जेड क्या है पूर्णतः वास्तविक है पूर्णतः वास्तविक है ठीक है बात समझ में आ रही है ये चीज याद रखिएगा ये सब रिजल्ट आपको याद करने हैं सब रिजल्ट याद करने हैं बेटा ठीक है ये सब रिजल्ट आपको याद करने है ओके मैं बता देता हूं देखो वन प्लस जेड टू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो वन के स्क्वायर जेड टू का स्क्वायर प्लस वन जेड टू बार प्लस जेड टू बार होता है अब याद हो आपको तो इसको मैंने स्टार्टिंग में कुछ प्रूफ किया था वो प्रूफ किया था कि इसको हम लिख सकते हैं टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार लिख सकते हैं ठीक है और ध्यान रखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं जेड वन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जेड टू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू जेडवन का मैग्नीट्यूड जेड टू का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू ये हम लिख सकते हैं जहां पर जो थीटा वन है वो आपका आर्गूमेंट ऑफ जेड वन है थीटा टू जो है वो आर्गूमेंट ऑफ जेड टू है देखो प्रूफ हम नहीं करेंगे टाइम नहीं हमारे पास इतना बस याद रखना है आपको याद रखना है ठीक है ठीक है अब सिमिलरली यदि मुझसे यह कहा जाए कि मुझे जेड वन माइनस जेड टू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखना है तो मैं लिखूंगा जेड वन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जेड टू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस टू जेड वन का मैग्नीट्यूड जेड टू का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू ये मैं लिख दूंगा बात समझ में आ रही है तो ये दो मेन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बाकी आपको मैं डेरिवेशन करके बता रहा हूं ये दो आपको याद रखने हैं फिर बाकी चीजें तो इसी से बनाई गई हैं देखिए अब ये इक्वेशन नंबर वन हो गया और ये इक्वेशन नंबर टू हो गया ठीक है तो एक तो ये वाला हो गया जेड वन ये आपको दिखा दिया यहां पर ये चीज तो मैंने वो स्टार्टिंग में ही बताई है अब ये वाला मैं अभी आपको समझाऊंगा ये वाला अभी मैं आपको समझाऊंगा ये वाला दोनों को जोड़कर आएगा ये वाला जो आएगा वो कैसे आएगा इसको और इसको एड कर दीजिए तो देखो ये वाला कट जाएगा टर्म ना माइनस टू आएगा जेड वन जेड और यहां पर प्लस में आ रहा है भाई ये इसको और इसको ऐड करिए देखो लेफ्ट वाला यही आएगा जेड वन प्लस जेड टू के मैनी टू स्क्वायर जेड वन माइनस जेड टू के मैनी टू का स्क्वायर टू टाइम्स आ जाएगा ना क्योंकि ये कट जाएगा ये समझ में आ गया ठीक है अब मेरी बात सुनिए इसका वेडियो बेटा टेलीग्राम में मिल जाएगा यहीं इसी में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनिए ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जो वन प्लस एयोटा वन माइनस एयोटा का खाली आर्गोमेंट नहीं आएगा बेटा ये एयरफोर्स का पेपर नहीं है एनडीए के पेपर में कुछ भी आ सकता है अब चलिए ये पूछ लिया गया तो मैं समझाता हूं कैसे आएगा मान लीजिए कंडीशन ये दे दी कि जेड वन प्लस जेड टू के जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है क्या पूछा उसने जेड वन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जेड टू के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है तो यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा मतलब यहां से क्या आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी ये कब हो सकता है बराबर ये दोनों कब हो सकते हैं बराबर तो ध्यान से देखिए हम क्या जानते हैं वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि जेड वन प्लस जेड टू के जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वह जेडवन मैग्नीट्यूड स्क्वायर जेड टू मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस टू जेड वन का मॉड टू का मॉड कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू यही होगा हम तो ये जानते हैं ना अब यह बताओ ये वाली चीज ये कब बन पाएगी वाली चीज कब बन पाएगी जब आप इतना पार्ट जीरो जब इतना पार्ट क्या ले लोगे जीरो ले लोगे ये वाली चीज ये कब बन पाएगी जब आप इतना पार्ट जीरो ले लोगे अब इतना पार्ट जीरो होने का मतलब यह हुआ ठीक है और अच्छा एक और चीज थी इसको आपने ये भी लिखा था जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू का बार ये भी तो लिखा था आपने इसका मतलब है कि जब ये जीरो हो जाएगा जब ये जीरो हो जाएगा या फिर आपने ये भी लिखा है जेड वन के मैनीट्यूड का स्क्वायर जेड टू के मैनीट्यूड का स्क्वायर जेड वन जेड टू बार प्लस जेड टू जेड वन बार इसका मतलब जब ये जीरो हो जाएगा तो तीन कंडीशन है यहां पर भाई तीनों फॉर्मूले जेड वन प्लस जेड टू के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के ही है ना तीनों फॉर्मूले हैं बात समझ रहे हो मेरी तीनों फॉर्मूले हैं इसी के अब ये वैल्यू यदि इसके बराबर होनी है तो ये तीनों या तो ये जीरो इस वाले में ये जीरो इस वाले में ये जीरो होगा अब बताइए यदि ये जीरो है टू का बार प्लस जैट टू, जैट टू, वन का बार यदि ये जीरो है ठीक है समझ रहे मेरी बात तो मैं कहता हूं ये जीरो होना चाहिए यदि इसको ये होना है तो इसे जीरो होना पड़ेगा अब मैं जेडवन जेट टू से डिवाइड कर देता हूं यहां पर जेडवन जेट टू से डिवाइड कर देता हूं ये बताइए ये कितना आएगा ये आएगा जेड टू बार अपॉन जेड टू और ये कितना आ जाएगा जेड वन बार अपॉन जेड वन बराबर जीरो ये आ जाएगा ठीक है ये बात समझ में आ रही है या फिर एक और काम कर सकते थे किसी और से डिवाइड कर दें क्या जेट टू जेड टू बार से कर दें क्या जेट्टू से नहीं करते हैं। ये रिजल्ट तो आएगा लेकिन हम जो चाहते हैं वो शायद ना आ पाए इससे एक काम करते हैं जेड टू जेट्टू बार से कर देते हैं जेट टू जेट्टू बार से जेट टू जेट्टू बार से कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं अब बताइए यहां पर क्या हो जाएगा जेट्टू बार जेट्टू बार से कट जाएगा यहां हो जाएगा जेडवन अपॉन जेट टू प्लस जेटू जेट टू कट जाएगा ये हो जाएगा जेडवन अपॉन जेट टू का बार बराबर जीरो अच्छा ये बताओ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका बार इनका सम यदि जीरो है तो ये प्योरली यहां से बताओ जेडवन अपॉन जेड टू प्योरली रियल मिलेगा या प्योरली इमेजनरी मिलेगा एक कॉन्सेप्ट आपको याद हो मैंने बताया था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका बार यदि जीरो हो रहा है जेड प्लस जेड बार यदि जीरो हो रहा है तो प्योरली रियल है या प्योरली इमेजनरी है जेड प्योरली रियल है या प्योरली इमेजनरी है जल्दी बताइए प्योरली रियल है या प्योरली इमेजनरी है क्या है प्योरली इमेजनरी क्योंकि जेड प्लस जेड बार बराबर जीरो मतलब जेड बराबर माइनस जेड बार और जेड बराबर माइनस जेड बार मतलब प्योरली इमेजनरी पूर्तः काल्पनिक सिंपल सी बात है ठीक है तो इससे मतलब यह हो गया कि यह क्या हो गया प्योरली इमेजनरी होगा यही रिजल्ट यहां पर दिया गया है कि यह चीज इससे जेड वन अपॉइंट जेड टू प्योरली इमेजनरी आ जाएगा एक और चीज हो सकती है कि यह चीज इसके बराबर तब होगी जब ये क्या हो जाए कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू क्या हो जाए जीरो हो जाए कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू क्या हो जाए जीरो हो जाए इसका मतलब थीटा वन माइनस थीटा टू क्या हो जाए नाइनटी डिग्री हो जाए ठीक है तो ये भी हो सकता है जब ये नाइन्टी डिग्री हो जाए इसमें क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं और मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जेड वन प्लस जेड टू का जो मॉड है ये बताइए वन का मॉड प्लस जेड टू के मॉड के बराबर है देन देन फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ जेडवन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेट टू जो होगा वो पाई बाई टू के बराबर होगा दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेडवन जो होगा वो आर्गूमेंट ऑफ जेट टू के बराबर होगा तीसरा ठीक है आर्गूमेंट ऑफ जेडवन माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेट टू जो होगा वो पाई के बराबर होगा और फोर्थ नन जल्दी बताइए अब देखिए यहां पर कुछ और पूछ लिया गया आपसे ये चीज कब होगी बराबर जल्दी बताओ ये चीज कब होगी मॉड ऑफ जेडवन प्लस जेट टू जेड वन प्लस जेड टू का जो मॉड होगा वो मॉड ऑफ जेड वन प्लस बराबर ये कब होगा फिर से उसी पर आइए फिर से उसी पर आइए जेड वन प्लस जेड टू के स्क्वायर क्या होता है मॉड कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू ये पता है कब आएगा जब आप कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू क्या ले लोगे वन के बराबर ले लोगे क्या ले लोगे वन के बराबर जब इसको वन के बराबर ले लोगे तो देखो ये कितना बन जाएगा जेड वन प्लस जेड टू के मैनीट्यूड का स्क्वायर वन के मैनीट्यूड का स्क्वायर जेड टू के मैनीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू वन का मैनीट्यूड जेड टू का मैनीट्यूड और ये बताइए क्या होगा जेड वन का मॉड प्लस जेड टू का मॉड का होल स्क्वायर दोनों साइड होल स्क्वायर है स्क्वायर गायब कर देंगे तो जेड वन प्लस जेड टू का जो मॉड आएगा वो मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू आएगा वो कब आया जब कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू जीरो आया इसका मतलब थीटा वन माइनस थीटा टू वन आया सॉरी तो जीरो आया इसका मतलब थीटा वन बराबर थीटा टू सोच समझ के जवाब दीजिएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू क्या होगा बराबर होगा दोनों का आर्गुमेंट क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ठीक है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बात समझ में आ रही है चलिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो चुका है थोड़ा सा ट्राइंगल इनक्वलिटी देख ले हम एक बार ट्राइंगल इन बताइए कोई दिक्कत आ रही है समझ में आ रहा है कि नहीं फटाफट फड़ बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है चलिए। हाँ तो इतना समझ में आ गया बात करें ट्राइंगल इन की तो देखिए जेडवन प्लस जेट का जो मॉड आएगा वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेडवन प्लस वन है। अभी हमने क्या पढ़ा इक्वेलिटी देखो ये जेडवन प्लस जेट का मॉड होता है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेडवन प्लस मॉड ऑफ जेट वन. अभी हमने क्या सीखा अभी हमने क्या सीखा कि ये इक्वेलिटी कब होल्ड करती है इक्वलिटी देखो यहां पर इक्वेलिटी लगी है इक्वेलिटी इक्वेलिटी कब होल्ड करी जब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन आर्गूमेंट जेड टू बराबर होगा तब ये इक्वेलिटी होल्ड करेगी नहीं तो हमेशा क्या होगा जेड वन प्लस जेड टू का मॉड होगा वो लेस देन मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू होगा इस पर क्वेश्चन आते हैं इस पर क्वेश्चन आते हैं ट्राइंगल इन इक्वेलिटी पर ठीक है तो एक क्वेश्चन करते हैं देखो ध्यान से जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और कंडीशन क्या दी गई है जेड प्लस फोर का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू थ्री है जेड प्लस फोर का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू थ्री है और आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए जेड प्लस वन के मॉड का जेड प्लस वन के मॉड का अधिकतम मान चाहिए देखो जेड प्लस वन के मॉड का अधिकतम मान चाहिए तो यहां पर जेड प्लस वन का मॉड ले लिया अब आपको क्या करना है ये ये इसके अंदर डाल दीजिए जेड प्लस फोर अब बताओ ये हमने जबरदस्ती डाल दिया अब बताइए इसको ये होने के लिए माइनस थ्री करना पड़ेगा अच्छा यहां पर माइनस में भी चलेगा या माइनस भी हो तब भी चलेगा ये ठीक है तो बताइए यह जेड वन हो गया और थ्री क्या हो गया आपका जेड टू तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड प्लस फोर का मॉड प्लस माइनस थ्री का मॉड या थ्री का मॉड अब ये क्या है ये आपका तीन या तीन से छोटा है तो तीन प्लस थ्री ये कितना हो जाएगा सिक्स तो जेड प्लस वन के मॉड जो हो गया वो लेस देन इक्वल टू सिक्स हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई एड प्लस वन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई सिक्स हो गई मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई सिक्स के बराबर हो गई मैक्सिमम वैल्यू ठीक है क्या समस्या है यहां पर अरे ये वन होगा अभी तो यार ये ये बना होगा तभी तो ये बना होगा तभी तो ये बना होगा ठीक है जब ये वन होगा तभी तो ये बनेगा हमें यह सोचना है कि यार इससे ये कब बन सकता है ये तब बन सकता है जब यह वैल्यू वन होगी मतलब थीटा वन माइनस थीटा टू जीरो होगा मतलब थीटा वन थीटा टू के बराबर होगा तब ये वैल्यू आपकी वो बन पाएगी बस इसीलिए वन लिया है ओके चलो अब इसको करिए इसका मान बताना है आपको देखो जेड वन का मॉड जो है वन टू थ्री चलिए जल्दी बताइए जेड वन का मॉड वन है जेड टू का मॉड टू है जेड थ्री का मॉड थ्री है और इसका मॉड जो दिया गया है वो सिक्स के बराबर दिया गया है तो आपको जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इसका मॉड चाहिए एक बार बताओ इस नाइन को हम क्या लिख सकते हैं देखो जेड थ्री का मॉड तीन के बराबर है तो जेड थ्री के मॉड का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन के बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना होता है जेड जेड बार होता है इसका मतलब जेड थ्री के मॉड का स्क्वायर जेड थ्री जेड थ्री जेड थ्री बार ये होगा नाइन के बराबर तो बताइए नाइन को हम क्या लिख सकते हैं जेड थ्री जेड थ्री बार लिख सकते हैं और जेड वन जेड टू हो गया सिमिलरली इसे बताइए जेड टू का मॉड टू के बराबर है तो जेट टू के मॉड का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर तो जेट टू जेट के मॉड का स्क्वायर क्या होगा जेट टू बार बराबर फोर क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखिएगा जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट यदि मल्टीप्लाई होता है तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हो जाता है तो यहां से कितना आ जाएगा बताइए फोर को क्या लिख सकते हो आप जेड टू बार तो जेड टू बार जेड थ्री हो गया अब वन को क्या लिख सकते हो जेड वन बार जेड वन बार और जेड टू जेड थ्री बराबर सिक्स अब देखिए यहां से जेड वन जेट टू जेड थ्री मैं कॉमन ले लूंगा तो जेड वन जेट टू जेड थ्री मैंने कॉमन ले लिया तो बचा जेड वन का बार जेड टू का बार और जेड थ्री का बार बराबर सिक्स अब ये बताइए ये जेडवन का मॉड जेट टू का मॉड जेड थ्री का मॉड क्या हो जाएगा जेड वन का मॉड जेड टू का मॉड और जेड थ्री का मॉड अलग अलग हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा अलग अलग बार लगा हुआ है तो एक साथ बार लग जाएगा एक साथ बार लग जाएगा अब यह बताइए कितना होगा वन इंटू टू इंटू थ्री अब देखिए इसके बार का मॉड निकालें चाहे इसका मॉड निकालें दोनों में कोई अंतर है क्या इसके बार का मॉड निकालें चाहे हम इसी का मॉड निकालें दोनों में कोई अंतर नहीं है ये बराबर सिक्स तो ये कट जाएगा और जेड वन प्लस जेड टू जेड थ्री का मॉड जो आएगा वो सिक्स के बराबर आ जाएगा क्या आ जाएगा सिक्स के बराबर आएगा सिक्स के बराबर हमने तो वैल्यू डाल दी देखिए सब लोग वन बता रहे हो तो भैया गलत है वन वन गलत है ठीक है सिंपल है क्यों नहीं है क्वेश्चन आ गया तो फिर सोचो क्या होगा मजा आ जाएगा पेपर में है क्यों नहीं आ सकता कौन सा बहुत बड़ा है पांच किलोमीटर का थोड़ा ना दो तो टू सा था क्वेश्चन नहीं है वैल्यू डाल दी मैंने नाइन फोर और वन की वहां से उठा के डाल दी यहाँ पर वैल्यू चलिए चले कुछ क्वेश्चन कर लें क्या आगे वाले मस्त वाले क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ हैं बताओ मस्त वाले क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ मस्त वाले क्वेश्चन कर लेते हैं आइए कभी भी वन प्लस आयोटा की पावर थ्री अच्छा एक मिनट सुनो एक मिनट एक मिनट मैंने क्या डाल दिया, है? सिक्स, सिक्स बोल दिया। नन नन क्यों किया मैंने एक मिनट एक मिनट वन ही तो होगा ना वन ही तो आया था कहा गया यार आ, तो वन ही तो आया था नन क्यों कर दिया ठीक है यार वन आएगा हाँ वनी तो आ रहा है छे, छे कट के ठीक है वनी तो आ रहा है चलो तुम्हारा तुक्का मार दिया क्या तुम लोगों ने सही हो भैया तुम लोग वन सही है वन ही तो आएगा छह से छे कट गया तो वन ही आएगा ना नन अच्छा उधर वन लिखा हुआ है मैंने सीधे नन पर पहुंच गया चलो चलिए आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं देखिए वन प्लस आयोटा वन प्लस आयोटा की पावर कभी भी आठ मिल जाए पांच मिल जाए तीन मिल जाए ज्यादा मिल जाए ना और ऐसे प्लस में कुछ दिए गए हो ठीक है तो आपको क्या करना है इसको ब्रेक करना है टू में क्योंकि यही आपका सहारा बनेगा क्योंकि यही आपका क्या बनेगा सहारा बनेगा बात समझ रहे हो कि नहीं बात समझ रहे हो यही आपका सहारा बनेगा वन प्लस अयोटा की यदि मैक्सिमम पावर है कोई तो फिर वन प्लस स्क्वायर में से तोड़िए और वही आपका सहारा बनेगा तो बताइए स्क्वायर कितना होता है टू एयोटा आता है हम करते आए हैं अभी तक बहुत बार और वन माइनस एयोटा स्क्वायर कितना होगा टू एयोटा आएगा ये भी हम करते आए हैं बहुत बार वन तो माइनस क्या हो गया अयोटा हो गया टू एओटा टू एओटा वन प्लस एओटा वन माइनस एओटा टू एओटा हम कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस एओटा प्लस वन माइनस एयोटा ठीक है माइनस टू एटा सॉरी माइनस टू एटा है ना तो यहां माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा होगा ना माइनस टू तो माइनस वन हो जाएगा और माइनस वन प्लस आयोटा हो जाएगा तो वन वन कट जाएगा टू आयोटा इंटू टू आयोटा, फोर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस तो गा फोर हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस फोर के बराबर हो जाएगा ठीक है अच्छा यहीं पर आप सोचिए यहीं पर यदि क्वेश्चन में वन प्लस आयोटा की पावर एट होता और वन माइनस आयोटा की पावर एट होता तब भी हम वही रूल लगाते तब भी हम वही रूल लगाते और कहते भाई कि वन प्लस अयोटा की पावर दो में तोड़ लीजिए इसे ऐसे तोड़ लीजिए वन so प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा टू आयोटा की पावर चार और वन माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस टू अयोटा उसकी पावर चार दो की पावर चार आयोटा की पावर चार और दो की पावर चार आयोटा की पावर चार so तो सोलह प्लस सोलह कितना हो जाएगा थर्टी टू हो जाएगा कितना हो जाएगा थर्टी टू के बराबर कितना हो जाएगा थर्टी टू के बराबर तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही ब्रेक करना है यदि ऊपर पांच पांच भी है ना तो पहले वन प्लस एयोटा का स्क्वायर का स्क्वायर अलग करोगे फिर इंटू वन प्लस एयोटा ऐसे ही हम ब्रेक करके सॉल्व करेंगे इसे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी टू एओटा माइनस टू एयोटा दोनों की अलग अलग एक्स प्लस एओटा की पावर वन बाई थ्री टू प्लस थ्री एटा के बराबर है तो थ्री एक्स प्लस टू टू वाई थ्री एक्स प्लस टू वाई का मान चाहिए चलिए फटाफट निकालिए फटाफट फटाफट बड़ करिए इसे क्या करना पड़ेगा क्यूब करना पड़ेगा हमें भाई कंपेयर तो कर ही नहीं सकते ना अभी कहाँ कंपेयर कर सकते हो तो पहले क्यूब करोगे तब तो कंपेयर करोगे तो दोनों साइड क्या कर दिया क्यूब कर दिया क्यूब कर दिया तो यहाँ तीन हट गया यहाँ बचेगा वन और तो टू प्लस थ्री एटा का क्यूब हो जाएगा कितना हो जाएगा टू क्यूब सत्ताईस तो आयोटा क्यूब एटीन आयोटा टू प्लस थ्री एटा आठ अच्छा आयोटा क्यू माइनस आयोटा होता है माइनस ट्वेंटी सेवन आयोटा छत्तीस आयोटा प्लस चौवन आयोटा स्क्वायर एट माइनस फिफ्टी फोर प्लस नाइन आयोटा हो जाएगा कितना हो जाएगा ये फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स प्लस नाइन आयोटा एक्स बराबर हो जाएगा माइनस फोर्टी सिक्स और वाई बराबर हो जाएगा नाइन वाई बराबर हो जाएगा नाइन तो थ्री इंटू माइनस फोर्टी सिक्स प्लस टू इंटू नाइन कितना हो जाएगा ये बारह एक सौ अड़तीस अट्ठारह कितना हो जाएगा माइनस एक सौ बीस हो जाएगा माइनस वन ट्वेंटी चेक कर लीजिए एक बार माइनस वन ट्वेंटी तो रियल पार्ट रियल पार्ट इमेजरी पार्ट इमेजरी पार्ट के कर दिया लेकिन अभी पहले हमें उसके पहले क्यूब करना पड़ा तभी हम इक्वेट कर पाए हैं इसका आपको क्या चाहिए इमेजनरी पार्ट काल्पनिक भाग चाहिए क्या चाहिए काल्पनिक भाग तो आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ऊपर वन प्लस अयोटा स्क्वायर है उसे लिख देंगे हम टू एटा ऊपर है वन प्लस एयोटा स्क्वायर उसे लिख देंगे टू एओटा नीचे का एयोटा है और टू एयोटा माइनस वन क्या कर दें आयोटा आयोटा कट जाएगा यहां पर ये टू अपॉन टू आयोटा माइनस वन है तो क्या कर लें हम नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें नीचे के कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है या फिर एक काम करिए कॉन्जुगेट छोड़िए हम टू आयोटा प्लस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं आप चाहे

इंटू वन यहां पर टू हो गया और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी आयोटा का, का तो माइनस मतलब, पांच हो जाएगा इमेजनरी पार्ट कितना आ जाएगा माइनस फोर बाई फाइव इमेजनरी पार्ट देखो टू अपॉन माइनस फाइव प्लस फोर फाइव तो इमेजरी पार्ट कितना आ जाएगा माइनस फोर बाई फाइव ठीक है समझ में आ रहा है चलिए बताइए इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल पार्ट जेड और इमेजिंग पार्ट जेड बराबर है तो क्या होगा फटाफट बताइए इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजनी पार्ट बराबर है कोई भी ले लो रियल पार्ट इमेजनी पार्ट दोनों बराबर है मतलब ए प्लस ए आई ओटा है ए प्लस ए आई ओटा है तो जेड स्क्वायर के देखो सब में क्या पूछ रहा है जेड स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है तो जेड स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर है आयोटा मतलब उसका रियल पार्ट जीरो हो जाएगा सब लोग गलत दे रहे हो आंसर रियल पार्ट जीरो हो जाएगा बेटा यदि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बराबर हैं जेड के, के केस में तो जेड के स्क्वायर के केस में रियल पार्ट जीरो हो जाएगा जेड स्क्वायर का क्योंकि तो मेरे पास तो प्रूफ है अब आप अपना प्रूफ दे दीजिए मैंने तो प्रूफ कर दिया कि देखो ये दोनों कट जाएंगे आप पता नहीं किस प्रूफ से सी बता रहे हो और किस प्रूफ से बी बता रहे हो ये मेरा तो प्रूफ हो गया मैंने देखो कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है मैंने एक जनरल केस लिया है रियल पार्ट इमेजिंग पार्ट को इक्वल कर लिया मैंने अब चाहे यहां पर वन वन होता तब भी वही केस आता टू टू होता तब भी केस आता तीन होता तब भी केस आता भाई उसने बोला रियल पार्ट इमेज बराबर होने चाहिए ना नाई तो फीलिंग्स मत लाइए प्रूफ लाइए अपने हाइपोथेटिकल मत सोचा करिए प्रूफ लाइए क्योंकि मैथमेटिक्स हर चीज का प्रूफ होता है इससे आपके एग्जाम में मिनिमम गलतियां होंगी यदि बे, बे, बेकार का सोचोगे ना तो फिर गलत सलत करके आओगे एग्जाम में मैंने क्या माना उसने कहा था भाई रियल पार्ट इमेज पार्ट बराबर है मैंने बराबर कर लिया अब चाहे कोई भी एग्जाम्पल लेके भी देख लीजिए मैंने तो जनरल केस लिया है ए प्लस एओटा ए रियल पार्ट इमेजरिंग पार्ट भी ए है और उसका स्क्वायर किया मैंने देखा यार आयो ठीक है रियल पार्ट तो इसमें है ही नहीं है रियल पार्ट तो कट गया क्योंकि आप देखिए उसी के साथ आयोटा वाला टर्म होगा और जब उसका स्क्वायर करोगे तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा केवल प्लस माइनस का अंतर होगा समझ रहे होगे बात से देखो ध्यान से टू प्लस टू है जब स्क्वायर करोगे तो चार आएगा और ये माइनस चार आएगा एक प्लस एट है ओटा आएगा वो कट गया चार माइनस चार थ्री प्लस थ्री है ओटा में देखो यहां पर भी नाइन आएगा और जब इसका स्क्वायर होगा तो वो माइनस आएगा फिर टू वाला टर्म आएगा चलिए अब इसको करिए इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा और बीटा क्या है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ मैग्नीट्यूड बी जो है वो वन के बराबर है जो बी का मैग्नीट्यूड है वो वन के बराबर है देन बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार बीटा ये किसके बराबर होगा फटाफट बताइए चलिए इसको करिए अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर और बीटा का मॉड जो है वो वन के बराबर देखिए बीटा का मॉड यदि वन के बराबर है तो बीटा के मॉड का स्क्वायर भी वन के बराबर होगा और बीटा बीटा बार भी वन के बराबर होगा कोई दिक्कत नहीं अब देखिए बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार यहां जो बीटा लिखा हुआ है यहां जो बीटा लिखा हुआ है ये उस बीटा की जगह हम वन अपॉन बीटा बार लिख सकते हैं इस बीटा की जगह वन अपॉन बीटा बार लिख दिया हमने अब देखिए बीटा बार यहां गया और बीटा बार ऊपर गया तो जो ऊपर गया वो मॉड के साथ बाहर आ जाएगा या फिर रहने देते हैं अभी ये बीटा बार हो गया ये बीटा माइनस अल्फा हो गया और ये बीटा बार माइनस अल्फा बार का मॉड हो गया अब सबको अलग अलग करा देते हैं बीटा के बार को अलग करा देते हैं बीटा माइनस अल्फा का मॉड अलग करा देते हैं और देखो ये बार अलग अलग लगा है तो पूरे में आकर भी लग जाएगा अब ये बताइए कि आप जेड का मॉड निकालें चाहे जेड बार का मॉड निकालें दोनों में कोई अंतर नहीं है दोनों एक ही चीज है तो बीटा माइनस अल्फा का मॉड निकालें चाहे बीटा माइनस अल्फा के बार का मॉड निकालें दोनों में कोई अंतर नहीं है दोनों में तो ये कट जाएगा और बीटा के बार का मॉड जो आएगा वो बीटा का मॉड आएगा ठीक है वो आएगा बीटा का मॉड और ये क्या हो जाएगा बीटा का मॉड कितना दिया गया है वन के बराबर कोई दिक्कत ठीक है तो ये आ गया बीटा का मॉड वन के बराबर तो बस हो गया प्रूफ यहां पर ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है कि जेड का मॉड और जेड बार का मॉड दोनों सेम होता है और जेड वन प्लस जेड टू चाहे जेड वन माने जेड टू का जो बार होता है वो अलग अलग लग जाता है यह इस्तेमाल हुआ है बराबर यहां पर देखो जब तक आपसे बोला ना जाए आप उसे डब्लू ही समझिएगा ओमेगा मत समझिएगा यदि उसे ओमेगा बोलना होगा तो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इकाई घनमूल बोलेगा ही बोलेगा आपसे तो ये डब्लू भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और डब्लू का मॉड वन के बराबर है ठीक है चलिए डब्लू का मॉड क्या है वन के बराबर लेकिन इस तरह की चीजें अभी मैंने बताई नहीं अभी ये रुक जाइए क्वेश्चन पर ये सब क्वेश्चन पर आएंगे अभी हम चलते हैं थोड़ा टॉपिक पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर ये ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन आ गया थोड़ा ठीक है तुम थोड़ा सा परेशान हो रहे थे मैंने इसे कहा कुछ क्वेश्चन करा देता हूं मैं देखिए आगे कुछ कराने वाले हैं क्वेश्चन क्या देखिए याद आ रहा है ये ये बता दो मैं कराऊंगा टेंशन मत लेना पर थोड़ा ज्योमेट्री कराने के बाद ये वाला तो हो जाएगा ठीक है तो मैं इसलिए करा दिया मैंने कहा तुम बहुत देर से कह रहे सर क्वेश्चन नहीं करा आपने क्वेश्चन करेंगे ना पहले टॉपिक तो पढ़ ले यार आधा अधूरा थोड़ा पढ़ के जाना है आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड जेड टू कितना होगा जल्दी बताइए कितना होगा

जब ये वन होगा तो इसका मतलब थीटा वन माइनस थीटा टू क्या होगा जीरो डिग्री होगा ठीक है और थीटा वन मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड वन और थीटा टू मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड टू ये क्या हो जाएगा जीरो डिग्री हो जाएगा क्या हो जाएगा जीरो वन क्यों बता रहे हो वन कब से होगा मतलब ये वैल्यू वन होनी चाहिए ये वैल्यू वन होनी चाहिए लेकिन ये वन होगा तो थीटा वन माइनस थीटा टू तो जीरो होगा ना वो तो जीरो डिग्री होगा ना तभी कॉस जीरो ही तो वन होता है ये तो करवा ही दिया था जेड वन अपॉन जेड टू ये भी करवा दिया था मैंने आपको ठीक है चलो क्वेश्चन ये सब करते हैं अभी रुक जाओ अब आओ तो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं फिर आएंगे इन सब क्वेश्चन पर आगे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और चलिए आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कुछ आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं ठीक है सोयल जी आप बेटा चले जाओ ठीक है समझ रहे हो दूसरे को पढ़ने दो देखिए आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी में क्या है जेडवन और जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इंटू में है आर्गूमेंट लगा ये लॉग जैसी है प्रॉपर्टी आर्गूमेंट की सारी लॉग जैसी प्रॉपर्टी है यदि जेडवन इंटू जेड है तो अलग अलग हो जाएगा आप चाहो तो इसमें टू के पाई एड भी कर सकते हो तब भी वो आर्ग्यूमेंट ही आएगा या फिर बहुत सारे नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है तो उनका आर्गुमेंट निकालना है तो सबका अलग अलग आर्गुमेंट निकाल के जोड़ दीजिए ट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू जो होगा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू होगा वैसे ही होगा जेड बार का जब आर्गूमेंट निकालना होगा तो माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा ये सब आपको याद करना है ठीक है ये सब आपको लर्न करना है फॉर्मूला ठीक है चलिए जीरो का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता है ये सब बता चुका हूं मैं आपको और जेड यदि प्योरली रियल है तो आर्गुमेंट जीरो और पाई है जेड यदि प्योरली रियल है तो आर्गुमेंट क्या होगा जीरो और पाई और प्योरली इमेजनरी है तो पाई बाई टू होगा माइनस पाई बाई टू ये सब हो चुका है ठीक है अब यहां से देखिए यदि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यदि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक समृद्ध संख्या है अब आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड बार ये किसके बराबर होगा तो पाई बाई टू जीरो वन नन जल्दी बताइए ये किसके बराबर होगा जेड एक समृद्ध संख्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जीरो नहीं है जेड क्या है जीरो नहीं है जेड क्या है जीरो नहीं है

पर फटाफट बता दीजिए आप आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं लेकिन पहले आपको सीखना ये सब आर्गुमेंट, ये तो शुरुआत के तो हो गए थे ये शुरुआत के हो चुके हैं आपके हजार तेरह का बता दीजिए नॉट डिफाइन फटाफट बताइए का क्या होगा दो तेरा रियल नंबर है पॉजिटिव रियल नंबर है तो फिर आर्गुमेंट क्या होगा जीरो होगा. माइनस दो हजार तेरह तो नेगेटिव रियल नंबर है तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा पाई तू आई क्या है ये ऊपर वाले हो चुके हैं टू आई क्या है प्योरली इमेजनरी है विथ पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट पूर्ता काल्पनिक है सॉरी पूर्ता काल्पनिक है और जिसको इमेजरी पार्ट जो अभी पॉजिटिव है मतलब ये पॉजिटिव एक्सिस पर है ये क्या है ये, यह जीरो नंबर इसका आर्गुमेंट क्या होगा पाई बाई टू और माइनस टू आई कहा होगा नीचे निगेटिव आई एक्सिस पर मतलब जीरो कॉमा माइनस टू तो माइनस पाई बाई टू या फिर थ्री पाई बाई टू और वन अपॉन वन प्लस अयोटा इसका निकालना है कोई बात नहीं वन माइनस एयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा वन माइनस अयोटा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा टू तो ये वन बाई टू माइनस अयोटा बाई टू अब ये तो आसान हो गया बहुत ज्यादा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलिए इसका आर्गुमेंट बताइए कोडांक आर्गुमेंट मतलब कोडांग बताना है कोडांग बताना है फटाफट बताइए क्या करेंगे पहले यह पहचानना है कि यह किस क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले तो यह पहचानना है कि यह किस क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक है एक बात बताइए साइन पाई बाई फाइव ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा देखिए वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होंगे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ये निगेटिव तो होंगे नहीं वन प्लस थीटा निगेटिव होगा नहीं क्योंकि थीटा वन होता है इक्वल टू जीरो भी हो सकते हैं तो ये तो पॉजिटिव है साइन पाई बाई फाइव ये पाई बाई फाइव जो है है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ही ना तो फिर ये भी पॉजिटिव होगा इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की है इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की है इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स मतलब नंबर है सब होगा सब होगा सब होगा लोकस वोकस सब होगा भाई तुम टेंशन ना लो ठीक है इसीलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं कि ऐसा ना हो कि टॉपिक छूट जाए इसलिए मैं वो क्वेश्चन बाद में रुक गया हूं कि पहले टॉपिक भी कवर हो जाए उसके बाद हम फ्रीली कर पाएंगे ठीक है चलिए क्लास लंबी चलेगी वैसे भी सब होगा बेटा सब करा के ही जाऊंगा मैं तुम चिंता मत करो तुम बस पढ़ लो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है पाई बाई फाइव कितना है एक, एक, कितना हो जाएगा छत्तीस डिग्री कितना होता है तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आपको लगाना है अल्फा अल्फा क्या होता है टेन इनवर्स देखो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो थीटा अल्फा बराबर होगा टेन इनवर्स ऑफ आप, तो आप वन माइनस कॉस थीटा पॉइंट साइन थीटा क्या होता है क्या होगा ये क्या होगा टेन थीटा बाई टू होगा क्या ये बार बार इस्तेमाल होता है वन माइनस वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपन टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू तो ये आ जाएगा टेन ऑफ थीटा बाई टू कितना आ जाएगा टेन ऑफ थीटा बाई टू तो इसका मतलब है कि यहां पर तो थीटा पाई बाई फाइव है तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाई टेन अब टेन इनवर्स टेन पाई बाई टेन क्या हो जाएगा ये पाई बाई टेन हो जाएगा तो so, यह आपका क्या आ गया आर्गूमेंट आ गया ये आ गया आर्गुमेंट अब इसको आप चाहो तो फिर पोलर मतलब इसको आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो फिर वो पोलर फॉर्म में बन जाएगा उस तरह से भी आप आर्गुमेंट बता सकते हो लेकिन क्योंकि अभी हमने वो पढ़ा नहीं है इसलिए हम वो कर नहीं रहे हैं। ठीक है ठीक है चलिए ये तो ये चिप याद कर लेना ठीक है नर, लर्न कर लीजिएगा ये सब ठीक है ये तो बड़ा बताया था मैंने ठीक है सब याद कर लेना बस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पोलर फॉर्म देखो आगे पोलर फॉर्म है उसके बाद हम पढ़ेंगे आइलर्स फॉर्म उसके बाद एम्पलीट्यूड के कुछ क्वेश्चन है स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है प्रॉपर्टीज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है डिवाइवर्स थ्योरम है थ्योरम है और और ज्योमेट्री है टाइम तो लगेगा थोड़ी क्लास में चलिए एक मिनट चलिए पोलर फॉर्म देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म बोलते हैं पोलर फॉर्म बोलते हैं ध्रुवी रूप त्रिकोणमिति रूप या फिर मापांग आयाम रूप भी बोलते हैं कई तरीके से पूछा जाता है ठीक है तो पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन करेंगे ठीक है क्योंकि बाद में क्वेश्चन वैसे मिक्सअप आ रहे हैं क्योंकि उसमें मान लीजिए किसी में ज्योमेट्री इस्तेमाल हो जा रही है तो फिर अचानक वो क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे ठीक है तो पहले हम जो थ्योरी के साथ क्वेश्चंस हैं उनको करने के बाद वो लास्ट में जितने बचे हुए क्वेश्चन उनको बाद में हम ट्राई करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म भी बोलते हैं इसे पोलर फॉर्म भी बोलते हैं और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं ठीक है अब ध्यान से देखिएगा जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर दी गई है एक्स कॉमाई ठीक है और मान लीजिए कि ये जो एंगल बना रही है वो थीटा है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो मॉड ऑफ मॉडेड है तो ये ये मत कहना कि ये, सर मॉड किस थीटा नहीं होगा ये दूरी क्या होगी मॉड मॉडजेड कॉस थीटा सर कैसे पता चला कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस निकालिए ये बेस मिल जाएगा आपको सर ये मॉड मॉडजेड साइन थीटा होगा सर ये कैसे पता चला अरे भाई साइन थीटा लगा लो

कॉमा वाई मतलब X iota वाई वैसे ये दिस हो गया अब सॉरी जेड बराबर अब आर जो मॉड ऑफ जेड है उसे हम आर ले लेते हैं मॉड ऑफ जेड क्या ले लेते हैं हम जेड बराबर।, तो बराबर क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा तो कुछ नहीं है ये बस दूसरी फॉर्म ठीक है मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फॉर्म में एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट एक ही चीज है घबराइएगा मत मतलब। दोनों एक ही चीज है आर्गूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड घबराइएगा मत एक ही है आयाम ठीक है? ओके बात समझ में आ गई चलिए कोई दिक्कत तो ये आर थीटा प्लस आर साइन थीटा ये आपका क्या हो जाएगा मापांक आयाम रूप हो जाएगा ठीक है बस एक रिप्रेजेंटेशन है दूसरी फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को अब देखिए हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे देखो जैसे मैं वन को क्या लिख सकता हूं जीरो प्लस अयोटा साइन जीरो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं वन को क्या लिख सकते हैं हम कॉस जीरो प्लस अयोटा साइन जीरो लिख सकता हूं तो देखिए कॉस जीरो वन हो गया साइन जीरो जीरो हो गया तो ये कट के तो वन को आप ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है और माइनस वन को क्या लिख सकते हो कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई भाई साइन पाई जीरो हो गया तो तो ये पूरा जीरो हो गया और कॉस पाई कितना होता है माइनस वन आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं अभी आपको याद रखना है ये चीज आयोटा को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू देखो कॉस पाई बाई टू जीरो साइन पाई बाई टू वन ये आयोटा आ गया और माइनस आयोटा को हम क्या लिख देंगे Cos iota sin तो देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको हम ये ना ये पोलर फॉर्म है आपकी ये क्या है पोलर फॉर्म ये क्या है पोलर फॉर्म है कॉस पाई बाई टू माइनस आयोटा साइन पाई बाई टू ये सब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन और भी हम चलो देख रहे हैं इसको पोलर फॉर्म में बदलना है ध्रुवी रूप ध्रुवी रूप में बदलना है पोलर तो फॉर्म में बदलने का मतलब यह हुआ कि आपको क्या करना है इसको आर थीटा प्लस आर साइन थीटा इस फॉर्मेट में बदलना है तो सिंपल है यदि आपको मॉडुलस निकालने आता है मापांक निकालने आता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आर्गुमेंट निकालने आता है तो कोई बड़ी चीज तो है नहीं पोलर फॉर्म केवल वैल्यू ही तो डालनी है ठीक है यादव जी कह रहे हैं कि डीपीपी से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया कौन सा पेपर देखिए आया हो मैं बहुत इजी आया था में, था में, में है बराबर आर है? है, ठीक थीटा थीटा, इसी डालना है। जहां पर आर क्या, है? है। और थीटा क्या है आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड है तो मॉडल क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर उमेजनरी पार्ट क्या है इमेजनरी पार्ट क्या है रूट थ्री बाई टू माइनस का माइनस का रूट थ्री बाई टू का इस पर बताइए मॉडलस कितना आएगा वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर मॉड कितना आ गया इसका वन के बराबर आ गया मॉड कितना आ गया माइनस सॉरी प्लस वन के बराबर अब आर्गुमेंट निकालना है तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट की है इसका मतलब थीटा जो होने वाला है वो अल्फा माइनस पाई होने वाला है थीटा क्या होने वाला है अल्फा माइनस पाई होने वाला है थीटा क्या होने वाला है अल्फा माइनस पाई होने वाला है ना बेटा थर्ड क्वाड्रेंट की ना माइनस माइनस देखो निगेटिव है निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा अल्फा माइनस पाई होगा एक बात समझ में आ गई तो अब देखिए ध्यान से आपको क्या निकालना है आपको निकालना है क्या आपको निकालना है आ, अल्फा अल्फा क्या होगा टेन इनवर्स ऑफ इमेजनरी पार्ट कितना है माइनस रूट थ्री बाई टू और रियल पार्ट क्या है वन बाई टू मतलब टेन इनवर्स कितना आएगा रूट थ्री मतलब कितना आ जाएगा ये पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री तो कितना आ जाएगा पाई बाई थ्री आ जाएगा ठीक है तो कितना हो जाएगा ये थीटा पाई बाई थ्री माइनस पाई तो कितना हो जाएगा ये माइनस टू पाई बाई थ्री ना हो जाएगा ये माइनस टू फाइव बताइए <coughs> <coughs> तो मिल गया बस आर्गुमेंट मिल गया बस आर और थीटा उठा के डाल दीजिए आर और थीटा उठा के डाल दीजिए आरो थीटा उठा के डाल दीजिए चलिए चलिए समझ में आ गई बात फटाफट फड़ बताओ क्लियर है ये चीज क्लियर है ये चीज तो ये आ गई आपका पोलर फॉर्म उसकी चलिए फटाफट आइलर्स फॉर्म देख लीजिए आइलर्स फॉर्म आइलर्स फॉर्म क्या होता है ये e टू द पावर i थीटा होता है e टू द पावर i थीटा e टू द पावर i थीटा क्या होता है आपका cos थीटा प्लस आईओटा साइन थीटा के बराबर होता है और e टू दी पावर माइनस आई थीटा की बात करें तो वो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा के बराबर ठीक है यदि हम दोनों को ऐड करें टू टू की ई की पावर आयोटा थीटा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा तो ये हो जाएगा टू कॉस थीटा के बराबर तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो अच्छा यदि जेड बराबर यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर थी जेड बराबर आर थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा है ना ये इसी तरह से पढ़ा है आपने यदि मैं आर को कॉमन ले लू तो कितना बनेगा थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा अब बताइए इसको आप क्या लिख सकते हो तो जेड बराबर आर इसको लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं तो कभी जेड बराबर जैसे रूट टू टू द पावर आयोटा पाई बाई फोर लिखा हुआ है तो इस ऐसा लिखा हुआ इसका मतलब है कि जो मॉड ऑफ जेड है होगा, और आयोटा के साथ जो लिखा होगा वो क्या होगा आपका आर्गूमेंट ऑफ जेड होगा जो आयोटा के साथ लिखा होगा वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा बात समझ में आ रही है तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं ठीक है अब बताइए वो जो आयोटा है उसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू लिख सकते हैं अब बताइए है कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू को क्या लिख सकते हैं टू द पावर आयोटा पाई बाई टू नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते ई टू दावर आयोटा पाई बाई टू माइनस आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस आयोटा साइन पाई बाई टू और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं ई टू दावर माइनस आयोटा पाई बाई टू ठीक है तो ये रिप्रेजेंटेशन है बस आइलर्स फॉर्म ठीक है इससे थोड़ा सा चीजें आसान हो जाती हैं कुछ चीजों को समझना बड़ा आसान हो जाता है ठीक है अब एक चीज देख लीजिए याद रखिएगा यदि Z1, जेड टू जेड थ्री Z3 टू जेड थ्री ये तीन वर्टिसेस हैं ये क्या है तीन वर्टिसेस हैं यदि है वन z1, टू z3 थ्री किसी संभाव त्रिभुज की किसी संभाव त्रिभुज की, की तीन शीर्ष हैं तो फिर यह आपको कंडीशन याद रखनी है ऐसा होता है यह आपको लर्न करना है क्योंकि हो सकता हो आपको तीन वर्टिक्स दे दिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि भाई ये इक्विलेट्रल ट्राइंगल के हैं कि नहीं है तो वो पता लग जाएगा इससे ये कंडीशन आपको याद करनी है ठीक है यदि जेट वन जेट टू जेट थ्री ये तीन वर्टिस हैं तीन शीर्स हैं किसी संभाव त्रिभुज के इक्विलेट्रल ट्राइंगल के तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए हम आगे पढ़ेंगे कि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्विलेट्रल ट्राइंगल बनाते हैं वो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं ये कंडीशन उसमें फुलफिल होती है बस ये याद करने वाली चीज है इस पर डिटेल मत जाइए ठीक है याद रखिएगा ये कंडीशन हो सकता है एग्जाम में कंडीशन ही पूछ ले आपसे एम्प्लीट्यूड निकालना है इन सबका इन सबका क्या निकालना है एम्पलीट्यूड मतलब आर्गूमेंट कोडांक क्या निकालना है कोडांक पहला वाला का देखते हैं ए वाला ए वाला ट ऑफ वन अपॉन जेड टू ये देखो क्या है वन अपॉन जेड टू है जेडवन अपॉन जेड टू निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ वन माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड टू कर सकते हैं so, यदि हमें इसका जेड जेडवन अपॉन जेट टू का आर्गूमेंट निकालना है ठीक है तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा आर्गूमेंट ऑफ वन प्लस आयोटा रूट थ्री अपॉन रूट थ्री प्लस आयोटा इसका आर्गुमेंट निकालना है जेड वन अपॉन जेड टू का तो मैं आर्गूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड टू कर सकता हूं ठीक है कितना हो जाएगा ये आर्गूमेंट ऑफ वन प्लस अयोटा रूट थ्री माइनस आर्गूमेंट ऑफ रूट थ्री प्लस कर लिया अब आप दोनों का आर्गुमेंट जानते कितना हो कितना होगा आर्गुमेंट जल्दी बताइए। दोनों वही थीटा आएगा जो अल्फा आएगा वही आपका क्या आएगा थीटा आएगा जो अल्फा आएगा वही थीटा आएगा अब अल्फा क्या आएगा इसमें टेन इनवर्स रूट थ्री बाई वन मतलब सिक्सटी डिग्री बाई P. और ये वन बाई रूट थ्री आएगा वन बाई रूट थ्री मतलब क्या थर्टी डिग्री मतलब पाई बाई सिक्स ये कितना आ जाएगा पाई सिक्स तो थर्टी डिग्री आ गया पैरा वाला ठीक है तो इस तरह से वन अपॉन जेट टू इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आर्गुमेंट निकालने को अब ये तो आसान है यह किस क्वारेंट की है थर्ड की है तो थर्ड मतलब अल्फा माइनस पाई थर्ड मतलब अल्फा माइनस पाई अल्फा कितना आएगा टेन इनवर्स इमेजनरी पार्ट माइनस रूट थ्री रियल पार्ट माइनस वन टेन इनवर्स रूट थ्री टेन इनवर्स रूट थ्री मतलब पाई बाई थ्री सिक्सटी डिग्री तो अल्फा आ गया पाई बाई थ्री तो फिर कितना आ जाएगा पाई बाई थ्री माइनस पाई मतलब माइनस टू पाई बाई थ्री आप चाहो तो इसमें टू पाई ऐड करके भी बता सकते हो इतना आप क्या कर सकते हो बताओ इसमें क्या कर सकते हो टू पाई ऐड करके भी तो बता सकते हो बेटा आप चाहो तो इसमें माइनस टू पाई बाई थ्री बताइए या फिर टू पाई ऐड करके बताइएगा फोर पाई बाई थ्री जिससे हम बोलेंगे दो सौ चालीस डिग्री वो भी चलेगा माइनस टू पाई बाई थ्री भी चलेगा और टू पाई ऐड करके भी चलेगा अब ये वाला देखिए तीसरा वाला तीसरे वाले के लिए जगह मिल जाएगी इसमें क्या थर्ड वाला तीसरा वाला छोटा छोटा करके कर लेते हैं यार अब ये बताइए जो अल्फा है वो जीरो से पाई है अल्फा क्योंकि जीरो से पाई है तो साइन तो पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव हो गया वन माइनस कॉस अल्फा तो वैसे ही पॉजिटिव होगा इसका मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की है फर्स्ट क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर है और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है थीटा अल्फा दोनों बराबर होंगे टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस कॉस अल्फा अच्छा यहां पर अल्फा है अंदर भी अल्फा आ गया तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है ध्यान रखिएगा इस अल्फा और इस अल्फा में कोई रिलेशन नहीं है ठीक है मैं थीटा ही बराबर कर देता हूं कंफ्यूज हो गए टेन इनवर्स वन माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा और ये कितना आया था अभी अल्फा बाई टू कितना आएगा ये टेन अल्फा बाई टू आएगा ना तो थीटा कितना आ जाएगा अल्फा बाई टू अल्फा बाई टू याद रखिएगा ये अल्फा वो नहीं है जो हम पढ़ते हैं अल्फा ये एंगल है ये कितना आ जाएगा वन माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा ये तो वही आता ना अभी तुम बार बार करके आए टेन टेन अल्फा बाई टू आएगा टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू ठीक है तो ये कितना आ जाएगा टेन ऑफ अल्फा बाई टू तो यह अल्फा बाई टू आ जाएगा जल्दी बताइए ठीक है कोई दिक्कत दोनों ऑप्शन तो देगा ही नहीं कभी या तो फिर आपसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछेगा वो मुख्य कोडांक चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट की देखिए स्क्वायर रूट में एक फॉर्मूला होता है लेकिन कई बार क्या होता है हम ऑप्शन का होल स्क्वायर सॉरी अब हाँ ऑप्शन का होल स्क्वायर करके या आप सॉरी होल स्क्वायर नहीं बोलेंगे ऑप्शन का स्क्वायर करके हम कॉम्प्लेक्स नंबर पता कर लेते हैं तो जरूरत नहीं पड़ती है इस फॉर्मूले की लेकिन ये फॉर्मूला फिर भी आपको याद रखना है यदि बी पॉजिटिव है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और बी नेगेटिव है तो यहाँ बस माइनस है होता है बाकी सब सेम है आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है स्क्वायर रूट निकालने के लिए वर्गमूल निकालने के लिए समृद्ध संख्या का वर्ग मूल वैसे तो मोस्टली केसेस में आपके एग्जाम में जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं ऑप्शन से ही कर लेते हैं हम ऑप्शन से ही कर लेते हैं लेकिन ऑप्शन का स्क्वायर करके कर लेते हैं लेकिन फिर भी आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए ठीक है, बी पॉजिटिव के अलग केस है बी निगेटिव के अलग केस है जो आपने पढ़ाया था वही टॉपिक से क्वेश्चन आया था चलिए धन्यवाद और आपके लिए भी अच्छी बात है, ठीक है और आपके लिए भी अच्छा है। अब ध्यान से देखिए ठीक है ना ये आपको याद करना ये तो फॉर्मूला है आप खुद याद कर लीजिएगा मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ठीक है स्क्वायर रूट निकालने का कुछ तो आपको याद करने हैं जो जनरली पूछ लिए जाते हैं जैसे आयोटा का स्क्वायर रूट ये आपको लर्न करना है आयोटा का स्क्वायर रूट वन प्लस अयोटा बाई रूट टू होगा प्लस माइनस और माइनस आयोटा का क्या होगा वन माइनस अयोटा बाई रूट टू आप चाहो तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो अच्छा मैं यहां बताऊं ए से कोई लेना देना नहीं है ए से कोई लेना देना नहीं है कि ए पॉजिटिव है या निगेटिव है केवल B से मतलब है B पॉजिटिव होगा तो ये वाला फॉर्मूला B नेगेटिव होगा तो ये वाला लगाएंगे हम ठीक है ये दो चीजें आपको याद करनी है कि आयोटा का स्क्वायर रूट वन प्लस और माइनस आयोटा का वन माइनस अयोटा बाई रूट टू बाकी आप निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं मैं दिखा दे रहा हूं निकाल के जैसे मान लीजिए अंडरवुड आयोटा निकालना है तो भाई अंडर अंडरवुड क्या है ये जीरो प्लस वन इंटू अयोटा ठीक है तो फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है अंडरवुड वन बाई टू जेड भाई आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना होगा वन जेड प्लस ए होता है प्लस ए कितना है इसमें जीरो तो खत्म प्लस आयोटा जेड कितना है वन और ए होता है जेड माइनस ए ए कितना है जीरो खत्म तो प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा वन प्लस आयोटा अपॉन रूट टू नहीं हो जाएगा आप निकाल सकते हो लेकिन इसको याद करिए याद रखिएगा ज्यादा बेहतर है बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया है आप निकाल भी सकते हो भाई सीधा सीधा देखो अंडर उमूला तो था कि जब बी पॉजिटिव होगा जब बी पॉजिटिव होगा तो प्लस माइनस अंडर उड वन बाई टू मॉड जेड प्लस ए प्लस आयोटा अंडर उड वन बाई टू मॉड जेड माइनस ए और जब निगेटिव हो जाएगा तो बस यहाँ माइनस उठा हो जाता है उन्हीं का इस्तेमाल किया मैंने अंडरवुड एटा आया तो a को जीरो लिया है b को मैंने वन लिया है बस उठा के रख दिया फॉर्मूले में कह रहा सर आप बोलते हो कि रट्टो मत समझो बट आप रटने को बोल रहे हो बेटा मैंने आपको सिखा दिया कुछ चीजें जब याद रहती हैं तो बेहतर होती हैं मैंने आपको सिखाया तो ही, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं आपको सिखा नहीं रहा लेकिन कुछ चीजें तो याद कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है एग्जाम में हम स्वाभिमान से काम नहीं चलाएंगे ना ठीक है कुछ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी जैसे फॉर्मूला याद करते हो वैसे कुछ चीजें याद कर लो जो जनरल है बहुत उनको याद करने की बात कर रहा हूं मैं ठीक है आएंगे सब कुछ अब अब देखिए रूट एयोटा रूट माइनस एयोटा ये आपको सॉल्व करना है रूट और रूट माइनस एयोटा इसको मैं आपको बता दे रहा हूं सॉल्व करना कैसे सॉल्व करेंगे रूट आयोटा है और रूट माइनस आयोटा है यह वैल्यू किसके बराबर होगी तो एक बात बताइए मुझे इसे आयोटा की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं इसे माइनस आयोटा की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं कोई दिक्कत आयोटा की पावर वन बाई टू ठीक है आयोटा की पावर वन बाई टू माइनस आयोटा की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं मान लो इसकी वैल्यू आ गई आपके सामने ठीके? ठीक है अब ये बताइए मुझे कि आयोटा को अभी कुछ देर पढ़ा है मैं पहले पढ़ा हमने टू पाई लिखते हैं और माइनस आयोटा को क्या पढ़ा है ई टू दावर माइनस आई पाई बाई टू लिखे हैं काय है पढ़ाया था याद रखिएगा याद रखिए रट लीजिए बात एक ही है ना दोनों एक ही चीज है ठीक है को याद रखिएगा अब इसी का इस्तेमाल करेंगे यहां पर हम को e I, two, two, i को लिखेंगे e टू पावर i पाई बाई टू पावर वन बाई टू और माइनस आई को लिखेंगे e टू पावर माइनस आई पाई बाई टू और पावर वन बाई टू ये हो जाएगा e टू पावर i पाई बाई फोर प्लस ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई फोर एक चीज मैंने आपको बताई थी ठीक है e टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा क्या आता है क्या बताया था बताना मुझे क्या बताया था मैंने बताइए ये मैंने आपको बताया था e टू द पावर आई थीटा और e टू द पावर माइनस आई थीटा क्या आता है टू कॉस थीटा आएगा क्योंकि ये आएगा कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा और ये आएगा कॉस थीटा माइनस एटा साइन थीटा, थीटा, थीटा और आएगा टू कॉस थीटा आएगा तो e टू द पावर आई पाई बाई फोर ई टू दावर माइनस आई बाई फोर कितना आएगा टू कॉस थीटा मतलब पाई बाई फोर टू कॉस पा, पाई बाई फोर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा कॉस पाई बाई फोर वन बाई आ, रूट टू होगा तो ये कितना आ जाएगा रूट टू के बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा रूट टू के बराबर ठीक है उसी चीज का है बाकी स्क्वायर रूट है तो आप प्लस माइनस लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है ओके समझ रहे हो और जब माइनस करेंगे ओके अब देखो ध्यान से आगे वाले में जब हम माइनस करेंगे इसी में इसी को माइनस करेंगे जैसे मैं कहूं ई टू दावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा करना है तो ये कितना होगा जल्दी बताओ क्या ये टू आयोटा साइन थीटा होगा क्या फटाख से बताइए फटाफट बताइए क्या ये टू आयोटा साइन थीटा होगा क्या जल्दी 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 बताइए माइनस कर लो ना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा ठीक है कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा तो टू आयोटा साइन थीटा आएगा तो यदि मैं आपसे यह कहूं कि मुझे रूट Iota minus root minus Iota, इसका मान बताना है कभी एग्जाम में आ गया तो ये टूटा साइन पाई बाई फोर मतलब प्लस माइनस रूट टू आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस रूट टू आयोटा ठीक है समझ रहे हो मतलब यहां तो रूट टू आएगा वहां पर समझ जाइएगा ओके तो यहां पर ये यह गलत लिखा हुआ है यहां पर रूट टू आयोटा होना चाहिए आप बस में ठीक है ओमेगा का स्क्वायर रूट अब याद रख लीजिएगा ओमेगा का स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर का रूट ओमेगा होता है चलिए मैं दो चीज चार चीजों पर आप चर्चा कर लेता हूं ध्यान से देखिए ओमेगा का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर होगा प्लस माइनस ठीक है और ओमेगा स्क्वायर का जो रूट होगा वो क्या होगा प्लस माइनस ओमेगा होगा लेकिन अभी ओमेगा के बारे में मैंने आपको बताया तो है नहीं ओमेगा जानते हो क्या होता है अभी फिलहाल के लिए इसे याद कर लीजिए ऐसे ही ओमेगा मैं बता दूंगा अभी कुछ देर में ओमेगा क्या होता है ठीक है अभी याद रखिएगा बस ओके अभी याद रखिए मैं बाकी बाकी सब तो हो गया इसमें बाकी मैं आपको बताता हूं ओमेगा क्या होगा वो पता चलेगा आपको अच्छा ये स्क्वायर रूट देख लो पहले से फोर प्लस थ्री है, है आंसर चाहो मैं तुम्हें क्वेश्चन को वो रटवा ठीक है पहले ये कर लो फिर तुम्हें खुद आ जाएगा फोर प्लस थ्री ओटा मैं चाहता हूं फॉर्मूला अप्लाई करिए आप अप। ठीक है फोर प्लस थ्री एयोटा का स्क्वायर रूट चाहिए तो फॉर्मूला क्या है अंडर रूट पहले वाला ए वाले का निकाल रहे हम रूट ऑफ वन बाई टू मॉड जेड प्लस ए प्लस आयोटा रूट वन माइनस टू मॉड जेड यदि मैंने आपको यदि मैंने आपको क्या दे दिया मैंने आपको फॉर्मूला से बता दिया तो फिर आप अंडरवुड ट्वेल्व प्लस फाइव आयोटा का रूट निकाल क्यों नहीं पा रहे हो यदि मैं आपको ये अंडरवुड सिखा देता हूं तो वो तो निकाल लोगे अंडर तो जोड़ना ही तो है चलिए अब ध्यान से समझिए मॉड मॉड जेड जेड प्लस प्लस ए आयोटा अंडर फॉर्मूला है अब पहले वाले केस का लें तो मॉड जेड कितना आ जाएगा इसका मॉडुलस अंडर अंडरवुड चार स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर मतलब हो जाएगा पांच तो कितना हो जाएगा वन बाई टू मॉड जेड मॉड जेड कितना है पांच ए कितना है चार ए कितना है चार प्लस आयोटा अंडर रूड वन बाई टू मॉड जेड कितना है इसका पांच और ए कितना है चार तो कितना हो जाएगा ये बताओ प्लस माइनस ये पांच और नौ नौ मतलब थ्री थ्री प्लस आयोटा अपॉन रूट टू आ जाएगा ठीक है ठीक है यही आएगा प्लस माइनस थ्री प्लस एयोटा पान रूट टू अब देखिए यदि मैं आपसे यह कहूं कि मुझे अंडरवुड फोर माइनस थ्री एयोटा चाहिए तो क्या अंतर आएगा फॉर्मूले में बताओ क्या अंतर आएगा बस इसका इसका बताओ इसका बताओ अंडरवुड वन माइनस थ्री फोर माइनस थ्री एयोटा का करूंगा तो क्या डिफरेंस आएगा बताओ क्या डिफरेंस आएगा बताओ बस क्या डिफरेंस आएगा केवल डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ माइनस है ओटा लगेगा ना यदि b आपका निगेटिव है तो डिफरेंस तो केवल इतना आएगा कि यहाँ माइनस है ओटा लगेगा तो ये कितना आ जाएगा थ्री माइनस आयोटा बाई रूट टू आ जाएगा कि नहीं तो कॉन्जुगेट में केवल इतना ही तो अंतर होगा केवल इतना ही तो अंतर होगा बेटा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर पहले फोर प्लस थ्री आयोटा थी तो फिर ये आया पर फोर माइनस थ्री एयोटा हो गया तो केवल अंतर पड़ेगा यहां माइनस एयोटा आएगा बस और क्या आएगा बाकी तो सेम आएगा तो अब बताओ आपका वो डाउट अब सत्यम कुमार जी अब आपका डाउट बेकार है पूछना बेटा कि अंडर उड ट्वेल्व आप ये पूछ रहे हो अंडर उड ट्वेल्व प्लस फाइव एयोटा और शायद कहां बीच में प्लस लगाए हो अब बेटा ये तो मत पूछो यार अब तो मत पूछो प्लीज अब तो मत पूछो अब तो ये कर लोगे कोई बड़ी बात नहीं है यार अब तो कर लोगे ना यार कॉम्प्लेक्स नंबर का इस, इसी तरह का तो है कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरह का तो है कॉम्प्लेक्स नंबर तो निकाल लोगे बस एक प्लस के साथ आएगा माइनस एयोटा के साथ होगा बस अब तो निकाल लोगे यार अब तो कोई दिक्कत नहीं बाकी ये सब वही बस है फॉर्मुले में प्लस माइनस ही है तो कर लोगे ये सब कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है आप कर लीजिएगा एक बार स्क्वायर करके देख लीजिएगा ये तीनों क्वेश्चन अपने हिसाब से कर लीजिएगा और एक बार स्क्वायर करके देख लीजिएगा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्योंकि हम एक ये भी तरीका अपनाएंगे कि हम क्या करेंगे स्क्वायर करके देखेंगे हम ये जरूरी नहीं फॉर्मूला लगाएंगे यदि हमें लगेगा कि यार स्क्वायर करना आसान है तो चीजें आसान है तो फिर क्यों करने जाएंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इकाई घनमूल इकाई घनमूल ठीक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हम थोड़ा ब्रेक दे दें पांच मिनट का अभी देखिए टॉपिक इसमें अब अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो वाकई में थोड़ी टफ टॉपिक है ठीक है तो फटाफट आ जाना पांच मिनट बाद अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो आप थोड़े टफ टॉपिक है दस मिनट का दे दें क्या दस मिनट का दे दें चलिए ओके ठीक है चलो आ, दस मिनट का नहीं दे देता हूं सिक्स थर्टी टू पर कर लेते हैं सिक्स थर्टी टू पर ठीक है दस मिनट का नहीं इतने का अब जो टॉपिक आने वाले हैं वो थोड़े से टफ हैं। जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी टफ तो नहीं है ये जो मेट्री टफ है ठीक है ज्योमेट्री आने वाली है आगे नंबर ऑफ सोल्यूशन लोकस ये प्यारा सबसे टफ टॉपिक यही है जो सबसे आखिरी में आएगा तो जो लोग भाग चुके हैं ना उनके लिए बड़ा गड़बड़ सा होने वाला है ठीक है चलिए तो मिलते हैं दस मिनट का दे दें चलो सिक्स दस मिनट का नहीं सिक्स थर्टी फाइव तो कर देते हैं अब से दो मिनट तो बात करने में ही चला गया सिक्स थर्टी फाइव पर कर लेते हैं आठ मिनट चलिए चलिए फिर स्टार्ट करें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं ठीक है इकाई घनमूल तो देखो वन के क्यूब रूट की बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब वन के क्यूब रूट की बात करते हैं अब वन का क्यूब रूट क्या है मतलब वन की पावर वन बाई थ्री अब इसको ले लिया मैंने एक्स के बराबर इसका मतलब जो एक्स का मान आएगा वही हमारा होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दोनों साइड पहले हमने क्यूब कर दिया तो एक्स क्यूब कितना आ जाएगा वन के बराबर अब एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब बराबर जीरो अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो तो यहां सेक्स की वैल्यू हो जाएगी वन और यहां यहां लगाएंगे हम श्री दराचार मैथड यहां लगाएंगे हम श्री दराचार मैथड ठीक है यहां क्या लगाएंगे श्री दराचार मैथड तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस फोर बाई टू एक्स बराबर माइनस वन प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस थ्री आ गया रूट के अंदर माइनस थ्री आ गया तो इसे रूट थ्री इंटू मतलब रूट आयोटा बोल सकते हैं हम तो यहां एक्स की दो वैल्यूज आई एक वैल्यू आई माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू वो कितनी आ गई तो वो आ जाए उसी को बोलते हैं हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है ओमेगा स्क्वायर क्या होता है जो एक और वैल्यू आई है माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू ये आ गई आपकी ओमेगा स्क्वायर अब दोनों आपको याद रखना है क्या करना है याद रखना है ठीक है ओमेगा की वैल्यू भी याद रखना है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी याद रखना है तो जब हम बात करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की तो अगले पेज में बात कर लेते हैं बताइए इतना समझ में आ गया आपको इतना समझ में आ गया जल्दी बताइए इतना क्लियर है ना कि वन एक तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वन आया एक ओमेगा आया एक ओमेगा स्क्वायर आया ओमेगा की वैल्यू माइनस वन प्लस रूट थ्री बाई टू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू अब इसमें यह ध्यान रखना है कि कभी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जब इकाई घनमूल की बात करेगा आपसे तो आप नाम लोगे वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों का ये तीनों क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इकाई घनमूल जब इसकी हम बात करेंगे तो हम जिक्र करेंगे तब केवल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का हम बात करेंगे और याद रखना ध्यान दीजिए मैं आपसे यह कहूं कि मुझे रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो के मूल तो आपका जवाब क्या होगा इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं ध्यान से देखेंगे आप तो आपको ये पता चलेगा बेटा ये जो पीछे वैल्यू निकाली गई है ये जो वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आई है वो इसी को सॉल्व करके आई है इसी के तो रूट्स हुए ना ये इसी के रूट्स हुए ना ये तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो के रूट्स क्या होते हैं तो आप कहोगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको सिमिलरली मैं कहूं रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो के मूल बताइए इस समय क्या होगा ये बताइए क्या होगा ये इसके जो रूट्स होते हैं वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं याद रखिएगा इसके ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इसके जो होते हैं माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं सब जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में ठीक है और रिजल्ट वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा जीरो के बराबर होता है इसकी जरूरत पड़ेगी ठीक है ठीक वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो के बराबर होगा वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो के बराबर होगा ये याद रखिएगा फॉर्मूला ये फॉर्मूला याद रखिएगा ठीक है अब यहां पर ये फॉर्मूला कई बार तो ऐसे इस्तेमाल होगा कई बार ऐसे इस्तेमाल होगा कि भाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा तो आप इस्तेमाल करोगे माइनस वन कई बार वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इस्तेमाल होगा तो आप बोलोगे माइनस ओमेगा ठीक है बात समझ में आ रही है और एक और चीज ओमेगा जो होता है वो तीन के मल्टीपल में हमेशा वन के बराबर होता है ओमेगा जो होता है वो तीन के मल्टीपल में जो होता है वो हमेशा क्या होता है वन के बराबर होता है ओमेगा तीन के मल्टीपल में हमेशा क्या होगा वन के बराबर होगा तीन के मल्टीपल में क्या होगा वन के बराबर होगा ये सब चीजें आपको याद रखनी है ठीक है इससे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे ठीक है तीन के मल्टीपल में हमेशा वन होता है वन प्लस स्क्वायर माइनस ओमेगा होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन होगा प्रॉपर्टीज में यही हो गया ठीक है ये में यही सब मैंने बता दिया और कुछ नहीं है ठीक है? अब एक याद है क्या लिखा हुआ है थीके? कभी भी आपके पास जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी हो वन प्लस अयोटा रूट थ्री ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी गई है ठीक है छोड़िए क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूं आपको वन प्लस आयोटा रूट थ्री एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिएगा मैं आपको क्वेश्चन को सोचने का तरीका बता रहा हूं याद रखिएगा ये जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आएगा ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी जिसका रेशियो जिसके रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट का रेशियो या तो वन रेशियो रूट थ्री होगा या फिर रूट थ्री रेशियो वन हो तो उसको आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा ये अपने दिमाग में डाल लीजिए ठीक है क्या डालना है देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी गई हो यदि रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट का आपने रेशियो ले लिया जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में लिखी गई है और आपने ए रेशियो बी लिया और वो वैल्यू वन रेशियो रूट थ्री आई या फिर रूट थ्री रेशियो वन आई इन दोनों में से कोई भी आई इसका मतलब ये हुआ कि आप उसे ओमेगा के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो और वह आपके क्वेश्चन में मदद करेगा तो जैसे रू वन प्लस एयोटा रूट थ्री है ये बार बार देखने को मिलता है मैथ्स में बार बार देखने को मिलेगा और रूट थ्री प्लस एयोटा बहुत सारे क्वेश्चन में ये दोनों चीजें देखने को मिलती हैं तो आप समझ जाइए कि इसमें आपको क्या बनाना है ओमेगा बनाना है बनाने के लिए क्या करेंगे हम बनाने के लिए क्या करेंगे आयोटा कॉमल ले लेते हैं आयोटा कॉमल ले लेते हैं तो आयोटा कॉमल लेंगे तो ये बनेगा वन बाई आयोटा ठीक है ये वन बाई आयोटा बन जाएगा और यहां क्या हो जाएगा रूट थ्री ओके कितना हो जाएगा रूट थ्री हो जाएगा अब बताइए यहां पर क्या कर सकते हैं या फिर एक काम करें और कुछ काम कर सकते हैं आयोटा से मल्टीप्लाई आ, आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं <coughs> आयोटा मैंने कॉमन ले लिया तो वन बाई ठीक है जो भी है अभी चलो एक को ही देखते हैं यहाँ आयोटा आ जाएगा ये वन बाई आयोटा जो होता है वो क्या होता है लेकिन दो से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले दो से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए पहले दो करिए क्योंकि ओमेगा में दो चाहिए होता है पहले दो से करिए समझ रहे हो पहले दो से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए तो टू वन प्लस अयोटा रूट थ्री बाई टू दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया क्योंकि आयोटा बनाना है हमें इसे ठीक है हमें क्या करना है आयोटा बनाना है और आयोटा बनाना है तो हमें आ, नीचे टू तो चाहिए चाहिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे आयोटा हम कॉमन ले लेंगे ठीक है आयोटा हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा बताइए अल्टा कॉमन लेने की जरूरत नहीं है अच्छा ये बात बताओ सीधे बन जाएगा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है दो से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है बस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू ठीक है तो माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी सर ओमेगा स्क्वायर की माइनस ओमेगा स्क्वायर की क्या होगी वन प्लस अयोटा रूट थ्री बाई टू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस रूट थ्री बाई टू होगा को, आप क्या बोल सकते हो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है मतलब माइनस टू स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से आपको सोचना है एग्जाम में जब भी रेशियो वन बाई रूट वन रेशियो रूट थ्री या रूट थ्री बाई वन है तो इसको हम ऐसा आप लिख सकते हैं आपको लर्न रहेगा तो ठीक है नहीं रहेगा तो फिर भी आप समझ जाइएगा कि ऐसे हम बना सकते हैं उसको उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है सिमिलरली हम रूट थ्री बाई अयोटा को बनाना चाहते हैं तो दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ठीक है तो वन बाई टू रूट थ्री प्लस अयोटा और यहां पर यहां टू कर देते हैं यहां भी टू कर देते हैं अब आपको यहां पर आयोटा कॉमन लेना पड़ेगा आयोटा कॉमन लोगे तो टू आयोटा यहां बनेगा वन और यहां पर आयोटा डिवाइड हो जाएगा रूट थ्री बाई एयोटा हो जाएगा रूट थ्री बाई एटा मतलब माइनस रूट थ्री एटा ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री एयोटा बाई टू वन अपॉन एयोटा माइनस एयोटा होता है बार बार इस्तेमाल हो रहा है देख रहे हो अब बताओ ये वैल्यू माइनस माइनस ओमेगा की है ना ये वैल्यू किसकी है माइनस ओमेगा की है तो इसे माइनस टू एयोटा ओमेगा लिख सकते हैं इससे चीजें आसान हो जाएगी याद रखिएगा बस इससे चीजें आसान हो जाएंगी और चीज याद रख लीजिएगा कि ये जो वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं ये एक ट्राइंगल बनाते हैं जो कि इक्विलेटरल होता है प्रूफ आप उससे कर सकते हो कंडीशन से ये क्या बनाते हैं एक ट्राइंगल बनाते हैं और जो क्या होगा ये क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा संभाव त्रिभुज होगा तीन वर्टेक्स है ना ये वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो ये इक्विलेट्रल संबाव त्रिभुज बनाते हैं ये एग्जाम में एक बार आपके पूछा गया है संबाव त्रिभुज बनाते हैं ये वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यदि किसी ट्राइंगल की वर्टिसेज हैं तो ये इक्विलेट्रल ट्राइंगल बनाएंगे ये चीज आपको याद रखनी है हम बात आते हैं डिमाइवर्स थ्योरम पर डिमाइवर्स थ्योरम डिमाइवर प्रमेय जो है वो क्या कहती है थ्योरम कुछ नहीं है देखो यदि कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन है थीटा थीटा प्लस आयोटा थीटा की पावर एन है ठीक है इसे आप लिख सकते हो कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा लेकिन शर्त पता क्या है शर्त क्या है ये ध्यान से देखिएगा शर्त यह है कि ये थीटा थीटा सेम होना मतलब दोनों जगह थीटा ही होना चाहिए और आयोटा हमेशा साइन के साथ होना चाहिए याद रखिएगा आयोटा हमेशा किसके साथ होना चाहिए साइन के साथ होना चाहिए, चाहिए। तभी ये डायरेक्ट लगेगा आकर अप्लाई तो जैसे एग्जाम्पल मैं दूं, कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर पांच लिखा गया है तो इसको आप क्या लिख सकते हो ये पांच आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉस फाइव थीटा प्लस आयोटा साइन फाइव थीटा होगा ठीक है अब देखिए यदि मैं कॉस फाइव प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन कर देता हूं तब ये बराबर नहीं होने वाला तब आके एन मल्टीप्लाई नहीं होगा क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहां पर फाइव है यहां पर थीटा है साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की पावर एन यहां पर भी आके एन मल्टीप्लाई नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि आयोटा के साथ क्या है आयोटा के साथ कॉस है साइन नहीं है तो ये इसके बराबर फिर से नहीं होगा ठीक है ओमेगा की वैल्यू बेटा माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री ओमेगा की वैल्यू माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू ठीक है ये भी इक्वल नहीं होगा याद रखिए अच्छा माइनस वाले में भी आ जाता है यदि कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर एन लिखा हुआ है तो भी दिक्कत नहीं है ये सीधे कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ओके इस केस में भी आकर क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे मान लीजिए कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर चार लिखा हुआ है कोई बात नहीं चार आके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं, माइनस में भी चलेगा अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एक बात बताइए जैसे की पावर आयोटा थीटा की की पावर पावर आयोटा आयोटा थीटा थीटा थ्री डॉट 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 ई की पावर आयोटा थीटा एन इनका मल्टीप्लाई क्या होगा जल्दी बताइए यदि ई की पावर आयोटा थीटा वन ई की पावर आयोटा थीटा टू ई टू पावर

और इसी तरह से ये क्या लिखा हुआ है ई टू दावर आयोटा लिखा है कि नहीं अब बताइए ये value ये बन गया अब e पावर आयोटा एंगल लिखा गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं थीटा टू डॉट 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 थीटा एन ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि भाई e की पावर आयोटा यदि थी थीटा वन लिखा है तो वो कॉस थीटा वन प्लस आयोटा थीटा वन थीटा लिखा है तो ये होगा अब ये लिखा है तो ये होगा इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आगे है क्या यार एक मिनट चलिए मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं एक, एक क्वेश्चन है कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू स्क्वायर अब ठीक है इन टू कॉस पाई बाई टू क्यूब प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू क्यूब अब टू ये कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है बट पे ऊपर शायद गलत लिख लिखा था साइन नहीं दिया है कहां पर बताइए कहां पर क्या कह रहे हो अच्छा यहां पर साइन नहीं लिखा हुआ है ठीक है यहां पर गलत लिखा हुआ है उसको सही कर लीजिए यहां मिस प्रिंट है यहां पर साइन नहीं लिखा गया है यहां पर ठीक है टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसमें ठीक है यही होगा ठीक है जो मैंने बताया वही है ठीक है वहां टाइपिंग मिस्टेक है चलिए ठीक है समझ में आ गया ना वहाँ साइन कर लो टाइपिंग मिस्टेक है ये जो मैंने बताया वही है अब इसका क्या हो जाएगा देखो यहां पर कॉस ये क्या हो जाएगा ये थीटा वन थीटा वन थीटा टू थीटा टू थीटा थ्री थीटा थ्री तो क्या हो जाएगा ये ये जो थीटा वन है थीटा टू है थीटा थ्री है ये इंफिनिटी तक जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू पाई बाई टू स्क्वायर पाई बाई टू क्यूब ये भी कहां जाएगा इंफिनिटी तक जाएगा बात समझ में आ रही है ओके अब देखिए ये क्या होगा ये तो जीपी बन रहा है ना इनफाइनाइट जीपी ये भी इनफाइनाइट जीपी दोनों का तो एक ही मान आएगा तो निकाल लेता हूं कितना आएगा ए अपॉन वन माइनस आर ए कितना है पाई बाई टू ए कितना है पाई बाई टू आर कितना है वन बाई टू तो प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू और वन माइनस वन बाई टू ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई और ये कितना हो जाएगा माइनस वन के बराबर कितना आ जाएगा माइनस वन अच्छी सचिन जी बहुत अच्छी बात है ठीक है आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन डिटो फंसे मजा आ गया सर चलिए अच्छी बात है समझ में आ गई बात कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई कितना हो जाएगा माइनस वन के बराबर इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बस ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा ये चीज कि क्या हो रहा है ये ठीक है रट्टा मारोगे भूल जाओगे सब ठीक है आगे मैं देखता हूं बेस्ड क्वेश्चन थे एक मिनट अच्छा सेम ये फॉर्मूला आप उसमें भी देख लीजिए एक मिनट चलो ये यहीं तक हमने बात करी थी अब आप ये वाला भी देख सकते हो यदि आ, आपको डिमाइवर्स थ्योरम वो तो था कि ऊपर क्या था आपका इंटीजर था वो जो फॉर्मूला पढ़े थे वो इंटीजर के लिए पढ़े थे वो जो फॉर्मुला आपने पढ़ा था वो इंटीजर के लिए था यदि फ्रैक्शन क्वांटिटी आ जाए जैसे मान लीजिए थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर पी बाई क्यू इस तरह का फॉर्म आ गया थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर पी बाई क्यू इस तरह का फॉर्म आ गया तो उस केस में क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक तो नहीं इसमें बहुत ज्यादा पूछते हैं ठीक है इस तरह के लेकिन फिर भी आप देख सकते हो ठीक है तो देखिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को आप क्या कर सकते हो थीटा को पहले आप 2 के पाई प्लस थीटा लिख दोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं साइन 2 के पाई प्लस थीटा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं और ये पावर p by q है अब आकर आप p by q यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस 2 के पाई प्लस थीटा इनटू p by q प्लस आयोटा पाई प्लस थीटा, थीटा इंटू पी बाई क्यू ठीक है पी बाई क्यू कोई फर्क नहीं पड़ता ओके चलो अब मैं तुम्हें यहां सेल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाता हूं मैं आपको सोलूशन ऑफ आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाता हूं सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ठीक है इसमें तो देखो डिमाइवर्स थ्योरम इतना ज्यादा डेप्थ में जाकर उस तरह के डिमाइवर्स थ्योरम आपसे पूछी नहीं गई है अभी तक तो ठीक है और एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी इस तरह की वो भी नहीं आती है जल्दी आपके एग्जाम में भाई चांस आ जाए लेकिन अभी तक ऐसी फोकस्ड है नहीं एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी पर भी अब मैं बात करता हूँ इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं सोल्यूशन ठीक है सोलूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेजन मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेजन दिखी होंगी दी जाएंगी और उसमें क्या पूछा होगा इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं आप पी वाई की उठा के देखेंगे तो आपको वहां पर दिखेगा यदि वाई की उठा के देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा तो करते क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में आ, ध्यान से देखिए मैं बता दे रहा हूं क्या करते हैं आ, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम जेड बराबर जेड बराबर क्या करते हैं एक्स प्लस एटा वाई डाल देते हैं और यहां से एक्स वाई की क्या आती है वैल्यूज आती है क्या करेंगे जब भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन दी होगी और पूछेगा कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं कितने इसके सोल्यूशन होंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन बताइए तो आपको क्या करना है जेड बराबर एक्स प्लस एटा वाई रख देना है ठीक है क्या करना है जेड बराबर एक्स प्लस एटा वाई रख देना है और उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूं वहां से उसको सॉल्व करके एक्स वाई का मान आएगा वाई की वैल्यू आएगी वही उसके क्या होंगे सोलूशन होंगे अब जितने वाई के पेयर मिलेंगे उतने सल्यूशन हो जाएंगे यही तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन को सॉल्व करने का ठीक है तो जैसे ये हम जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड बराबर जीरो है इसको हम सॉल्व करते हैं तरीका क्या है जेड बराबर एक्स प्लस लिख दीजिए यही तरीका है जेड बराबर एक्स प्लस एयोटा वाई रख दीजिए डाल दीजिए इसमें हो कितना हो गया एक्स प्लस एयोटा वाई का स्क्वायर मॉड जेड कितना होगा मॉड अंडर अंडरवुड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो इसको हम और क्या लिख सकते हैं ठीक है ठीके? जीरो प्लस जीरो तो बार तीन चार बार क्वेश्चन आए आपके एग्जाम आप में नंबर ऑफ सोल्यूशन के कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेजन दी जाती है तो वही कर दिया हमने जेड जेड स्क्वायर हो गया और प्लस मॉड जेड अब रियल पार्ट रियल पार्ट के बराबर कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस प्लस टू एक्स वाई आई बराबर जीरो प्लस जीरो आई एक बात बताओ यहां से देखो एक तो एक तो ये टू एक्स वाई क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडरवुड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब यहां इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व करना है और एक्स वाई का मान निकालना है मैं बेटा इस सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इस तरह के हैं बेस्ड ठीक है समझ रहे मेरी बात को तो ये आपको क्या करना है ये इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं तो आगे भी आ सकते हैं तो यहां से बताइए क्या आएगा बराबर जीरो आएगा और वाई बराबर जीरो आएगा ये दो चीजें आएंगी ना अब हम चेक करते हैं कि वे एक्स बराबर जीरो कंडीशन जब एक्स बराबर जीरो है तो भैया यहां से वाई का क्या क्या मान आ रहा है एक्स बराबर जीरो है तो देखो ये तो गया माइनस वाई स्क्वायर और एक्स बराबर जीरो है तो अंडर अंडरवुड वाई स्क्वायर अंडर अंडरवुड वाई स्क्वायर मॉड वाई होता है बराबर जीरो और माइनस वाई स्क्वायर को मॉड वाई स्क्वायर कर सकते हैं प्लस मॉड वाई बराबर जीरो तो यहां से मॉड वाई कॉमन ले लेंगे तो बराबर जीरो तो वाई की वैल्यू एक तो जीरो मिल जाएगी और वाई बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस वन तो जब एक्स बराबर जीरो मिला तो वाई की वैल्यू जीरो मिली एक्स बराबर जीरो मिला तो y का मान प्लस वन मिला और जब x बराबर जीरो मिला तो y का मान माइनस वन भी मिल गया जीरो का मान माइनस वन भी मिल गया ठीक है अब ये तो सारे केसेस आए हैं तीन सोलूशन तो हमारे आ गए जब एक्स बराबर जीरो दूसरा वेन वाई बराबर जीरो हो तो क्या होगा जब y बराबर जीरो लेंगे तो देखो ये कट जाएगा y बराबर जी तो ये खत्म ये खतम एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स बराबर जीरो भाई ये तो तभी जीरो हो सकता है जब एक्स जीरो हो, यहां से तो एक्स ही जीरो आ सकता है ना बेटा वैल्यू तो देखो यहां से वाई बराबर जीरो पे एक्स जीरो तो ये तो वही वाली बात होगी तो कितने सोलूशन एग्जिस्ट किए जल्दी बताइए कितने सोलूशन एग्जिस्ट किए फटाफट बताइए जल्दी से आपके सामने है सोल्यूशन जल्दी बताओ चार कहां हो गए बेटा वाई जीरो पर y जीरो पर एक जीरो मतलब जीरो जीरो ना वो तो वो तो इंक्लूडेड है पहले से ही जीरो जीरो तो पहले ही मैं ले चुका हूं सात कहां से हो गया क्या यार मजाक कर रहे मजाक कर रहे हैं ना कितने सोलूशन एग्जिस्ट कर गए

यहां भी सेम तरीका है अलो की संख्या जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर यहां भी सेम तरीका है क्या करना है जेड बराबर एक्स प्लस वाई रखना है जेड बराबर क्या करना है एक्स प्लस एयटा वाई रखना है कितना हो जाएगा ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स एयोटा वाई और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो यही तो होगा भाई मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब ध्यान से देखिए ये कट जाएगा स्क्वायर प्लस टू एक्स आयोटा वाई बराबर जीरो प्लस जीरो आयोटा ध्यान से देखिए एक तो टू एक्स स्क्वायर बराबर जीरो होगा यहां पर और दूसरा क्या होगा टू एक्स वाई जो होगा वो जीरो के बराबर आप ध्यान से देखिएगा यहां पर कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो जवाब होगा सर जी इनफाइनाइट इनफाइनाइट कैसे पता चला अच्छा यहां से एक्स बराबर जीरो आ गया अब ये बताइए कि एक्स बराबर जीरो है तो ये जीरो हो जा रहा है अब एक्स बराबर जीरो को तो ये भी तो जीरो हो जाएगा बेटा जब एक्स बराबर जीरो लेंगे तो रियल पार्ट एक्स बराबर जीरो पर रियल पार्ट भी जीरो आ रहा है और इमेजनरी पार्ट भी तो जीरो आ रहा है इसका मतलब यदि एक्स जीरो है तो पक्का है कि ये इक्वेजन सेटिस्फाई हो रही है वाई से तो कोई वैल्यू ही नहीं आई वाई तो आप कुछ भी ले सकते हो इस केस में क्योंकि देखो x बराबर जीरो पर भाई मैंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के बराबर है तो रियल पार्ट रियल पार्ट के बराबर इमेजरिंग इमेजिंग पार्ट के बराबर कर दिया तो रियल पार्ट टू एक्स आया उसको जीरो के बराबर किया टू एक्स वाई इमेजरिंग पार्ट आया उसको जीरो के बराबर किया इन दोनों में हमने ये देखा कि जब एक्स बराबर हम जीरो ले रहे हैं तो दोनों जीरो का तो रोल ही नहीं है कोई यहां पर वाई तो कुछ भी आ सकता है बताओ बराबर बराबर यहां इस्तेमाल इस्तेमाल यदि हम करते करते हैं हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी यहां से बताओ वाई कुछ भी ले लो आप यदि एक्स बराबर जीरो यहां हम डालते हैं तो वाई तो हम वन डालेंगे तब भी जीरो आएगा ही वाई को मैं टू ले लूंगा तब भी जीरो आएगा इसका मतलब है कि प्योरली इमेजनरी नंबर कोई भी ले लो इसको सेटिसफाई करेगा जिसका रियल पार्ट जीरो है रियल पार्ट यदि जीरो है तो वो सेटिसफाई करेगा तो फिर तो इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे इनफाइनाइट मिल जाएंगी चलिए आप बात कर लेते हैं लोकस निकालने का क्या करने का लोकस निकालने का ठीक है लोकस निकालने का तो देखिए लोकस क्या होता है लोकस पाथ ट्रेवल्ड बाई द पॉइंट होता है अंडर गिवेन कंडीशन मैं मतलब मैं किसी पॉइंट को एक कंडीशन कि तुम्हें मूव तो करना है लेकिन तुम्हें इस कंडीशन के अंदर मूव करना है तो इस उस कंडीशन को फॉलो करते हुए वो जो पॉइंट है वो जो भी पाथ ट्रेवल करेगा वो ही लोकस हो जाएगा जैसे मैं आपसे यह कहूं कि यार उस पॉइंट आपको इस पॉइंट का लोकस चाहिए जिसकी इस फिक्स पॉइंट से ये आपका क्या है एफ एक फिक्स पॉइंट है इससे हमेशा इक्वल सेम डिस्टेंस हो ये पॉइंट इस पॉइंट पी का आपको क्या बताना है इस पॉइंट पी का लोकस बताना है कंडीशन ये है कि उसकी डिस्टेंस हमेशा इस एफ जो कि फिक्स पॉइंट है इससे दूरी क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए इससे डिस्टेंस क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए समझ रहे मेरी बात तो डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए तो अब ये P कहा मूव करेगा एक सर्कल में मूव करेगा तो ये सर्कल जो हो गया इस P पॉइंट का लोकस हो गया वैसे ही पॉइंट को अलग अलग कंडीशन मिलेगी उस कंडीशन को फॉलो करने के लिए पॉइंट अलग अलग मूव करेगा अलग अलग जगहों पर और जो वो मूवमेंट होगा वो जो पाथ ट्रेवल करेगा मूव करते हुए वही उस पॉइंट का क्या हो जाएगा लोकस हो जाएगा ठीक है तो जैसे मैं बात करूं कि कभी मॉड जेड बराबर ए ऐसा लिखा गया है ठीक है इसका क्या मतलब है ठीक है इसका क्या मतलब है तो कहने का मतलब है देखो मेन ये समझिए पहले अगला वाला समझ लो यहां से समझ में आएगा कभी भी जेड माइनस जेड वन का मॉड यदि आर के बराबर ऐसा दिया गया है जेड माइनस जेड वन का मॉड यदि आर के बराबर दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड जो इस समय जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर होगा जेड नॉट और रेडियस कितनी होगी रेडियस कितनी होगी आर इस समय जेड नॉट क्या बताएगा सेंटर बताएगा और रेडियस क्या बताएगा आर जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर होगा जेड नॉट और रेडियस कितनी हो जाएगी आर त्रिज्या आर हो जाएगी डायरेक्ट आपको लिखना है लेकिन आपसे ये वाला तो ठीक है और कंडीशनों में हर बार आपको रिजल्ट ऐसा नहीं मिलेगा तो भी तरीका मैं सिखाऊंगा कि क्या करना होता है फिलहाल कुछ रिजल्ट है जो आप तो याद करने पड़ेंगे आपको जैसे ये मॉड जेड बराबर ए है इसका मतलब मॉड जेड माइनस जीरो बराबर बराब, mod, Z -0, बराबर मॉड जेड माइनस जीरो बराबर ए तो उसी से तुलना करें तो हम ये कहेंगे कि जेड इस समय एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो जीरो जीरो है और रेडियस कितनी है ए है इस समय एक पर्टिकुलर केस आ गया जहां पर जेड नॉट जीरो हो गया यहां पर जेड नॉट क्या है जीरो के बराबर है यहां पर जेड नॉट क्या है बेटा जीरो के बराबर है बात समझ में आ रही है यहां पर जेड नॉट क्या है जीरो के बराबर है ठीक है? जेड नॉट क्या है जीरो के बराबर है चलिए ये दो चीजें समझ में आई कि लोकस क्या होता है लोकस किसी पॉइंट किसी पॉइंट का लोकस मतलब पाथ ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट उस पॉइंट के द्वारा जो पाथ ट्रेवल किया जाता है वो ही लोकस होता है अब वो पाथ किसी ना किसी कंडीशन के अनुसार होगा उस पॉइंट को कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी उस कंडीशन को फुलफिल करते समय वो जो भी पाथ ट्रेवल करेगा वो उसका लोकस हो जाएगा ठीक है ये तो केस समझ में आ गया आपको चलिए अब इसमें बता दीजिए कि लोकस ऑफ जेड क्या है थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको यहां पर लेट मैं दिखा देता हूं लेट मॉड जेड माइनस थ्री प्लस फोर है का मॉड टू के बराबर है तब जेड का बिंदु पथ जेड का बिंदु पथ लोकस ऑफ जेड बताना है लोकस ऑफ जेड तो बताइए क्या होगा इस समय बताइए भाई जेड नॉट क्या है हमारा तो जेड नॉट है वो है थ्री प्लस फोर है एटा थ्री प्लस फोर है एटा मतलब थ्री कॉमा फोर ठीक है जेड नॉट क्या है थ्री प्लस फोर है एटा मतलब थ्री कॉमा फोर और रेडियस कितनी है दो? रेडियस कितनी है दो? तो ये सेंटर हो गया सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 3,4 है और रेडियस कितनी हो गई? दो हो गई यही है ये तो सर्कल ही लोक का सब्जेक्ट क्या है तो सर्कल ही लोक का सब्जेक्ट क्या है सर्कल ही है सर्कल है जिसका सेंटर क्या है जेड नॉट मतलब 3,4 रेडियस कितनी है 2 है यहां बताइए इसकी तुलना करें तो क्या होगा अब देखिए इसको इसको तुलना करना है लेट मॉड जेड प्लस टू प्लस थ्री एटा का मॉड यदि फोर के बराबर है तो लोकस ऑफ जेड बताना है अब यहां पर तुलना करना है तो बीच में हमें माइनस लगाना पड़ेगा जो माइनस लगाएंगे तो माइनस टू माइनस थ्री एओटा होगा अब जेड नॉट जो है वो माइनस टू माइनस थ्री एटा है मतलब माइनस टू कमा माइनस थ्री और रेडियस कितनी हो गई चार ठीक है तो सेंटर कितना हो गया है तो सर्कल ही जिसका सेंटर जो है वो माइनस टू को माइनस थ्री है और त्रिज्या मतलब रेडियस जो है तो रेडियस है वो कितनी है फोर के बराबर है तो ये तो समझ में आ गया होगा कोई बड़ी बात है नहीं ठीक है माइनस टू को माइनस थ्री कंपेयर करिएगा तो माइनस जेड नॉट होना चाहिए याद रखिएगा यहां बीच में माइनस होगा तभी आप कंपेयर करेंगे ठीक है तो ये सब ठीक है बस हो जाएगा ही कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए कई बार आपको ये वन माइनस जेड टू का मॉड लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है ठीक है वन माइनस जेड टू का मॉड क्या होता है इसको क्या बोलते हैं इसका मतलब होता है यदि ये के के बराबर है इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस बिट्वीन जेडवन एंड जेड टू जेडवन और जेट्टू की की के, के बीच की दूरी क्या है के है जेडवन और जेट्टू के बीच की दूरी जेडवन और जेट्टू के बीच की दूरी क्या है के है जेडवन और जेट्टू के बीच की दूरी क्या है के के बराबर है किसका मतलब है ठीक है कि इसका मतलब है याद रखिएगा जैसे मैं कहूं कि जेडवन माइनस जेट्टू का मॉड पांच है सिंपल कहने का मतलब है वन और जेड टू के बीच की डिस्टेंस क्या है पांच है ठीक है डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन जेड टू की बीच की दूरी क्या है फाइव ठीक है तीन चार क्वेश्चन आ जाते हैं तीन चार क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्यादा भी आ सकते हैं कोई भरोसा नहीं है यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं उठा के पांच छे क्वेश्चन भी पकड़ा सकती है बड़ी बात नहीं है बात समझ में आ गई तो याद रहेगा ये चलिए अब एक बात बताइए यदि मैं आपको ये दे दूं चलो तो इसी में मैं आपको बताता हूं कि आपके पास यहां साफ नहीं दिख रहा होगा पीडीएफ में दिख जाएगा आपको जैसे मैं कह दूं कि ये जेड वन पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जेट टू है और ये जेट थ्री है ये तीनों को लीनियर है ये तीनों क्या है को लीनियर है तो, को लीनियर है तो जो ए बी प्लस बी सी होगा वो ए सी के बराबर होगा कि नहीं यदि तीनों सनरेखी हैं को लीनियर है ठीक है समझ रहे हो ये ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा ए सी के बराबर ये क्या है कोलिनियर है संरेखी है ठीक है एबीसी क्या है कोलिनियर है, है।, है तो ए बी प्लस बी सी आप जानते हो तीन पॉइंट यदि कोलिनियर होते हैं तो एबी प्लस बीसी जो होता है वो एसी के बराबर होता है तो अच्छा एबी कितना आएगा जेड वन माइनस जेड टू का मॉड भाई एबी को लिखना है तो हम जेडवन माइनस जेड टू का मॉड लिखेंगे सी को लिखना है तो जेड टू माइनस जेड थ्री का मॉड लिखेंगे और एसी को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे जेड वन माइनस जेड थ्री का मॉड तो ये होना चाहिए कि नहीं ये होना चाहिए फटाफट बताइए ठीक है बात समझ में आ गई चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें सेक्शन फॉर्मूले के बारे में विभाजन सूत्र जैसे आपने टू डी पढ़ा होगा ना बेटा टू डी टू डी में पढ़ा है ना आपने स्टेट लाइन में कि जैसे यहां पर एक कोई पॉइंट है जिसकी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है और बी क्या है जेड टू है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सी इसको यदि एम रेशियो एन में डिवाइड कर रही है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सी इसको एम रेशियो एन में डिवाइड कर रही है तो सी कैसे मिलेगा एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन पढ़ा है जैसे स्ट्रेट लाइन में होता है यह इंटरनल डिवीजन है फॉर इंटरनल डिवीजन अंत विभाजन के लिए फॉर इंटरनल डिवीजन होता है अंत विभाजन के, के लिए होता है अंत विभाजन ठीक है और एक्सटर्नल के लिए माइनस हो जाएगा फॉर एक्सटर्नल क्या हो जाएगा बस एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन होगा ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जैसे आप मिड पॉइंट पढ़ते हो जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पॉइंट ही जैसा ना कॉमा वाई तो है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है और यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू है तो मुझे बताइए यदि मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट कैसे मिलेगा जेड वन प्लस जेड टू बाई टू होगा क्या होगा जेड वन प्लस जेड टू बाई टू वहां क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वही है आप जेड वन को लिखिए एक्स वन प्लस वाई वन एक्स टू को लिखिए जेड टू को लिखिए एक्स टू प्लस वाई टू बाई टू रियल पार्ट अलग करिए इमेजिंग पार्ट अलग कर लीजिए तो ये जो m आएगा उसका रियल पार्ट आएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू हो पार्ट आएगा Y1 प्लस, Y2 बाई टू। तो हो तो जाएगा m वाली कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं सेम ही तो हो जाएगी वेक्टर में भी ऐसे ही होता है वेक्टर में भी ऐसे ही होता है ठीक है और सेम केस आप यदि मान लीजिए आपको मैं तीन दो केस और बता दे रहा हूं यदि मान लीजिए कि सेंट्रॉइड है निक पूछ ले आपसे जैसे कोई ट्राइंगल है और यहां पर जेड वन है जेड टू है जेड थ्री है ये तीन वर्टिसेज हैं, ठीक है देके? तो मैं इसका सेंट्रोइड पूछूं केंद्रक तो वहां क्या होता है टू डी में क्या होता है बेटा टू डायमेंशनल जेमिट्री में एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री यहां क्या हो जाएगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाई थ्री क्योंकि तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी ना अब यहां पर चाहे तो एक्स वन प्लस ना और रियल पार्ट अलग करोगे इमेजिंग पार्ट अलग करोगे तो ये जो सेंट्रॉइड आएगा ना वो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री प्लस अयोटा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री आएगा क्या मिल तो गया है तो वही चीज और सेम आपको क्या करना है सेम आपको क्या करना है ठीक है सेम आपको यदि पेरलोलोग्राम दिया गया है टू डी में वो भी करते हुआ पैरलोलोग्राम में मान लीजिए कि मैंने बोला कि एबीसीडी क्या है एक पेरलोग्राम है समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी क्या है एक पेरलोग्राम है समांतर चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है और एक ये जेड वन है ये क्या है जेड टू है सी क्या है जेड थ्री है डी क्या है जेड फोर है तो ये बताइए इन दोनों का मिड पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा बराबर होगा तो ए और सी का मिड पॉइंट क्या होगा जेड वन प्लस जेड थ्री बाई टू और बी और डी इन दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा जेड टू प्लस जेड फोर बाई टू तो टू से टू कट गया तो देखो जेड वन प्लस जेड थ्री बराबर जेड टू प्लस जेड फोर आ जाएगा तो ये सब चीजें ना स्ट्रेट लाइन से लिंक है अब ये भी सेंट्रॉइड स्ट्रेट लाइन से है जब पैरोलोग्राम में सेंट क्या करते हो आप स्ट्रेट लाइन में जो पैरलोग्राम वाला क्वेश्चन आता है उसमें क्या करते हो डायगोनल बाईसेक टीच अदर करते हो मतलब ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी इसके बराबर है ये वाली इसके बराबर है इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट सेम होता है ना वैसे यहां पर भी है बात समझ में आई कि नहीं ये चीज क्लियर हुई ये चीज कैसे हुई जेड वन प्लस जेड थ्री बराबर जेड टू प्लस जेड फोर कैसे हुआ क्लियर हो गया Clear हो गई बात बताइए इतनी ठीक है एरिया ऑफ ट्राइंगल इतनी जरूरत नहीं है आप चाहे तो छोड़ सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल रहने दो इतनी कोई जरूरत नहीं है बहुत मुश्किल है आपके एग्जाम में इस पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे ठीक है दो चीजें आपको याद रखनी है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में स्ट्रेट लाइन की इक्वेजन क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में तो वो ऐसी होती है जहां पर ए और जेड वो दोनों के दोनों क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ए और जेड दोनों के दोनों क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं बी बिलोंग्स टू आर होता है तो ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी ये आपकी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन होती है सब कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है अब सर्कल इस पर तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पर भी इस पर तो क्वेश्चन भी आया हुआ है बेटा ठीक है वृत्त का व्यापक समीकरण वृत्त का व्यापक समीकरण इस पर तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है ठीक है तो देखिए जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इस तरह की इक्वेशन आपको कहीं देखने को मिलती है जहां पर ए और जेड क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बी बिलोंग्स टू आर है कभी आपको इस तरह से इक्वेशन देखने को मिलती है तो आप कह देंगे कि ये भाई क्या है हमारी सर्कल की इक्वेशन है ये क्या है सर्कल की इक्वेशन है कभी इस तरह की इक्वेशन देखने को मिलेगी तो आप बोल दोगे ये सर्कल की इक्वेशन है यदि आपको नहीं करना है तो आप जेड बराबर एक्स प्लस वाई के पता कर सकते हो यदि पता करना है तो वो भी पता कर सकते हो लेकिन इस रिजल्ट को याद रखिएगा जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी यदि जीरो के बराबर है तो ये क्या है सर्कल की इक्वेजन है और सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा उसकी रेडियस भी होगी ठीक है तो इस पर सेंटर क्या होता है इसका माइनस ए होता है रेडियस क्या होती है अंडरवुड ऑफ मॉड ए स्क्वायर माइनस बी ये आपका सेंटर होता है और यह आपकी रेडियस होती है याद रखिएगा आगे क्वेश्चन होना चाहिए इस पर बेस हाँ चलिए आगे क्वेश्चन है करते हैं इसको जल्दी बताइए यह समझ में आया कि इस तरह की आपको कभी कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलती है जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार, बार प्लस बी बराबर जीरो तो आप बोलोगे भाई सेंटर जो होगा यहाँ माइनस ए होगा और रेडियस क्या होगी अंडरवुड मॉड ए स्क्वायर माइनस बी ये याद रखिएगा हर चैप्टर तो तुम लोग छोड़ने लगते हो भाई इस चैप्टर में थोड़ा पोर्शन कठिन है ज्योमेट्री वाला बाकी तो आसान है ना तो एकदम क्यों छोड़ दोगे ठीक है तुम्हारे अब 2016 जैसा पेपर आ गया तो पूरा पेपर ही छोड़ के चले आओगे फिर तो हाँ तो बहुत टफ पेपर आया 2021 सेकंड में भी टफ पेपर आया है तो क्या करके आओगे भैया एनडीए का क्वेश्चन एनडीए का है अभी एग्जाम आप पेपर का लेबल जानते हो कितना अच्छा आता है एयरफोर्स का नहीं है अच्छा लेबल आता है इसका चलिए अभी एग्जाम्पल तो ऐसे ही है चलो आओ इसको करो देखो आपको सेंटर और रेडियस चाहिए क्या चाहिए सेंटर और रेडियस आपको क्या चाहिए सेंटर एंड रेडियस चाहिए ठीक है सेंटर मतलब क्या केंद्र सेंटर मतलब क्या है केंद्र और रेडियस मतलब क्या है त्रिज्या तुलना करिए पहले तो दो से आपको डिवाइड करना पड़ेगा पहले दो से आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर टू है तो दो से डिवाइड कर लीजिए तो थ्री माइनस आयोटा बाई टू जेड प्लस थ्री बाई टू प्लस थ्री प्लस आयोटा बाई टू जेड बार माइनस सेवन बराबर जीरो दो से मैंने डिवाइड कर लिया ठीक है अब आप इसकी तुलना कर लीजिए जेड जेड बार से प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी बराबर जीरो तो बताइए सेंटर कितना आएगा इसका सेंटर कितना आएगा सेंटर कितना आएगा जल्दीबाजी नहीं दो से आपको डिवाइड करना पड़ेगा बेटा क्योंकि वहां टू जेड जेड बार लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है टू जेड जेड बार लिखा हुआ है आपको दो तो से डिवाइड करना पड़ेगा अब ये ओरिजिनल फॉर्मेट है अब मुझे बताइए ए कितना आ रहा है ए आपका जेड बार के साथ वाला ए होगा ठीक है जेड बार के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वही ए होगा तो यहां जेड बार के साथ क्या मल्टीप्लाई है ये ए जो है आपका वो थ्री प्लस आयोटा बाई टू होगा सेंटर कितना हो जाएगा सेंटर कितना हो जाएगा जल्दी बताइए सेंटर होता है माइनस ए मतलब माइनस थ्री बाई टू माइनस आयोटा बाई टू और इसको बोलेंगे माइनस थ्री बाई टू माइनस आयोटा बाई टू ये आपका सेंटर हो गया ठीक है माइनस ए और रेडियस क्या है अंडरवुड ऑफ मॉड ए स्क्वायर माइनस बी बी कितना है माइनस सेवन तो इसके मॉडलस का स्क्वायर कितना होगा नाइन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस का सेवन कितना आ जाएगा जल्दी बताइए मॉड ए स्क्वायर बेटा इसका मैनीट्यूड का स्क्वायर नाइन बाई फोर प्लस वन बाई फोर होगा कितना हो जाएगा ये टेन बाई फोर प्लस सेवन कितना हो जाएगा ये दो आच्च. रूट नाइनटीन बाई टू आएगा क्या रूट नाइनटीन बाई टू चेक करिए रेडियस कितनी आ रही रूट नाइनटीन बाई टू आएगी जेड माइनस जेड वन का मॉड और जेड माइनस जेड टू का मॉड यदि ये, ये बराबर है इसका कहने का क्या मतलब है इसका कहने का क्या मतलब है क्या आ रहा है देखो टू टाइनटीन बाई टू नहीं आएगा चेक कर लीजिए एक बार अच्छा यहां दो से इसमें डिवाइड नहीं हुआ ना सॉरी एक मिनट इसमें दो से तो डिवाइड किया ही नहीं है एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहां दो से भी तो डिवाइड होगा यहां दो से डिवाइड नहीं हुआ है सॉरी 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट गड़बड़ हो गया यहां भी तो दो से डिवाइड होना है जो दो डिवाइड हुआ है वो सेवन के साथ नहीं हुआ है ना इतना ही किया ना मैंने सेवन के साथ भी तो होगा अब ये कितना हो जाएगा ये नाइन बाई फोर प्लस वन बाई फोर और माइनस बी सेवन बाई टू हो जाएगा ना बी माइनस सेवन बाई टू हो जाएगा तो ये प्लस सेवन बाई टू हो जाएगा कितना हो जाएगा फिर ये, आ, ये चार हो जाएगा तो नाइन प्लस वन चौबीस तो कितना हो जाएगा ये चौबीस तो तो सिक्स आएगा रूट सिक्स रूट सिक्स आएगा ना फिर रूट सिक्स आ जाएगा फिर रूट सिक्स आ जाएगा ठीक है रूट सिक्स आ जाएगा अच्छा जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू का मॉड ये बताइए किसके बराबर आएगा इसका क्या मतलब है इसका कहने का मतलब है कि देखो जेड माइनस वन का मॉड और जेड माइनस जेड टू का मॉड यदि ये बराबर है और मैंने ये ले लिया के के बराबर क्या ले लिया के के बराबर तो अब ये बताइए मुझे कि इसका कहने का मतलब है जेड की z1 से दूरी इसका कहने का मतलब है जेड की जो z1 से दूरी है और z से z2 की जो दूरी है वो दोनों के दोनों k है तो ये ये बताइए कहाँ होगा एक पॉइंट यहां भी तो हो सकता है जेड जिससे इसकी जो दूरी के है और इसकी दूरी के है एक यहां पर भी हो सकता है एक यहां पर भी हो सकता है एक यहां पर भी हो सकता है एक यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर वो क्या होगा एक लाइन पर होगा आपको याद रखना है इन सबकी जो जेड वन और जेड टू से जो दूरी है वो के है तो कभी भी जेड माइनस जेड वन का मॉड इक्वल टू जेड माइनस जेड टू का मॉड दिया गया है ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि इस केस में जो जेड रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन एक सरल रेखा करेगा एक सरल रेखा रिप्रेजेंट करेगा क्या करेगा एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा ठीक है क्या करेगा एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा उस समय जब जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जेड माइनस जेड टू का मॉड आपस में बराबर है तो बोलेंगे इस लाइन पर लाई करेगा जो इस पर क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा और वो क्या होगी एक परपेंडिकुलर बाई लाइन होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर बाई लाइन होगी ठीक है लंब सम वो क्या होगी एक लाइन होगी जो लंब सम दिवाजक होगी जो इस पर परपेंडिकुलर होगी और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही होगी क्या होगी इस पर परपेंडिकुलर होगी और दो पार्ट में डिवाइड कर रही होगी वो क्या होगी एक स्ट्रेट लाइन होगी ठीक है ये चीज याद रखिएगा कि जेड वन माइनस अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो कभी ऐसा लिख कर आए जेड वन जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉड यदि वन के बराबर है इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू का मॉड यदि वन के बराबर है क्योंकि इसको नीचे ला सकते हैं हम यदि वन के बराबर है तो इस केस में भी जेड क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा वो क्या होगा एक सरल रेखा होगा वो कौन सी सरल रेखा होगी जो जो Z1 और जेड टू को जो मिलाने वाली लाइन है उस पर ये क्या होगी परपेंडिकुलर होगी और इसको बाइसेक्ट करते हुए जारी होगी यही हो गया आपका लोकस ऑफ जेड जेड का बिंदु पथ क्या है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है इस पर Z1 और जेड को मिलाने वाली लाइन पर समझ में आ रही ठीक है दूसरा तरीका क्या होता है कि देखो ये कुछ स्पेशल केस मैं बता रहा हूं जिनको आपको याद करना है लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहां पर आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी उसके बाद आपको लोकस मिलेगा कुछ कुछ रिजल्ट हैं जो आप याद करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा जैसे ऐसे रिजल्ट कभी तो भी आ गया जैसे मैंने आपसे कह दिया शायद आगे होगा एक मिनट एक मिनट जैसे मान लीजिए चलो मैं ऐसे ही अपने आप बता देता हूं आपको चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूं जैसे मान लो कभी आ, आ गया कि जेड माइनस जेड माइनस टू आयोटा अपॉन जेड प्लस टू आयोटा इसका मॉड वन के बराबर है देन लोकस ऑफ जेड इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं तो जेड का बिंदु पद बताइए ये क्वेश्चन है जेड का क्या बताइए बिंदु पद बताइए फटाफट बताइए लोकस ऑफ जेड बताइए तो पहला स्ट्रेट लाइन दूसरा सर्कल तीसरा इलिप्स चौथा जो है वो है नन है जल्दी बताइए क्या होगा लोकस ऑफ जेड दीर्घवृत्त चलिए जल्दी बताइए क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा अभी तो आप बहुत खुश हो रहे हो क्योंकि मैंने आपको बताया कि जेड माइनस जेड वन क्योंकि आपके पास ये पीछे रिजल्ट है क्या रिजल्ट है कि जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉड यदि वन के बराबर है तो वो एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन यदि मैं आपसे ये पूछ दू कि भैया स्टेट लाइन तो ठीक है कल को इसी क्वेश्चन पर दूसरा ऑप्शन बना देता हूं मैं लोकस सब्जेक्ट एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस तीसरा वाई बराबर एक्स और चौथा नन अब बताइए क्या होगा लोकस सब्जेक्ट इसी क्वेश्चन में मैं फिर यह ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको ठीक है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाई बराबर एक्स नन अब बताइए इस केस में आप क्या करेंगे इस केस में क्या करेंगे अब आप क्या करेंगे तो अब, आप अब आपको क्या करना ध्यान से समझिए इसको इसको हम क्या कर सकते हैं इसे लिख सकते हैं हम जेड माइनस टू आयोटा का मॉड और जेड प्लस टू आयोटा का मॉड लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं अब इसका मतलब क्या है मुझे यह बता दीजिए इसका मतलब है जेड की टू आयोटा से डिस्टेंस अब टू आयोटा क्या होगा जीरो कॉमा टू भाई टू आयोटा इसका मतलब क्या हो गया जेड की टू आयोटा से डिस्टेंस और इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस टू एयोटा ये कह रहा है जेड की टू आयोटा से डिस्टेंस और जेड की माइनस टू एओटा से डिस्टेंस दोनों सेम है भाई तो यही तो मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या याद करना है इसका मतलब क्या है जेड की जेटवन से दूरी और जेड की जट्टू से दूरी बराबर होनी चाहिए बराबर है कहने का ये मतलब है जेड की जेटवन से दूरी जेड की जट्टू से दूरी बराबर है अब बताइए कि यहां कहने का क्या मतलब है जेड की टू डिस्टेंस क्योंकि बीच में माइनस होना चाहिए तभी हम कंपेयर कर पाएंगे Z की से डिस्टेंस मतलब जीरो कॉमा माइनस टू इससे दूरी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए तो जेड कहां होगा वो इस एक्सिस पर कहीं पर भी होगा उस एक्सिस पर कहीं पर भी होगा आप देखिएगा यहां होगा तब भी देखिए सेड यदि यहां हुआ तब भी जो ये दूरी होगी और ये दूरी सेम होगी कोई भी ले लीजिए भाई यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट आप ले लेते हो मान लो टू कॉमा जी कुछ भी ले लो आप जीरो मान लो तो देखो ये डिस्टेंस कितनी आएगी थ्री माइनस जीरो स्क्वायर जीरो माइनस टू स्क्वायर ये भी तो वही आएगी अब यदि वो ओरिजिन हो गया पॉइंट कहीं पर भी एक्सिस एक सक्सेस हो जाए यदि यहां हो गया अब भी तो जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये है इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी हो सकता है तो आप जवाब दोगे एक्स एक्सिस ए इज द करेक्ट आंसर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ठीक है समझ रहे हो मेरी बात क्लियर याद रहेगा आप याद रहेगा चलिए और केस देख लीजिए जेड माइनस जेड वन का मॉड अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉड ठीक है यदि के के बराबर है और के क्या है आपका रियल पॉजिटिव नंबर है और के वन नहीं होना चाहिए के क्या नहीं होना चाहिए वन नहीं होना चाहिए यदि के वन नहीं होना चाहिए उस केस में ये जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा ब्रिथ उस केस में ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रेट लाइन वाला एक सर्कल वाला जेड माइनस जेड वन का मॉड या फिर ऐसे भी बोल सकते हो दोनों का मॉड है तो एक ही मॉड लगा लेते हैं मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू का मॉड यदि के बराबर है और के क्या है रियल पॉजिटिव है और के वन नहीं है के वन नहीं है इस केस में जो जेड रिप्रेजेंट करेगा वो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा क्या रिप्रेजेंट करेगा एक वृत्त लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा इससे यह तो पता चल जाएगा कि जेड सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन जब आपसे यह पूछ ले कि भैया सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है चला इसको सेंटर बता दो तो थोड़ा इसकी रेडियस बता दो थोड़ा तब आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तब आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और जेड बराबर एक्स प्लस वाई आपको रखना ही पड़ेगा तब भी आप निकाल पाओगे सेंटर और रेडियस ठीक है तभी आप सेंटर और रेडियस निकाल पाओगे कोई एग्जाम्पल होना चाहिए मेरे पास जैसे देखिए इफ जेड माइनस टू इफ जेड माइनस टू अपॉन जेड माइनस थ्री का मॉड टू के बराबर है तो ये तो पता चल गया कि जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉड टू के बराबर है जो कि वन नहीं है और रियल पॉजिटिव है ये तो पता चल गया कि जेड एक सर्कल है लेकिन आपको यह नहीं पता चल पाएगा कि उस सर्कल की रेडियस और सेंटर क्या है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको एक्सप्ल डालना ही पड़ेगा लोकस पूरा बढ़िया पता करने के लिए इक्वेजन पता करने के लिए आपको डालना पड़ेगा तो प्रोसेस क्या होता है देखिए जब भी कभी लोकस के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कुछ रिजल्ट जो मैंने आपको बता दिए वैसे आ गए तब तो बहुत अंजीत

आपके पास सेंटर और रेडियस पूछेगा इस तरह की दी होगा या फिर लोकस पूछेगा ठीक है तो आपको जेड जेड बराबर है कोई बात नहीं करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम ये टू एम मॉड अलग अलग करा लिया मॉड अलग अलग करा लिए इधर भेज दिया बराबर टू जेड माइनस थ्री का मॉड अब हम क्या करेंगे पुट एक्स प्लस अयोटा वाई एक्स प्लस अयोटा वाई पुट करेंगे तो कितना कितना रियल पार्ट क्या है एक्स माइनस टू का स्क्वायर इमेजनरी पार्ट क्या है वाई स्क्वायर इमेजनरी पार्ट क्या है बेटा वाई स्क्वायर है इमेजनरी पार्ट क्या है आपका वाई स्क्वायर है मतलब वाई है इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट क्या एक्स माइनस टू तो अंडरवुड यहां पर बराबर टू यहां रियल पार्ट क्या है एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर वही हो जाएगा और इमेजिंग पार्ट वाई है तो वाई स्क्वायर अब दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा जब भी लोकस आपको निकालना है आप आंख मूंद करके यदि आपका जाना पहचाना रिजल्ट नहीं है आंख करके करकेट बराबर एक्स प्लस वाई कर लो उसके बाद आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए मॉडल निकाला जा रहा है प्लस माइनस किया जा रहा है क्या किया जा रहा है वो सब तो आना ही चाहिए ना आपको यहां देखो क्या हो जाएगा वही तो किया हमने जेड बराबर एक्स प्लस वाई रख दिया उसके बाद उस वो मॉड निकालना है तो मॉड निकाल लिया अब मैं होल स्क्वायर कर देता हूं ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये स्क्वायर करेंगे फोर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर कोई दिक्कत अब आप देख लीजिए थ्री एक्स स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर एक्स है और ये फोर एक्स है कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एक्स चार और नौ थर्टी सिक्स हो जाएगा और सिक्स क्या हो जाएगा थर्टी टू क्या मैं सही हूं लग तो रहा है कि मैं सही हूं अब यह आपका आ गया सर्कल की इक्वेजन अब अब यह आपका आ गया सर्कल की इक्वेजन अब आपको रेडियस निकालनी है सेंटर निकालना है सब कुछ निकाल सकते हो लेकिन पहले आपको तीन से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि तो ये अभी जनरल इक्वेजन ऑफ सर्कल नहीं है वृत्त का व्यापक समीकरण नहीं है अभी तो तीन से डिवाइड कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी बाई थ्री एक्स प्लस थर्टी टू बाई थ्री बराबर जीरो सेंटर तो कितना आ जाएगा जरूरत नहीं है पर सीख लेते हम एक्स के कोफिशियंट को एक्स का कोपिशियंट क्या है माइनस ट्वेंटी बाई थ्री एक्स के और वाई के कोफिशियंट को माइनस टू से डिवाइड करना है एक्स और वाई के कोपिशियंट को माइनस टू से डिवाइड करना है तो इसको माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये टेन बाई थ्री कितना हो जाएगा ये टेन बाई थ्री और वाई का कोफिशंट तो है नहीं तो उसको टू माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा जीरो और रेडियस कितनी हो जाएगी अंडर उड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मुझे बताओ जी कैसे मिलेगा इसको दो से डिवाइड करिए माइनस टेन बाई थ्री का स्क्वायर एफ मतलब वाई के कोफिशंट को टू से डिवाइड जीरो है और माइनस सी मतलब माइनस थर्टी टू बाई थ्री तो सौ टू बाई थ्री आ जाएगा क्या रेडियस रेडियस कितनी आ जाएगी टू बाई थ्री टू बाई थ्री रेडियस आएगी चेक करिए एक बार टेन बाई थ्री नहीं ठीक है रेडियस कितनी आएगी टू बाई थ्री रेडियस कितनी आ जाएगी टू बाई थ्री जल्दी बताओ तो याद रहेगा ये तो भाई ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको हर बार आपको पहचाना हुआ नहीं मिलेगा ठीक है और पहचाना में भी खेल कर दिया उसने चलिए इसमें भी लोकस निकालिए लोकस क्या करेंगे बताइए लोकस ऑफ जेड चाहिए तो तरीका क्या है जेड बराबर एक्स प्लस एटा वाई रखेंगे हम तरीका क्या है जेड बराबर एक्स प्लस वाई चलिए जेड बराबर होता भाई जेड बराबर होता भाई क्या करेंगे बताइए फटाफट जेड बराबर एक्सप्ल एटा वाई करेंगे हम तो रख दीजिए जेड बराबर एक्स प्लस है एटा वाई जेड बराबर क्या है एक्स प्लस है एटा वाई यही रखेंगे हम लोकस निकालना है तरीका यही है तो रख दीजिए यार एक्स प्लस है एटा वाई प्लस फाइव के मॉड का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस है एटा वाई माइनस फाइव के मॉड का स्क्वायर बराबर टेन कितना आ जाएगा ये एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो वैसे मॉड में अंडर रूट होता है लेकिन मॉड का स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा माइनस यार माइनस है बीच में प्लस तो नहीं है टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है एक मिनट मुझे क्वेश्चन चेक करने दो आ, मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए तो ये कट जाएगा यार एक मिनट यार है तो माइनस ही माइनस ही है ठीक है अब देखिए क्या करेंगे ठीक है फिर अब ये कितना हो जाएगा ये एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कट जाएंगे चीजें और क्या कोई दिक्कत तो एक्स स्क्वायर प्लस पच्चीस प्लस टेन एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पच्चीस माइनस टेन एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन तो एक्स स्क्वायर प्लस पच्चीस प्लस वाई स्क्वायर ये सब कट जाएंगे ना कितना आ जाएगा ये ट्वेंटी एक्स ट्वेंटी एक्स हो जाएगा ट्वेंटी एक्स बराबर टेन तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा वन बाई टू आएगा क्या एक्स बराबर वन बाई टू आएगा x बराबर कितना आ जाएगा वन बाई टू तो जो आ रहा है रहा है, क्या कर सकते हैं? तरीका देखो यही होता है कि x प्लस ओटा वाई डालना है अब देखो इसमें तो हमें कोई रिजल्ट नहीं पता था ना इसमें तो हमें रिजल्ट नहीं पता था कोई ठीक है तो क्या करेंगे हम भाई एक्स प्लस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बाकी सब चीजें कट जाएंगी बस यहां पर माइनस टेन एक्स बचेगा इसके साथ जुड़ जाएगा ट्वेंटी एक्स ठीक है ट्वेंटी एक्स बराबर टेन हो जाएगा एक्स बराबर वन बाई टू हो जाएगा ओके okay? चलो अब इस क्वेश्चन में तो गड़बड़ी है यहाँ पर तीन स्क्वायर लिखा गया थ्री स्क्वायर तो नहीं होगा यार कुछ मिस्टेक है ना यहाँ थ्री स्क्वायर लिखा गया यार थ्री स्क्वायर माइनस टू थोड़ा ना होगा जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर थ्री जेड है यहाँ पर थ्री जेड है बेटा ये ये थ्री जेड है क्वेश्चन में यहाँ पर थ्री जेड होना चाहिए थ्री जेड माइनस टू थ्री जेड प्लस टू ठीक है थ्री जेड है। ठीक है पहले इसके पहले हम कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन फिर बताते हैं हम ये क्या है चलिए एक, एक अच्छा ऐसा देखने को मिला आपसे कभी देखिए कुछ रिजल्ट मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको याद करना है क्योंकि देखो उससे क्या होता है कि चीजें थोड़ा जल्दी हो जाएंगी एग्जाम में लेकिन इनसे अलग यदि क्वेश्चन आया

प्लस जेड माइनस जेड टू का मॉड जेड वन माइनस जेड टू के मॉड के बराबर है इस समय मैं कहूं लोकस ऑफ जेड बताइए जेड का बिंदु पथ तो क्या होगा जल्दी बताओ जेड का बिंदु पथ इस बिंदु पथ क्या होगा इस केस में फटाफट बड़ बताइए क्या लग रहा है आपको देखने में ध्यान से देखो क्या लग रहा है ये अभी मैंने बताया था आपको याद हो तो अभी बताया था ये वन है और ये टू है जेड से जेड़ वन की दूरी और जेड से टू की दूरी का जो सम है ठीक है जेड से वन की दूरी और जेड से टू की दूरी का जो सम है वो वन से टू की दूरी का सम है इसका मतलब जेड जो होगा वो सब कोलिनियर होंगे ये इस समय क्या होंगे एक ही लाइन में होंगे ठीक है स्ट्रेट लाइन होगा जेड नहीं जेड क्या होगा ये बताओ लोकस का सब जेड छोड़ो जेड कहां पर होगा जेड कहां पर होगा बेटा वो चीज अलग है जेड जो होगा ये सब स्टेट एक ही लाइन में होंगे जेड जेड वन जेड वन जेड और जेड टू ये क्या होंगे कोलिनियर होंगे इस समय संरेखीय होंगे संरेखीय होंगे संरेखीय होंगे ठीक है अब देखिए उसकी हम बात कर लेते हैं एक बार उस क्वेश्चन की क्या लिखा हुआ है थ्री जेड माइनस टू थ्री जेड माइनस टू का मॉड और थ्री जेड प्लस टू का मॉड क्या दिया गया है फोर के बराबर है तो आपसे लोकसड पूछा गया है लोकसड पूछा गया है तो आप पुट कर लीजिए पुट जेड बराबर एक्स प्लस एटा भाई कितना आ जाएगा बताओ थ्री एक्स प्लस थ्री एटा वाई माइनस टू का मॉड प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एटा वाई प्लस टू का मॉड बराबर फोर ठीक है तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट थ्री एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ थ्री एक्स का होल स्क्वायर या थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ठीक है प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर बराबर छा आप इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा लंबा चौड़ा जाएगा ठीक है आ जाएगा आंसर चलिए अब आपको कुछ फॉर्मूला याद करना है जैसे कभी भी जेड प्लस माइनस बी बाई जेड का मॉड ए के बराबर है और आपसे पूछा जाता है मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ध्यान रखिएगा ये आपसे के पास क्या है ये आपके पास दिया होगा और पूछेगा आपसे मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू तो क्या होती है मॉड जेड जो मैक्सिमम होता है वो होता है ए प्लस अंडर उड ए स्क्वायर प्लस फोर मॉड ऑफ बी बाई टू और मॉड जेड जो मिनिमम होगा वो होगा माइनस ए प्लस अंडर रुड ऑफ ए स्क्वायर प्लस फोर मॉड ऑफ बी डिवाइडेड बाई टू ये फॉर्मूला आपको याद करना है ये फॉर्मूला क्या करना है याद करना है जल्दी ठीक है याद करो जल्दी फटाफट इसे याद करिए फटाफट याद हो गया ये चलिए याद हो गया तो एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें एक क्वेश्चन है जेड प्लस फोर बाई जेड का मॉड टू के बराबर है मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू बेटा याद तो करना पड़ेगा ना याद कैसे करना है रट्टा जाता है फॉर्मूले को थोड़ा दिमाग लगाया जाता है बस याद हो जाता है तो, तो करना पड़ेगा ना आपको बिना याद किए तो फिर ठीक है आप सारे चैप्टर पढ़िए कुछ मतलब आपके ज्यादा मार्क्स तो नहीं आ सकते कटाफ आप गलती से क्लियर हो जाएगा लेकिन तो पढ़ना तो पड़ेगा ही यार ठीक है याद तो करना है ना लोग याद करते हैं आपको भी याद करना है मॉट जेड की मैक्सिमम वैल्यू मॉट जेड की मिनिमम वैल्यू ध्यान से देखिएगा तो जो बी है वो आपका क्या है चार है ए कितना है टू है फॉर्मूला क्या था मॉड जेड मैक्सिमम ए प्लस अंडर उड ऑफ ए स्क्वायर प्लस फोर मॉड ऑफ बी डिवाइडेड बाई टू और मॉट जेड मिनिमम क्या था माइनस ए प्लस अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस फोर मॉड ऑफ बी डिवाइडेड बाई टू बताइए कितना आ रहा है जल्दी से फॉर्मूले में लगाइए जल्दी बताइए आंसर ये कौन सा मैथ है हे भगवान कितना आ रहा है अरे यार वैल्यू डाल दो ए कितना है टू प्लस अंडरवुड ऑफ ए स्क्वायर फोर प्लस फोर इन टू मॉड बी चार डिवाइडेड बाई टू कितना आ जाएगा टू रूट फाइव बाई टू सॉरी प्लस माइनस लगा दिया मैंने टू प्लस आ, टू रूट फाइव वन प्लस रूट फाइव वन प्लस रूट फाइव अब मारजेड मिनिमम कितना हो जाएगा माइनस टू प्लस अंडर उड ऑप वाई फोर प्लस फोर इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू तो माइनस वन प्लस रूट फाइव हो जाएगा minus two plus under root चलिए अब बताइए इसका जेड प्लस वन बाई जेड जेड प्लस वन बाई जेड का मॉड टू के बराबर है देन मॉड जेड मैक्सिमम बताइए और मॉड जेड मिनिमम बताइए फटाफट ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा नहीं तो इसका तरीका बहुत ज्यादा लंबा है फिर आप थक जाओगे ठीक है करते करते बताइए फटाक से मॉड जेड मैक्सिमम मॉड जेड मिनिमम कितना आएगा ये कह रहे कि एक पल्लवी जी हैं कह रही है भाग सर ये क्या पढ़ा रहे हैं पी के सर तो ये सब नहीं पढ़ाए हैं फिर ये वही वाली बात हो गई मैं बता रहा हूँ कौन सी बात हो गई है चले गए क्या नाम है उसका चले गए क्रिकेट के मैदान में तो कह रहे यार ये यहाँ पर फुटबॉल तो खेले नहीं जा रहा यार बताओ मैं तो फुटबॉल खेलने आया था भाई जो चल रहा है ठीक है वही तो पढ़ोगे चलो ये दूसरी है भाई <laughs> दूसरी मैच पढ़ रहे हम चलो अब देखिए बी कितना है आपका बी आपका वन है A, आपका क्या है टू है फॉर्मूले में ए प्लस अंडरवुड ऑफ ए स्क्वायर चार प्लस फोर इन टू मॉड ऑफ बी वन अपॉन टू तो टू प्लस अंडरवुड एट मतलब टू रूट टू बाई टू मतलब वन प्लस रूट टू आ जाएगा और मिनिमम कितना आ जाएगा फिर माइनस टू प्लस अंडरवुड ऑफ फोर प्लस फोर बाई टू ये आ जाएगा माइनस वन प्लस रूट टू आ जाएगा ये मिनिमम आ जाएगा ये कितना आ जाएगा मिनिमम हो जाएगा हाँ यही वाली बात है ठीक है चलिए ये दो क्वेश्चन है इसको फटाफट करते हैं हम ये दो क्वेश्चन हमारे पास वन और टू है पहले हम वन करते हैं द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आपको जेड द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जो इस कंडीशन को सेटिसफाई कर रही है तो मॉड ऑफ जेड बताना है आपको क्या बताना है मॉड ऑफ जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग जेड प्लस मॉड जेड बराबर टू प्लस एट आपको क्या चाहिए मॉड ऑफ जेड चाहिए तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मुझे मुझसे कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ रहा है क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझसे कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ रहा है बोल सकता हूं भाई कह रहा है कि Z mod Z, 2 है कि के बराबर है। मुझे मॉड ऑफ जेड चाहिए मुझे क्या चाहिए मॉड ऑफ जेड चाहिए इसका मतलब है मुझे जेड निकालना होगा जब जेड निकल जाएगा तो मॉड जेड निकल जाएगा तो कभी भी नंबर ऑफ सोलूशन निकालना हो इक्वेशन में कभी जेड निकालने को बोले चाहे लोकस आप जेड बोले सब में आप एक्स प्लस वाई डालोगे आपको जेड निकालना है तो आप पुट जेड बराबर एक्स प्लस वाई लेकिन उसके पहले एक काम कर सकते हो ठीक है कि यहां पर इसको ऐसे लिख लो पहले टू प्लस एट एयोटा माइनस मॉड जेड यहां पर अब जेड बराबर क्या रख देते हैं एक्स प्लस अयोटा वाई एक्स प्लस अयोटा वाई टू तो प्लस एट है और ये कितना हो जाएगा अंडरवुड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है मॉड ऑफ जेड निकालना है मतलब आप जेड निकाल लेगा तो मॉड ऑफ जेड आ जाएगा ठीक तो कितना हो जाएगा बताइए अब जो रियल पार्ट है देखो इमेजनरी पार्ट जो है वो वाई है इधर क्या है एट है तो वाई बराबर कितना आ गया एट तो y बराबर तो एट आ गया रियल पार्ट क्या है इधर x है उधर रियल पार्ट क्या है टू माइनस अंडरवुड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है अब मैं चाहता हूं इसको इधर ले आइए तो ये अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया और x को उधर लेके जाइए तो टू माइनस एक्स हो गया अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं और y बराबर एट पुट कर देते हैं देखते हैं x क्या क्या आ रहा है ठीक है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया और y भी एट भी पुट कर दिया ई को एट फूट कर दिया तो यहाँ सिक्सटी हो गया इसका स्क्वायर कितना होगा फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर तो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा यहां से फोर एक्स आ जाएगा बेटा माइनस का सिक्सटी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का पंद्रह तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गई माइनस पंद्रह प्लस एट आयोटा आ गई माइनस पंद्रह प्लस एट एयोटा तो बताइए मॉड ऑफ जेड कितना आ जाएगा ुड दो सौ पच्चीस प्लस सिक्सटी फोर बराबर कितना सेवेंटीन बताइए फटाफट देखो हमारे पास ये हमारे पास क्या थी एक इक्वेशन थी और हमें क्या बताना था मॉड जेड बताना था तो पहले हमें जेड निकालना पड़ेगा तो हमने क्या किया कि जेड बराबर एक्स प्लस है ऑटा वाई डाल दिया तो ये जेड है बाकी सबको उधर भेज दिया मैंने एक्स प्लस एटा वाई या फिर इधर भी रख सकते थे इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप इधर भी रख सकते चाहते तो ऐसा ना करना तुम्हें लग रहा है कि बहुत अजीब लग रहा है तो मैं एक काम करता हूँ इधर ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है इधर रखने से भी हो जाएगा ठीक है तो चाहे मैंने अलग कर दिया इधर कर दिया कोई बात नहीं तो जेड बराबर कितना हो गया टू प्लस एट आई माइनस नॉट जेड जेड बराबर एक्स प्लस रख दिया अब रियल पार्ट रियल पार्ट इमेजिनी के बराबर कर दिया तो वाई बराबर कितना आ गया 8. अब रियल पार्ट क्या है इधर इधर तो है है और इधर क्या टू माइनस अंडर लेकर आया और वाई की जगह एट डाल दिया मैंने चार माइनस सिक्सटी हो गया एक्स बराबर माइनस फिफ्टीन हो गया x बराबर माइनस फिफ्टीन हो गया y बराबर एट हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गई माइनस फिफ्टीन प्लस एट एटा होगी तो बताइए मॉड ऑफ क्या होगा सेवनटीन हो गया तो आप समझ रहे हो रूल्स क्या क्या चल रहे हैं रूल्स वही हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जेड पूछेगा नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछेगा लोकस पूछेगा तो मैं जेड बराबर एक्स प्लस वाई रखूंगा ठीक है चलिए तो कितना हो जाएगा आप देखो जेड बराबर दूसरा क्वेश्चन जो है वो जेड बराबर क्या है आर ई टू दावर आई थीटा है और देन आपको चाहिए ई e की पावर देन आपको चाहिए क्या ई टू दावर आई जेड का मॉड ई टू द पावर आई जेड का मॉड चाहिए फटाक से बताओ ई टू द पावर आर साइन थीटा टू दावर माइनस आर साइन थीटा ई टू दावर आर कॉस थीटा और डी एम नीक आपके पास जेड बराबर आई थीटा e है आर ई टू दावर आई थीटा और आपको चाहिए इ टू द पावर आई जेड का मॉड द पावर आई जेड मॉड मतलब ई टू दॉर आई जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी उसका क्या चाहिए आपको मॉड चाहिए तो पहले ई के पॉवर आई जेड निकालते हैं E की पावर आई इंटू जेड कितना है जेड हमारा क्या है आर ई टू पावर आई थीटा आर ई टू पावर आई थीटा ई टू द पावर आई इसको क्या लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा आयोटा आर साइन थीटा यही होगा यहां पर ठीक है कितना हो जाएगा बताइए ई टू द पावर आयोटा आर कॉस थीटा और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस वन तो माइनस आर साइन थीटा ये मल्टीप्लाई कर दिया अब बताइए इसको मैं लिख सकता हूं e टू दावर माइनस आर साइन थीटा इन टू ई टू दावर आयोटा आर कॉस थीटा मैं लिख सकता हूं आपको लग रहा है देखने में देखो ध्यान से ये किसकी वैल्यू आ रही है e टू दावर आई जेड की आ रही है तो आपको नहीं लग रहा कि जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर r e टू दावर आई में लिखा होता है तो ये जो r होता है वही मॉड होता है ध्यान तो से देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इतने टाइम्स e टू दावर आई ऐसे लिखा गया है इस फॉर्मेट में देखो ध्यान से ये r e की पावर i और ये आपका थीटा है तो यही क्या होगा आपका यही आपका क्या होगा ईट e पावर i z का क्या होगा मॉड होगा यही ईट e पावर i z का क्या होगा मॉड होगा ठीक है देखो एक बोलर है ना बोलर इसने एक चीज पूछी और उसको नहीं बताया तो कह रहा है कि हम ध्यान नहीं देते मैं चैट ही नहीं देखता बेटा हमेशा ठीक है चैट इसलिए नहीं बनाया गया ना मैं हमेशा चैट देखूंगा तो पढ़ाऊंगा क्या तब से एक चीज पूछे जा रहा है ठीक है और कह रहा आप ध्यान नहीं देते हैं जैसे क्या हुआ किसी को एक बार देखा देखो चढ़ाने वाली बात हो गई है इसकी कह रहा वैल्यू बताइए तो पहले बताओ वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है माइनस सॉरी जीरो होता है तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा माइनस ओमेगा होगा वन प्लस ओमेगा कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा हो जाएगा और वन प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब हो जाएगा तो ये ओमेगा के बराबर आ जाएगा ठीक है अब यहां देखिए ध्यान से इनमें भी सेम अप्रोच लगेगी बेटा इनमें भी क्या लगेगी सेम अप्रोच लगेगी ये पता करना है ना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है तो क्या पुट करोगे जेड बराबर एक्स प्लस उठा भाई चाहे आप फाइंड जेड इफ जेड प्लस वन का जो मॉड है वो जेड प्लस टू वन प्लस एयोटा है यहां से जेड निकालना है ठीक है यहां पर भी आपको जेड बराबर एक्स प्लस वाई ही पुट करना है और रियल पार्ट रियल पार्ट इमेज इमे, इमेजरी को कंपेयर कर लेना है और सेम काम आपको यहां करना है ठीक है के का स्क्वायर प्लस, प्लस वन के का स्क्वायर कितना हो जाएगा पांच के बराबर तो फाइंड मॉड ऑफ जेड स्क्वायर पूछा गया है ठीक है ये भी आपको वही करना है तो थ्योरी तो यार कुछ बची नहीं है ओमेगा वाले कॉन्सेप्ट चलो इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको और कराता हूं उसमें क्वेश्चन चलिए तो बताऊं मैं इसको ठीक है तो देखो ध्यान से जेड बराबर हम क्या पुट करेंगे प्लस है वही। तरीका वही है जेड बराबर एक्स प्लस वाई तो ये कितना हो जाएगा बताओ एक्स प्लस टू प्लस टू आतना होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा हो और ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस टू प्लस आयोटा वाई प्लस टू हो जाएगा तो देखो कंपेयर कराएंगे तो इधर इमेजनरी पार्ट y प्लस टू है इधर तो इमेजनरी ही नहीं है तो y प्लस टू बराबर जीरो होगा तो y बराबर तो माइनस टू मिल गया तो y बराबर y की तो वैल्यू मिल गई अब अब रियल पार्ट रियल पार्ट के बराबर कर देते हैं अंडरवुड ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस टू आप देख रहे हो मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन ला रहा हूं लेकिन तरीका नहीं बदल रहा इसलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस किया करो तुम्हें तो यह कहना नहीं पड़ेगा कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे किया जाए करना है इसका क्या मेथड है कैसे पता चला कि हमें यही डेट बराबर पुट करना है देखो जितने भी क्वेश्चन सबको वैसे ही में कर रहा है देखे? दोनों साथ करा X प्लस 1 प्लस 2X प्लस के साथ कट जाएगा अब वाई बराबर माइनस टू डाल देते हैं तो वन प्लस टू एक्स वाई बराबर माइनस टू डालेंगे तो ये हो जाएगा फोर बराबर फोर प्लस फोर एक्स हो जाएगा तो फोर से फोर कट जाएगा टू एक्स बराबर हो जाएगा वन एक्स बराबर हो जाएगा वन बाई टू एक्स वन बाई टू हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगी वन बाई टू माइनस टू आयोटा क्या हो जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर वन बाई टू माइनस टू आयोटा जल्दी बताइए दूसरे वाले को निकालिए इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी करवाया है मैंने दूसरा वाला निकालिए फटाफट दूसरा वाला निकालिए बात समझ में आ गई सेम तरीके से अपनाना है कोई दिक्कत नहीं है चेक कर लीजिए एक बार दूसरा वाला सेम तरीके से करिए आपको जेड बराबर रखिए एक्स प्लस एटा वाई जेड प्लस एक्स एक्स प्लस एटा वाई, वाई रखिए फटाफट ठीक है जल्दी रखिए जल्दी नहीं? कितना हो जाएगा एक्स प्लस एटा वाई रखेंगे तो डायरेक्ट रखू मैं एक्स प्लस एवोटा वाई माइनस वन मतलब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर पांच हो जाएगा यही तो होगा देखो x प्लस एवोटा वाई माइनस वन तो रियल पार्ट x माइनस वन हो गया इमेजिंग पार्ट y हो गया तो यही हो गया क्योंकि अंडर रूट होता है लेकिन यहाँ स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर यहां से एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहां से वाई स्क्वायर यहां से वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर हो जाएगा यहां से माइनस टू एक्स यहां से प्लस टू एक्स कट जाएगा यहां से वन यहां से वन टू हो जाएगा टू बराबर फाइव ठीक है तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा थ्री बाई टू ठीक है तो मॉट जेड स्क्वायर यही तो होता है यही तो मॉट जेड स्क्वायर होगा यही तो आपका मॉट जेड स्क्वायर होगा कर नहीं रहे हो तुम लोग लग रहा है पेन चलाओ भाई पेन चलाओ ठीक है जितना पेन चलाओगे उतना आपको फायदा मिलेगा बेटा फटाफट बताइए हो रहा है चलिए पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है ठीक है पहला है मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या है अधिकतम मान पहला क्वेश्चन तो शायद आपने कर चुके हो पहला तो करवा चुका हूं अधिकतम मान बताना है दूसरा वाला करवा देता हूं पहला वाला तो मैंने करवा के रखा है क्या करवाया था भाई जेड प्लस वन का बताना था जेड प्लस वन का मॉड क्या ले लिया सेम अप्रोच काम आएगी सेम अप्रोच काम आएगी आपको अब मैंने क्या कहा था कि जेड प्लस वन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो प्लस वन का मॉड ले लिया अब बताओ इसको मैं इस में कैसे लिख सकता हूं जेड प्लस फोर माइनस थ्री अब ये हो गया जेड प्लस फोर का मॉड और तीन का मॉड अब ये वैल्यू तीन है प्लस तीन कितना हो जाएगा छ तो जेड प्लस वन का मॉड जो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू सिक्स हो जाएगा जेड प्लस वन मैक्सिमम कितना आ जाएगा छ के बराबर आ जाएगा मैक्सिमम कितना आ जाएगा छ के बराबर हो जाएगा ठीक है दूसरी चीज देखो ध्यान से मैक्सिमम वैल्यू आप जेड प्लस टू का मॉड चाहिए सेम अप्रोच सेम तरीका अपनाएंगे इसमें भी कि आपको जेड प्लस टू चाहिए इसको हम लिख देंगे जेड प्लस फाइव जो ये दिया गया है अब आपको मैनेज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा माइनस थ्री का मॉड तभी तो टू होगा अब ये हो जाएगा जेड प्लस फाइव का मॉड

ऐसा ही होता है कि प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आपको पता लग जाता है कि यार इस चीज में क्या करना है हमें ठीक है इसमें क्या करना है हमें यहां पर क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू चाहिए न्यूनतम मान चाहिए न्यूनतम मान देखिए ध्यान से एक चीज समझिएगा जेड प्लस टू चल रहा है ना यहाँ पर जेड प्लस टू सॉरी जेड प्लस टू है ऊपर जेड प्लस वन था यहां जेड प्लस टू होगा जेड प्लस टू मैक्सिमम तो सेम तरीका देखिए जैसे जेड प्लस वन का मॉड है ना तो उसमें वही तरीका अपनाया कि मैंने जो जो कंडीशन दी थी वो डायरेक्ट लिख ली अब मैनेज करने के लिए मुझे माइनस थ्री लिखना पड़ेगा तो ये हो गया और डाल दिया सेम जेड प्लस टू का मॉट था उसको मैंने जेड प्लस फाइव लिख दिया अब मैनेज करने के लिए क्योंकि यहां टू है तो यहां पर माइनस थ्री लिखना पड़ेगा तो जेड प्लस फाइव का मॉट थ्री का मॉड फोर प्लस थ्री सेवन हो गया अब यहां पर देखो ये क्या चाहिए न्यूनतम मान चाहिए आपको जब कोई चीज मैक्सिमम दिखानी होती है तो आप उसको दिखाते हो लेस देन इक्वल टू समथिंग यदि ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैं कहूं एक्स लेस देन इक्वल टू ए है इसका मतलब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ए है या तो ए से कम है और जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए दिखाएंगे तो कहेंगे मॉड जेड प्लस मॉड प्लस टू ये है और दूसरा जो है तो आपके पास है वो जेड प्लस टू का मॉड प्लस जेड माइनस टू का मॉड है ये दो क्वेश्चन है इनकी क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू देखो जब मैक्सिमम दिखाना है तो हम ऐसे दिखाएंगे कोई भी चीज लेस देन इक्वल टू समथिंग है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ए होगी और कोई भी चीज ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी ए हो जाएगी अब मेरी बात सुनिएगा अब आपको क्या चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू हम क्या जानते हैं एक फॉर्मूला का जो मॉड होता है वो लेस इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू बस कोई दिक्कत नहीं मॉड ऑफ जेड अच्छा एक बात बताओ इस जेड प्लस टू को यदि हम कुछ देर के लिए माइनस जेड माइनस टू लिख दे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है इन दोनों में दोनों चीजें एक ही है कि नहीं इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं है ना अब ये बताइए ये आपका जेड वन है और ये आपका जेड टू है तो जेड वन प्लस जेड टू का जो मॉड है वो क्या हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना भाई ये जो मॉड ऑफ जेड वन ये या तो ऐसे लिख सकते हो आप या तो ऐसे लिख सकते हो कि मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू का जो मॉड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू के मॉड के बराबर होगा ये दोनों चीजें एक है ही हैं अब यहां पर वही लगाएंगे हम यदि मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग दिखाऊंगा जैसा मैंने आपको वहां पर सिखाया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड वन प्लस जेड टू का मॉड तो जेड वन क्या है आपका जेड है और जेड टू क्या है आपका माइनस जेड है माइनस टू है देखो ये कट जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू आ जाएगा तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी अब इसको मैं फिर से जेड प्लस टू का मॉड ही लिख देता हूँ मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई मिनिमम वैल्यू टू आ गई कि नहीं मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई टू आ गई अब सेम चीज आपको यहां दिखानी है दूसरे वाले में भी यही करना है दूसरे वाले में भी यही करना है जेड प्लस टू का मॉड और जेड माइनस टू का मॉड है तो सेम दिखाइए आप जेड प्लस टू का मॉड अच्छा बताओ इस जेड माइनस टू को यदि मैं टू माइनस जेड लिख दूं तो कोई अंतर तो है नहीं कोई अंतर नहीं है ना भाई इस जेड माइनस टू को यदि जेड लिख दूं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है ये चीज यही है अब देखो मॉड ऑफ जेड वन प्लस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू होगा मतलब जेड प्लस टू प्लस टू माइनस जेड तो ये कट जाएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू फोर आ गया बताइए मिनिमम वैल्यू कितनी होगी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई आपकी फोर हो गई मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई फोर हो गई नहीं ये देखो वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी इसलिए तब हमने जेड वन प्लस जेड सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वहां पर हम इसकी वैल्यू डाल रहे थे इधर से अब थोड़ा सा रिवर्स हो गया प्रोसेस ठीक है ये रिवर्स हो गया फाइंड नंबर ऑफ कॉमन रूट्स उभयनिष्ठ जेड की पावर दो हजार तेरह प्लस जेड की पावर दो हजार चौदह प्लस जेड की पावर दो हजार पंद्रह की पावर जीरो के उभयनिष्ठ मूलों की संख्या बहुत फेमस क्वेश्चन है ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फेमस है नहीं एक्सप्ल नहीं यूज करोगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फेमस है ठीक है अरे क्या खुल गया अभी तो क्या चल रहा था फाइंड द कॉमन रूट्स आपके कॉमन रूट्स चाहिए इसके उबेनिष्ट मूल चाहिए उबेनिष्ट मूलों की संख्या तो ऑप्शन दे दूं मैं आपको जीरो वन टू थ्री इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो बार आ चुका है एक इसी साल आया था 2023 हजार सेकंड में और एक पहले आया हुआ है। ये नहीं था ये थोड़ा सा अलग है उससे। बस है इसी टाइप का ठीक है है इसी टाइप का। अब देखिए नंबर ऑफ कॉमन रूट्स पता करना है। तो एक बार हम ये पता कर लेते हैं कि यार क्या रूट है plus plus 1, इसके क्या रूट्स हैं एक चीज समझ में आती है हमें यदि मैं z बराबर minus one रख दूं, तो इसको satisfy करेगा क्या? देखो एक बार। z बराबर minus one इसको satisfy कर रहा है क्या? minus one रखेंगे तो minus one plus two minus two plus one। हाँ, z बराबर minus one इस इक्वेशन को satisfy कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो z plus one होगा, इसका एक रूट होगा। z plus one क्या होगा? एक रूट होगा इसका। जेड बराबर माइनस वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब जेड प्लस वन इसका क्या है? एक रूट होगा कोई बात नहीं अब जेड प्लस वन एक रूट होगा सॉरी मतलब फैक्टर फैक्टर होगा रूट नहीं बराबर वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब जेड बराबर माइनस वन ये तो रूट हो गया इसका और जो जेड प्लस वन होगा एक फैक्टर होगा ये फैक्टर थ्योरम से आप जानते हो तो जेड प्लस वन होगा वो क्या आएगा एक फैक्टर आएगा इसका अब वही हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ जेड स्क्वायर कर दें प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देखो यहाँ से जेड प्लस वन आ जाएगा और इस टू जेड को ब्रेक कर देते हैं जेड जेड प्लस वन बराबर जीरो यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ले तो ले जेड प्लस वन यहाँ से जेड कॉमन ले लेंगे ले तो ले जेड प्लस वन यहाँ से वन कॉमन ले लेंगे तो जेड प्लस वन बराबर जीरो जेड प्लस वन कॉमन ले लिया तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन बराबर जीरो तो जेड की वैल्यू एक तो माइनस वन आ गई यहां से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी कि नहीं तो तीन वैल्यू तो पहले वाले से मिल गई तीन वैल्यू पहले वाले से मिल गई ठीक है पहले वाले से क्या मिल गई तीन वैल्यू मिल गई पहले वाले से जेड बराबर माइनस वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अब यही चेक करना है कि इनमें से कौन सा इसका भी रूट है थोड़ा सा एक काम करिए एक काम करिए इसमें जेड की पावर 2013 कॉमन ले लीजिए ठीक है क्या बचेगा वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर यही तो बचेगा बेटा यही तो बचेगा यही तो, तो बचेगा अब ध्यान से देखिए देखो माइनस वन तो नहीं सेटिसफाई करने वाला एक तय है माइनस वन तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है लेकिन ओमेगा ध्यान से देखिए जेड बराबर ओमेगा डालेंगे इसको छोड़िए अभी वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होगा इसका मतलब जेड बराबर ओमेगा इसका तो रूट आया ही आया है इसका भी एक रूट होगा क्योंकि वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो हो गया ठीक है ये तीन दो पांच एक छे ये भी तीन से डिवाइड हो रहा है इसलिए ये भी वन आएगा ये छोड़ो जब ये जीरो हो गया तो बस छोड़ो इसको क्या निकालना है अब ओमेगा स्क्वायर रख के देख लीजिए ओमेगा स्क्वायर रखेंगे जेड की जगह ये छोड़िए क्या आएगा अभी ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और जब जेड बराबर ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो ये ओमेगा की पावर फोर हो जाएगा और ओमेगा की पावर फोर ओमेगा ही होता है तो देखो ये भी जीरो हो जाएगा इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो दो आंसर होगा तुक्का मत मारा करो तुक्का मत मारा करो फटाफट तुक्का, तुक्का मार देते हो दो कॉमन रूट होंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दोनों सेटिसफाई कर रहा है देख लीजिए यहां से जेड की वैल्यू माइनस ओम वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आई जैसे ही इसमें रखेंगे आप देखिए पावर की पावर 2013 कॉमन ले लीजिए वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर बचेगा ओमेगा रखिए देखिये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है और ओमेगा स्क्वायर पर भी जीरो आ रहा है इसका मतलब ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दो कॉमन रूट हो गए ना बात समझ में आ रही है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये दो आपके रूट मिल जाएंगे कॉमन रूट ठीक है ध्यान रखिएगा इस बात का चलिए यहां पर लोग का जेड बताना है इफ जेड स्क्वायर माइनस वन का मॉड देन लोकस ऑफ लोकस ऑफ का क्या बताना है बिंदु का क्या बताना है बिंदु पथ क्या करेंगे फिर से वही तरीका लोकस निकालने का जेड बराबर क्या रख देंगे एक्सप्ल है क्या रख देंगे जेड बराबर लेट जेड बराबर एक्स प्लस ओटा वाई तो ये कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वन का मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स आयोटा वाई माइनस वन का मॉड और मॉड जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वन कोई बात नहीं ठीक है ये क्या हो जाएगा इसका अ, इसका मॉडल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क् और टू एक्स वाई का होल देंगे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे ना देखो मैंने वही तरीका अपनाया है जेड बराबर एक्स प्लस वही डाल दिया है बस जेड स्क्वायर कर दिया है वो आपको भी आता है मॉडल रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिन पार्ट का स्क्वायर वो आपको भी आता है अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे और अच्छा इसका होल स्क्वायर भी कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी प्लस टू ए बी माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू बी सी टू वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस टू ए सी कितना हो जाएगा टू ए बी टू बी सी टू सी ए टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर स्क्वायर एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा अब इसको सॉल्व कर लीजिए x की पावर फोर y की पावर फोर प्लस वन तो कट जाएगा और क्या कट जाएगा देखो ये फोर एक्स स्क्सर वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा इसके साथ कट जाएगा और बताइए टू वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर के साथ कट जाएगा फोर एक्स स्क्वायर बराबर जीरो मतलब एक्स बराबर जीरो आ जाएगा तो लोकस क्या आ जाएगा एक्स बराबर जीरो आ जाएगा लोकस क्या आ जाएगा एक्स बराबर जीरो आ जाएगा दोनों साइड स्क्वायर कर दिया बेटा दोनों साइड स्क्वायर कर दिया मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया इधर भी स्क्वायर कर दिया यहां पर मॉड जेड स्क्वायर है तो इसीलिए सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख दिया है मॉड जेड स्क्वायर है मॉड जेड नहीं है आप देख रहे हो जितने भी लोकस हैं शायद आप कह रहे थे कि लोकस के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तरीका आपको वही अपनाना है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है आपको सेम तरीका अपनाना है जेड बराबर एक्सप्रेस डालते जाइए आंसर आता जाएगा तो कोई टॉपिक तो नहीं छूटा हमारा टॉपिक हो गया है क्या सारा चलिए एक ये वाला टॉपिक बता देता हूं इसमें बचा हुआ है जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड वन का मॉड और जेड माइनस जेड टू का मॉड यदि K के बराबर है अब अच्छा है, हमें तीन एक चीज मैं पढ़ा चुका हूं आपको एक चीज पढ़ा चुका हूं वो क्या था ये था वो ये था ये मैं पढ़ा चुका हूं कि जब जेड की जेड की जेड वन से जो दूरी है और जेड की z2 से जो दूरी है उन दोनों का सम जेड की जेड़ वन से दूरी और जेड से जेड टू की जो दूरी है उनका जो सम है वो क्या आ रहा है वन से जेड टू की दूरी के सम के बराबर आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि एक, एक ही लाइन सेगमेंट में है ये को लीनियर है कहने का मतलब है इससे तो ये प्रूफ होता है लेकिन मान लीजिए आपके एग्जाम में ये आता है कि जेड माइनस का मॉड और जेड माइनस जेड टू का मॉड यदि के, के बराबर है और ये जो के दूरी है वो जेडवन माइनस जेड टू इसकी दूरी से ज्यादा है इस केस में बताइए जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा इस केस में जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा जब जेडवन की जेडवन से दूरी सॉरी तो जेड की जेडवन से दूरी जेड जेड की जेड टू से दूरी इसका जो सम है वो एक कांस्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है एक कांस्टेंट आ रहा है लेकिन वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए वन और जेड टू की दूरी से वन और टू के बीच की दूरी जो है उससे बड़ा होना चाहिए तो ये बताइए इस समय ये जेड क्या होगा कौन बताएगा मुझे कुछ इलिप्स वाली कहानी याद है आपको इलिप्स की कहानी मैं आपको बता देता हूं इलिप्स की कहानी आप इलिप्स के केस में एक चीज जानते हो यदि मैं ए ग्रेटर देन बी वाला केस ले लेता हूं तो फोकाई जो होता है वो ए कॉमा जीरो होता है और यहाँ होता है माइनस ए कॉमा जीरो इसको एस वन मान लेता हूँ इसको एस टू मान लेता हूँ एक पॉइंट पी है तो पी की एस वन से दूरी और पी की एस टू से दूरी ठीक है और ये होता है ए कॉमा जीरो और ये होता है माइनस ए कॉमा जीरो ये बताइए फोकल डिस्टेंस क्या होती है पी एस वन प्लस पी एस टू आपको पता होगा ट्वाइस ऑफ ए के बराबर होता है मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है दीर्घ की लंबाई के बराबर होता है याद आ रहा है ठीक है तो यही वो कहना चाहता है कि जेड की मान लीजिए इसकी इससे जो दूरी है और इससे जो इसकी दूरी है वो एक कांस्टेंट आ जाए क्या जाये? आ जाए कांस्टेंट आ जाए देखो आती है ना इसमें पी एस वन प्लस पी टू टू ए ये कांस्टेंट आती है ये क्या आती है कांस्टेंट आती है टू ए ही होगी हमेशा सम ऑफ फोकल डिस्टेंस हमेशा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होती है दीर्घ की लंबाई के बराबर लेकिन ये टू ए दूरी कहां से कहां तक होती पता है वो दूरी यहां से लेकर यहां तक होती है तो वो यही कहना चाह रहा है कि ये कॉन्स्टेंट तो आए लेकिन ये जो के आ रहा है ना वो इन दोनों ये जो S1 S2 है इन दोनों की जो बीच की दूरी है ना उससे ज्यादा आना चाहिए यदि मैं मैं ये कहूं कि जेड मेरा ये जेड वन है और ये आपका जेड टू है तो इलिप्स के केस में यदि ये जेड वन फोकाई बन रहा है इलिप्स का जेड टू भी फोकाई बन रहा है तो जेड माइनस जेड वन का मॉड और z माइनस जेड टू का मॉड जो आए वो क्या है वो यहां से यहां तक की लेंथ आएगा तो कांस्टेंट ही और वो क्या आएगा मतलब 2a के बराबर मान लीजिए यहां से यहां तक 2a है अब ये जो 2a है वो ज्यादा आना चाहिए ना जेड और जेड के बीच से दूरी से यदि ऐसा हो रहा है इसलिए बोला है कि जेड की जेड से दूरी जेड की जेड से जो दूरी है इनका जो सम आए वो कांस्टेंट तो आना चाहिए लेकिन वो कॉन्स्टेंट जेड वन और जेड टू की दूरी से बड़ा होना चाहिए मतलब इन दोनों से बड़ा होना चाहिए तो फिर ये वाला हो जाएगा उस केस में यहां पर जेड क्या होगा इलिप्स होगा होगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन बन सकता है बेटा ठीक है बात समझ में आ रही है ये बात समझ में आई कि नहीं भाई जो समा फोकल डिस्टेंस होती है वो होती है टू ए के बराबर फिक्स होती है मतलब दो तो डिस्टेंस का सम यदि एक कोई कांस्टेंट आ रहा है तो वो इलिप्स होगा लेकिन वो जो कांस्टेंट आ रहा है वो उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी से बड़ा होना चाहिए कि जो के होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए तभी ये कंसीडर मतलब माना जाएगा ये चीज इलिप्स है बात समझ में आ गई और सेम केस आपको डिफरेंस निकालना है ये हाई बोला हो जाएगा इस केस में क्या हो जाएगा हाई बोला होगा अति परवल यदि डिफरेंस के आ रहा है और के जो है वो जेड वन जेड टू की दूरी से क्या है कम है तो इस केस में अति परवल होगा इसको याद कर लीजिए याद कर लीजिएगा तीन ये केस याद कर लीजिएगा क्योंकि ज्योमेट्री जब पेपर में आएगी तो थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ेगी कॉम्प्लेक्स नंबर की बाकी चीजें आप आसानी से निकाल लेते हो लेकिन ज्योमेट्री वाला पार्ट थोड़ा सा कठिन होता है कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो आ सकता है इसका तो आप इनकार नहीं कर सकते ठीक है बात समझ में आ गई है तो मैंने बता ही दिया सब कुछ कुछ बचा है क्या कोई टॉपिक डिमाइवर्स थ्योरम डिमाइवर्स थ्योरम बता दिया था मैंने फायर उठ हो गया है और क्या हो गया है कोलर फॉर्म हो गया है आर्गूमेंट हो गया है मॉडुलस हो गया है प्योरली रियल प्योरली इमेजनरी हो गया छूटा तो नहीं है कुछ कोई टॉपिक वैसे चलिए चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट इसका क्या चाहिए मॉडुलस चाहिए फटाफट बताओ मॉडुलस इसका क्या चाहिए मॉडुलस चाहिए चलिए फटाफट बताइए द वैल्यू ऑफ वन प्लस अयोटा रूट थ्री अपॉन वन प्लस वन बाई अयोटा प्लस वन का होल स्क्वायर इसका क्या चाहिए मॉडलस चाहिए तो मॉड में अलग अलग करा लेते हैं वैल्यू को ना थोड़ा मिनट काम करते वन प्लस आयोटा रूट थ्री ऊपर वाला अलग मॉड लगा देता हूं मैं नीचे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं मैं आयोटा प्लस वन है ना ये आयोटा प्लस वन आयोटा प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन आयोटा प्लस वन का होल स्क्वायर इसका मॉड अलग करा देता हूं दोनों का मॉड अलग करा देता हूं ऊपर का अलग करा दे नीचे गलत करा दिया ऊपर कितना हो जाएगा बताइए अंडरवुड ऑफ थ्री प्लस वन और इसका मॉड क्या हो जाएगा देखो जेड स्क्वायर का मॉड निकालें चाहे मॉड जेड का स्क्वायर करें दोनों में कोई अंतर नहीं है जेड स्क्वायर का मॉड निकालें चाहे मॉड जेड स्क्वायर करें दोनों में कोई अंतर नहीं है जेड स्क्वायर का मॉड निकालें चाहे मॉड जेड स्क्वायर करें दोनों में कोई अंतर नहीं है तो यहां पर आप चाहो तो इसे आयोटा प्लस टू के मॉड का स्क्वायर कर लो और आयोटा प्लस वन के मॉड का स्क्वायर कर लो कितना हो जाएगा ऊपर तो टू आ गया नीचे कितना हो जाएगा ये रूट फाइव का स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये टू अपॉन फाइव बाई टू मतलब फोर बाई फाइव आएगा क्या बताना फटाफट फोर बाई फाइव आएगा क्या चेक करो फोर बाई फाइव आएगा चलिए आगे चलते हैं किसका बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए आर्गुमेंट ऑफ जेड बार माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड बार देखो पहले बताओ कि आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू होता कितना है कितना है क्या होता है जेड वन अपॉन जेड टू होता है ये कितना हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड बार अपॉन माइनस जेड बार ठीक है जेड वन अपॉन जेड टू कर लिया मैंने तो जेड बार जड़ बार कट जाएगा आर्गुमेंट ऑफ कितना आ जाएगा माइनस वन अब माइनस वन कॉम्प्लेक्स नंबर कहां मिलेगी आपको यहां मिलेगी इसका आर्गूमेंट कितना आ जाएगा पाई इसका आर्गुमेंट कितना आ जाएगा पाई के बराबर कितना आ जाएगा पाई के बराबर ठीक है क्या आ जाएगा पाई के बराबर बेटा ये काम मेरा नहीं है आप ठीक है सो प्लीज मेरे से मत बोलो ठीक है एक ही मैसेज को प्लीज बार बार मत करो नंबर ऑफ सोलूशन जेड स्क्वायर प्लस जेड बार बराबर जीरो नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने है. क्या करेंगे बताइए नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन जेड बराबर क्या रखेंगे एक्सप्ल एयोटा वाई तरीका थोड़ा बदल जाएगा मैंने आपको जो बताया था वही इस्तेमाल होगा बेटा ठीक है तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा ये प्लस एयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड बार मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई बराबर जीरो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई बराबर जीरो और ये कितना हो जाएगा टू एक्स वाई माइनस वाई आयोटा बराबर जीरो तो यहां से ये टू एक्स माइनस वन वाई बराबर जीरो होगा तो वाई बराबर एक तो जीरो आएगा और एक आएगा एक्स बराबर वन बाई टू दो चीजें आएंगी यहां से और एक तो रिजल्ट आपको ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस एक्स बराबर जीरो पहला केस वेन वाई बराबर जीरो पहला केस जब वाई जीरो होगा पहला केस यहां से दो चीजें आई ना एक वाई जीरो आया अब वाई जीरो इस्तेमाल करते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी जीरो और माइनस वन तो देखो एक तो जीरो कॉमा जीरो बन गया और एक माइनस वन कॉमा जीरो बन गया भाई जीरो वाई जीरो पर एक्स जीरो और वाई जीरो पर एक्स माइनस वन तो जीरो कॉमा जीरो माइनस वन कॉमा जीरो तो दो सोल्यूशन तो यहाँ पर आ गए ठीक है दो सल्यूशन तो यहां से आ गए ठीक और दूसरा जब एक्स बराबर वन बाई टू होगा जब एक्स बराबर वन बाई टू होगा तो ये वन बाई फोर हो जाएगा और ये हो जाएगा वन बाई टू बराबर वाई स्क्वायर तो वाई बराबर कितना हो जाएगा ये प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू होगा क्या तो यहां से भी दो वैल्यूज आएगी वन कॉमा टू रूट थ्री बाई टू आ जाएगा और जब एक्स वन बाई टू होगा तो वाई माइनस रूट थ्री बाई टू भी होगा तो दो सोल्यूशन आपको यहां से भी मिल गए कितने हो गए चार हो गए क्या चेक करो चार हो गए क्या चार हो गए ना जब y बराबर जीरो लिया तो x की वैल्यू जीरो और माइनस वन आई तो दो सोल्यूशन जीरो कॉमा जीरो माइनस वन कॉमा जीरो हो गए और यहां से एक्स बराबर वन बाई टू पर भी तो रियल इमेजरी पार्ट जीरो यहां से क्या आ गई आ, वाई की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू ठीक है, है। चलिए इसको करिए फटाफट तरीका मैंने बता दिया सोल्यूशन चाहिए आपको क्या करना है आपको मैंने बता दिया वैसे ये आसान है क्वेश्चन यहां पर देखो आ, ये क्वेश्चन तो आसान है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भाई सोल्यूशन निकालना है क्या तरीका है भाई जेड बराबर X प्लस है भाई? क्या तरीका है जेड बराबर होता भाई यही ना जेड बराबर एक्सप्ल से होटा भाई क्या करेंगे बताइए बताइए फटाफट जेड बराबर एक्स प्लस एटा वाई रखिए और बताइए आंसर इसका कितना आएगा एक काम करते हैं मॉड जेड को इधर ही रखते हैं <coughs> जेड प्लस प्लस वन प्लस टू होगा। कोई बात नहीं जेड बराबर एक्स प्लस एयोटा वाई डालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर उड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ क्या होगा एक्स प्लस एयोटा वाई प्लस वन प्लस टू एयोटा कितना हो जाएगा x प्लस वन प्लस आयोटा वाई प्लस टू यदि हम इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो इमेजनरी पार्ट क्या होगा y प्लस टू है इधर इमेजनरी पार्ट क्या है जीरो है इसका मतलब है y प्लस टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो y बराबर माइनस टू आ जाएगा भाई इधर इमेजनरी पार्ट क्या है माइनस टू ये है y प्लस टू इधर इमेजनरी पार्ट क्या है आपका कुछ नहीं है तो जीरो हो जाएगा कंपेयर करने पर तो वाई तो माइनस टू मिल गया वाई माइनस टू केवल इसमें नजर आ रहा है तो इसीलिए फिर हमारा यही आंसर हो जाएगा आगे चेक करने की जरूरत है नहीं यदि आपने सही किया है तो फिर क्योंकि एक ही ऑप्शन में तो वही सही है नहीं तो आगे प्रोसेस कर लीजिए ठीक है हो सकता दो तीन में भी माइनस टू एवटा माइनस टू एवटा आ जाए तो क्या करते हैं रियल पार्ट क्या है अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर रियल पार्ट क्या है एक्स प्लस वन दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स वाई की वैल्यू मैं माइनस टू डाल देता हूं तो वाई की वैल्यू माइनस टू डालूंगा तो ये फोर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स ये इसके साथ कट जाएगा ठीक है टू एक्स बराबर आ जाएगा थ्री तो एक्स बराबर आ जाएगा थ्री बाई टू एक्स थ्री बाई टू आ गया वाई आ गया माइनस टू तो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी थ्री बाई टू माइनस टू बाई नहीं होगी तो आपको समझ में आ रहा है अब कि आपने वो जो मेथड सीखा है वो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसमें वही लगाओगे तरीका यही मैं आपको सिखाता हूं कि जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो ना जब आप बढ़िया से पढ़ते हो प्रैक्टिस करते हो तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चन एक ही बार में लग जाएंगे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगना शुरू हो जाएंगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी देखिए सब मैं वही कर रहा हूं मैं नया थोड़ा कर रहा हूं मैं नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए यही काम किया जाएगा इसमें भी यही काम किया जाएगा इसमें भी चलिए ये आर्गूमेंट छो, छोड़ दू पीछे वाला मैं ठीक है ये वाला करिए जेड बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार का मॉड ये किसके बराबर होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मॉड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार का मॉड क्वेश्चन देखो तो बहुत सारे हैं इधर ये देखो क्वेश्चन की कमी नहीं है क्वेश्चन तो बहुत है देखो देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये कितने सारे देखो देखो कितने क्वेश्चन चलो छोड़ो ठंड नहीं बताओ छोड़ दें छोड़ दें तुम्हें सारे बताने में ना तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा तो ये जा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे उनको लगाइएगा ठीक तो है इनको लगाइएगा तो अच्छे क्वेश्चन है देखिए सब बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं तो बस यहीं पर हम क्लास को एंड करते हैं कराने को बहुत कुछ है आप भी थक गए होंगे ठीक है और कितना करोगे तो हमारी ये रुस्तम सीरीज चल रही है और आई होप आपको आज दो क्लासेस देखने को मिली मॉर्निंग में जोग्राफी की और इवनिंग में मैथ्स की दोनों क्लासेस में बहुत मजा आया होगा आपको नेक्स्ट क्लास कल शायद इंग्लिश की क्लास है ठीक है और नेक्स्ट क्लास जो मेरी आपको देखने को मिलेगी वो थर्सडे को मिलेगी मॉर्निंग में नाइन ए एम पर और उस दिन होगा परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम और संडे को उसके बाद मेरी तीसरी क्लास आपको देखने को मिलेगी होली से पहले वो मिलेगी ट्रिग्नोमेट्रिक इन वन शॉट नहीं मैंने अब थोड़ा घर पे ही जाने का भी सब समय हो गया नौ बज गया ठीक है ऐसा नहीं है पढ़ाने को तो देखो क्वेश्चन ऐसे हैं पढ़ाने को तो फिर आप चार घंटे में मैथ खत्म हो जाती है वो तो पढ़ाने पर आओ तो फिर आप बीस घंटे भी पढ़ाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म नहीं हो तो मैंने मोटा मोटी सब चीज़ें बता दी हैं और सारा मैं ही लगाऊंगा तो काम नहीं होगा ना आपको भी लगाना पड़ेगा ठीक है आई होप आपके कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गया होगा बताइए फटाफट बता दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर क्लियर हो गया आपको लोकस क्लियर हो गया जहां पर आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम हुआ करती थी आज एयरफोर्स के एग्जाम में डायरेक्ट आपकी लिखी फॉर्मूले से ही क्वेश्चन था चलिए तो अच्छी बात है बेटा क्लियर है चैप्टर अच्छा है हो गया आपका मजा आया देखिए मैं आपको एक अच्छे लेवल तक लेकर गया हूँ देखिए उधर तो ठीक है ज्योमेट्री में आके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको आप लगाइएगा किसी हम सेशन ऑब्वियसली दस मतलब आखिरी के समय में जब हम प्रैक्टिस करेंगे अभी तो वन शॉट चल रहा है लेकिन वही दस बारह तारीख अप्रैल में आखिरी के छः सात आठ दिनों में जब हम खुद तगड़ी एक हफ्ते प्रैक्टिस करेंगे उसमें मैं आपको मेरे बचे हुए क्वेश्चन इस तरह के लेवल के क्वेश्चन कराऊँगा चलिए फिर ठीक है चलिए अगला जो चैप्टर रहेगा वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम दो चैप्टर हैं थ्योरी ज्यादा नहीं है इन चैप्टर्स में पर क्वेश्चंस बहुत है थ्योरी ज्यादा नहीं है देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो पूरा चैप्टर वाइज मतलब क्वेश्चन से ही आपको वो टॉपिक समझ में आएगा बाइनोमियल थ्योरम है हाँ ठीक है थोड़े टॉपिक्स हैं ठीक है चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही आ, फिर से हमारी आपकी मुलाकात थर्सडे को होगी तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद बाकी और भी आ, हमारे सर लोग की क्लासेस और भी सब्जेक्ट की क्लासेस कल से कंटिन्यू रहेगी आपके साथ पूरी तरह से जो तो जीएस की टीम है आपके साथ लग गई है तो मैं आशा करता हूं आप भी लगेंगी केवल यह नहीं कि टीचर सर ने बहुत मेहनत कर दी और खुश हो रहे उस बात से उससे कतई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आप घर पे जाके मेहनत नहीं करोगे ना बेटा तो ये सारी मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी बस सिंपल सी बात यही है ये। आप यदि मैं मेहनत कर रहा हूं और थोड़ा भी आपको लगता है कि यार हमारी के टीम और मैंने आपके लिए मेहनत करा और मैं आप देखो सुबह भी सर पढ़ा के गए कल भी इंग्लिश की चलेगी क्लास कंटिन्यू क्लास चलेगी चलेगी और सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप घर में जाके सो जाइए तुरंत आप जाके मेहनत करिए आपको टीचर चार घंटे पढ़ा रहा है तो आप उसे आठ घंटे पढ़िए खुद से तब तो एग्जाम में फायदा मिलेगा ठीक है चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही गुड नाइट एवरी थैंक यू जय हिंद और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जल्दी ही आपके सामने है इकतीस मार्च सात अप्रैल चौदह अप्रैल जल्दी ही मैं आपको या फिर हमारी कोई भी टीम आप आ, कोई भी टीचर्स हम लोग आपको ये बता देंगे कि ये ये सब कहाँ होगा एग्जैक्टली ठीक है बस याद रखिए इकतीस मार्च सेवन अप्रैल चौदह अप्रैल के दिन आपको टेस्ट देखने को मिलेगा ओके एस एस बी इंटरव्यू की भी बैचेज रनिंग है तो आप कॉन्टेक्ट इंक्वायरी नंबर पर फोन करके पता कर सकते हो सब कुछ डिटेल ठीक है और एन डी एस सी डी एस का भी जो सेकेंड वाला जो सेप्टेम्बर में एग्जाम है उसका भी बैच बस आई जाएगा उसे भी आप इनरोल कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट सेशन के लिए और एक एक बहुत ही बेहतरीन की ऑफलाइन बैच आपको देहरादून में आपको न्यूज सेशन से आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो जो देहरादून जाकर डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो तो देखिए बाकायदा ये बोर्ड भी लगा हुआ है ठीक है तो देहरादून जाइए और आपको पता करना है कहाँ पर है तो हमारी टीम कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन कर लीजिए आपको पता लग जाएगा वो बता देंगे डिटेल सब कुछ ठीक है चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही गुड नाइट शुभरात्रि थैंक यू